थैंक यू फॉर हैविंग अस यार. और मैं ऑडियंस को कहूंगा कि डू गो टू द सिनेमाज एंड वॉच आवर फिल्म मदारी ऑन ईद उल अजहा. ईद उल अजहा पे आ रही है, आप लोग देखें, जाके देखें, अच्छी लगे बुरी लगे वो बात की बात है, बिल्कुल देखें और फिर अपना ओपिनियन दें. बट आई एम श्योर एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह. सर ये कभी ना कभी जाएगा, कभी ना कभी जाएगा अभी ये मुल्क हमारा है, ये कभी ना कभी ऊपर जाएगा. अब हमारा है तो हम लेके जाएंगे ना उस पे बात करते हैं कि हम कैसे लेके जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए. टाइम लगेगा यार, इतना बड़ी इंडस्ट्री तो हमारी इंडस्ट्री नहीं है ना, तो ऑब्वियसली सेइंग के यार हम उस तरह का कर सकते हैं वो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बहुत ओवर एम्बिशियस. हाँ नहीं, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की पोटेंशियल हमारे अंदर जो यंग ब्लड पोटेंशियल है और बहुत है बट मौके नहीं मिल रहे. वो तो देखो मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि नेचर, ये नेचर का हिस्सा ही है ना अभी ये सारा. और नेपोटिज्म की बात ये है कि नेपोटिज्म का कोई मसला नहीं है यार, कहाँ नहीं होती. सही है, कहाँ नहीं होती. आपका मुल्क नेपोटिज्म पे चल रहा है. बैकग्राउंड स्कोर पे बहुत काम किया है और बहुत अच्छा है. मतलब ये नहीं कि मेरी फिल्म है, मुझे लगता है 50% रोल इंपैक्ट, वन ऑफ द फ्यू पाकिस्तानी फिल्म जिनका बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है. स्पेशली व्हेन यू गो एंड वॉच इट इन सिनेमास तो सराउंड साउंड एक्सपीरियंस जो होगा वो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय इट. ये भी कर लें, देखें बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि फिर फिल्म नहीं बनाएंगे. फिल्म तो फिर भी बनेगी, चाहे बैन हो जाए फिर कोई ना कोई वो रास्ता निकाल लेती है. अब जैसे मेरी फिल्म आ रही है 2 जून को कुकड़ी के नाम से, जावेद इकबाल, जो पहले तो बैन हो गई थी वो सर्टन रीजंस की वजह से, लेकिन फिर उसके बाद अब दोबारा से उसको जो है इजाजत मिल गई और वो आ रही है, लोग देखेंगे. दिल बर्दाश्त हो जाता है, कहता है यार मैं कैसे मुल्क में हूँ, यहाँ पे तो कोई इज्जत ही नहीं है हमारी. बाहर मुल्कों में चले जाएं तो टीचर्स और एक्टर्स और परफॉर्मर्स को एक क्लास सिटीजन माना जाता है, उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनको बड़ा उनको सरांखों पे बिठाया जाता है. हमारे हमारे पड़ोस मुल्क में चले जाएं, उधर इतनी इज्जत है एक्टर की, वहां पे जो लेम से लेम, जो मीडियोकर से मीडियोकर जो भी जो सेलिब्रिटी होगा ना, उसको भी वो सर आंखों पे बिठा देते हैं, जज बना देते हैं. हमारे यहाँ हमारे साथ सेल्फी तो खिंचाना पसंद करेंगे लेकिन हमें इज्जत नहीं देंगे. स्टोरी टेलिंग में पोटेंशियल है जिस तरह का, और एक सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है बट डीप डाउन इज रूटेड विद अवर सोसाइटी. और मेरे ख्याल से 2007-2008 के दौर का टाइम दिखाया गया है, उसके बैकग्राउंड में जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो था वो भी उसकी झलकियां आपको मिलेंगी. किसी को अंदाजा नहीं होगा मेरे ख्याल से ये चीज पक्का श्योर हिट है, चलेगी. इसके अंदर अद्दा के आओ, उसके अंदर सारे मसाले भी डालने हैं, आइटम सॉन्ग से लेकर जो कुछ डालना चाहे कोई श्योर नहीं होता. वो इन दी एंड ऑडियंस को डिसाइड करना है कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी. कंपैरिजन ही नहीं है यार, अलकरम से लेकर अपना फरहान सदर के, मुझे तो अक्सर कुछ ठेलों की पतले रायते वाली बिरयानी बड़ी पसंद है जिसमें पानी वाला रायता होता है, उसका अपना स्वाद है. तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइक्लोपीडिया पॉडकास्ट सेशन. और आज हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह, क्योंकि आज हमारे सेट पे मदारी फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर मौजूद हैं. और आज हमारे साथ अभी फिल्मक तभी मौजूद है. अभी देखें हाँ, हमारा सेट बहुत छोटा है तो इसलिए हम सबको नहीं बिठा सकते, इसलिए हमने कहा थोड़े 2 सेशन में हम ये पॉडकास्ट करेंगे. तो अभी हमारे साथ पारस भाई, निबाद भाई जो मेन एक्टर है, को एक्टर है हमारी फिल्म के, मदारी फिल्म के, तो इनसे जरा बातचीत करते हैं. कि पहले तो पारस भाई मुझे आप ये बताएं कि एक तो फिल्म बनती है हमारे यहाँ पे बहुत कम बनती है, और अगर बनती भी है तो उस लेवल की नहीं बनती. जब मैंने मदारी का ट्रेलर देखा, किस लेवल की यार, जो एक्सपेक्टेशंस होती है बॉलीवुड से या हॉलीवुड से, तो हमें मतलब एक तो या तो ट्रेलर बहुत अच्छा होता है तो फिल्म बेकार हो जाती. लेकिन मदारी फिल्म का हमने जब ट्रेलर देखा, जैसे नजर पड़ती है तो एक चीज दिखी कि यार कुछ चीज डिफरेंट हुई है, बहुत डिफरेंट, और काफी टाइम बाद हमें देखने को मिली है. थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप इसकी रीजन है. देखें जिसका काम है ना उसी को साजता है ना, जिसका काम उसी को साजे. तो अगर ऐसा हो कि आप किसी ऐसे इंसान से फिल्म बनवा लें जिसने फिल्म की अलिफ बे ही ना पढ़ी हो. एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट का बड़ा फैन हूँ, काफी हद तक खेलने की हद तक, तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि आप क्रिकेट हमारा गेम नहीं है, इंग्लिस्तान से आया, तो हमारे लोगों ने उसको खेला, उसको सीखा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, और अब उन्हीं के मैदान में उनको हराने के काबिल हो गए. तो एक काम है, फिल्म भी एक काम है, और वहां से वेस्ट से आया ये हमारे यहाँ का तो नहीं है. तो उसको उसको बनाने का एक तरीका है,
उसका एक क्राफ्ट है, उसकी समझ, स्टोरी टेलिंग कैसे होनी चाहिए उसको कैसे. और फिर वर्ल्ड वाइड आप एक्ट्रेस की बात करेंगे तो हर कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, बड़ी सीरीज देख रहा है, चीजें उसमें लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो आप देख रहे हैं, तो वो आपको एक क्राफ्टेड एक्टर परफॉर्मर ही दे सकता है जिसने कभी, जो शायद थिएटर स्कूल गया हो या अगर नहीं भी गया हो तो एटलीस्ट उसने तालीम कुछ हासिल की हो अदाकारी के हवाले से, या उसने कुछ लिटरेचर पढ़ा हो, कोई ड्रामेटिक लिटरेचर पढ़ा हो, कोई फिलोसफी पढ़ी हो, कुछ तो पढ़ा हो, कोई चीज सीखी हो, समझी हो, जो डेप्थ में लेयर्स में जाके चीजों को अंडरस्टैंड कर सके. लेकिन पारस भाई अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाएं तो पीछे ये चीज चलता हुआ नहीं आ रहा था, मैकेनिक सिस्टम चलता हुआ आ रहा था कि भाई उससे डीपी का काम सीख लिया और वो मतलब जनरेशन बाय जनरेशन चलता हुआ आ रहा था. बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि मीडियोक्रिटी बहुत ज्यादा है, क्राफ्ट की अहमियत जो है ना लोगों के सामने नहीं है. अभी जो पिछले टाइम में जो फिल्म्स बनी हैं, अभी तक जो बन रही हैं, उसमें उमूमन आप अगर देखें, अगर डायरेक्टर है या एक्टर्स हैं, तो वो लोग हैं जो काम करते करते सीखे और सीखने के बाद कहीं तक पहुंचे. Exactly. ठीक है, अब उन्हीं के बरक्स आप अगर आप ये देखें कि हमारी एक कसीर तादाद है यूथ की, नौजवान लड़के और लड़कियां जो फिल्म मेकिंग पढ़ रहे हैं और बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं, तो और फिर वो उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने क्राफ्ट को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं. इसी तरह से बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि थिएटर स्कूल जा रहे हैं और वहां से 3 साल पढ़ के और फिर जो है अपना काम दिखा रहे हैं, तो इसमें फर्क आपको वाजे नजर आएगा. लेकिन वो इतना ज्यादा नजर नहीं आते यहाँ अगर टीवी से देखें. हाँ, क्योंकि देखे ना ऑलरेडी जो एक सिस्टम बना हुआ है उसमें जैलिन होने में, या तो वो उसमें चले जाएं, जैलिन हो जाएं और वो खुद को भी बॉलीवुड कर लें, या वैसा ही उसी रंग में रंग जाएं जिस तरह से मामला चल रहे हैं, या फिर वो बिल्कुल एक अपनी स्टैंडिंग लें और अपना वर्डिक्ट पेश करें, जैसे कि बदारी फिल्म में सिराज सालिकीन उन्होंने जैबिस से तालीम हासिल की, फिर बाहर जाके भी तालीम हासिल की फिल्म के हवाले से, और उन्होंने फिर जो फिल्म बनाई उसमें उन्होंने प्रेफर किया उन एक्टर्स को लेने के लिए जो थिएटर करते रहे हैं या जो जिन्होंने टाइम गुजारा है, जिन्होंने अपने ग्राफ पे काम किया है, तालीम हासिल की है, तो उनको मौका दिया जो कि कोई सेलिब्रिटी स्टार नहीं थे, जो जिनके नंबर्स से और फेस वैल्यू इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स इतने नहीं थे, उन्होंने उनके काम पे बिलीव किया और उसी को ही बिलीव करते हुए उन्होंने उनको कास्ट भी किया. तो आप जब ये फिल्म देखेंगे तो टोटली आपको वो क्राफ्ट नजर आएगा. Exactly. जो आप इंटरनेशनली देखना चाहते हैं और बाकी फिल्मों में नहीं है उसकी, तो सीधी सीधी वजह यही है, आपको आप समझ सकते हो कि जिसका काम नहीं है तो उसको पहले सीखना पड़ेगा. ठीक है, आप ये नहीं हो सकता कि आप बॉलीवुड से इंस्पायर हुए तो आपने फिल्म बना ली, आप फला जगह से इंस्पायर हुए. हमारी फिल्म क्या है, हमारा जहन नहीं है, हमारी सोच नहीं, हमारा भी तो एक कल्चर है, हमारा भी तो कल्चर है, हमारी भी तो सोच है, हमारी भी तो कोई जिंदगी है, हम क्या दूसरों की सिर्फ नकल उतारते रहेंगे, ऐसा नहीं है. तो अगर उनका ट्रेंड अगर आइटम सॉन्ग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी अपने उस चीज में. जी, आइटम सॉन्ग हमारा ट्रेंड नहीं है. एक और बात समझने की बहुत जरूरत है कि आप जो भी आर्ट पीस बनाते हो, ड्रामा बनाते हो, फिल्म बनाते हो, कमर्शियल बनाते हो, किसके लिए बनाते हो? लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए बनाते हैं ना. तो हमारी टारगेट ऑडियंस की कौन सी है, जो मुजरा देखती है, या जो आइटम नंबर देखती है, या जो जिनके अभी फैमिली वैल्यूज और नॉर्म्स अभी जिंदा हैं? बिल्कुल, जाहिर है उन्हीं के लिए बनाते हैं ना. तो हमारे यहाँ मुआशरे में तो अभी तो थोड़ी तमीज, तमद्दुन, अखलाकियात बाकी है, माँ बहन बेटी की इज्जत बाकी है. तो अब मैं अगर अपनी अम्मी के साथ या बहनों के साथ या बीवी के साथ मैं फिल्म देखने चला जाऊं और उसमें छोटे कपड़े पहन के बंदी आइटम कर रही है, तो मैं तो इधर उधर नजरें छुपाऊंगा ना भाई. जो बात बिल्कुल ऐसा है. तो अगर आप इशू बेस्ड फिल्म बनाएं, अपनी कहानियां उठाएं, हजारों कहानियां, आप न्यूज देखते हैं, न्यूज में कितनी कहानियां हैं, अगर उसी एक कहानी पे आप फिल्म बना दें अच्छी सी, उसको समझाएं लोगों तक, एक मॉरल मैसेज भी पहुंचाएं जो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकें. अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले मैं एक फिल्म देख रहा था, पाकिस्तानी फिल्म थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो मैं देख रहा था, तो मेरे पीछे एक बंदा अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था, उनकी बेटियां और बच्चे भी थे. तो उस फिल्म में कुछ गैर अखलाकी किस्म की बातें, अंडर द टेबल, जो बिलो द बेल्ट बातें थी उसमें, तो वो बेटी जो है अपने बाप से बार बार पूछ रही है, बाबा इसका मतलब क्या है, वो जैसे उन्होंने कहा फट गई, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला, अब वो फट गई, अब उनके लिए नॉर्मल है ये बात है. तो वो बच्ची पूछ रही है, बाबा फट गई क्या होता है? अब उसका बाप जो है ना, वो पसीने छूट रहे उसके, एसी वाले हॉल में बैठे हुए, फिर भी उसको परेशानी हो रही थी कि अब मैं इसको क्या जवाब दूं. तो आखिरकार वो अपनी फैमिली को उठा के वहां से चला गया. तो हमें ऐसी फिल्म कतई नहीं बनानी, हमें अपने कल्चर को, अपने नॉर्म्स को, वैल्यूज को समझना है और उसी के हिसाब से हमें चीजें बनानी है. सबसे जबरदस्त बात यह है कि जो ट्रेलर है मदारी का,
ज्यादातर आप अगर कंपैरिजन करें ना तो जितने हमारे ट्रेलर्स आए हैं उसमें मेन फोकस जो है वो आइटम सॉन्ग पे होता है, फिर बीच बीच में थोड़ी से क्लिप्स आ रहे होते हैं कि यार ये मूवी में, ये मूवी में है। मदारी के अंदर विदाउट एनी आइटम सॉन्ग को एम्फसाइज करे बगैर, और कोई लड़की भी नहीं, कोई लड़की भी नहीं ट्रेलर में, और इतना एंगेजिंग है कि हमने खुद तकरीबन 7-8 दफा देखे और एंगेज रहे उस तरह कि यार चीज है। बिल्कुल, ये एक थोड़ा सा फ्लॉ यहाँ पे, और देखें ये कोई मसला नहीं है, आइटम नंबर डाल देना कोई मसला नहीं है, और जब आप अच्छी फिल्म बनाएंगे जिसमें कोई आइटम नंबर नहीं होगा तो वो जैसे सेंसर बोर्ड पे आप जाते हो तो सेंसर बोर्ड आपको बोलता है कि भाई आप इसमें से स्लैंग निकाल दें, इसमें से गालियां निकाल दें, क्योंकि नेचुरली जब आप रियलिज्म पे काम करते होते हैं और जब आप इस तरह की स्टोरी सुनाते हैं जो बिल्कुल डीप डाउन आपके मुआशरे से जुड़ी हुई होती है, तो रियलिज्म में जाते हुए आप अक्सर स्लैंग भी यूज कर जाते हैं, गालियां भी हो जाती हैं। तो मदारी में भी हुआ ऐसा, लेकिन फिर बाद में उसको उस इस काबिल बनाया गया, जाहिर है सेंसर बोर्ड पॉलिसीज और चीजें, तो उनको मलूज़े खातिर रखा गया और उन चीजों को हटा दिया गया, जो कि जाहिर है एक एक्टर जो है वो अपनी धुन में जब जाता है तो एक डायरेक्टर ये लिवरेज देता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस किल ना हो और वो अपनी उस पूरी एनर्जी के साथ और पूरा इंटरनलाइज जिस तरह से उसने करेक्टर किया, और उसका करेक्टर बोलते बोलते गाली भी दे जाता है, तो इट्स फाइन आप बोल दें हम इसको बाद में देख लेंगे, सीन की जरूरत है तो वो वहां पर है। तो उसमें जो सीन में अगर जरूरतन अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो जाहिर है वो हुआ है, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई मकसद नहीं था खुदा ना खास्ता के ये जानबूझ के करना है। तो वहां तक जब सेंसरशिप तक भी बात पहुंचती है तो ये आपसे सवाल किया जाता है कि यार ये कैसे चलेगी, इसमें तो आइटम नंबर ही नहीं है। तो जब हमारे खुद लोगों की ये सोच है कि वो देखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बात, पहली फिल्म मतलब आप नापा में थिएटर वगैरह कर रहे थे, बैक स्ट्रीट एकदम आउट ऑफ नोवेयर आपको एक मतलब इसके पीछे एक वो होता है ना कि अचानक से फिल्म मिलना और एक चीज मिलना, तो कैसी फीलिंग थी आपकी कि आप एकदम बड़े पर्दे पे, एक होता है इंसान चलो जूनियर एक्टर की तरह परफॉर्म करता है या कोई और का मतलब कमर्शियल वगैरह या कुछ चीजें करने के बाद आता है और एकदम बिग स्क्रीन मिलना। या मैंने नापा में थिएटर किया था और उसके बाद तकरीबन 2 साल का वक्फा ऐसा था कि मैं कोई 6 महीने में एक आध काम मिलता था जिसमें कमर्शियल्स भी होते थे या कोई शॉर्ट फिल्म हो गई। तो इस हिसाब से एक वक्त में मुझे कॉल आई, अली रिजवी जो कि प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, अली भाई की कॉल आई, उन्होंने बुलाया, कुछ मिसहैप हुआ था, मेरे पैर में लगी हुई थी तो मैं जा ना सका। तो अभी बार दोबारा कॉल आई, अच्छा उन्होंने मुझे एक शॉर्ट फिल्म पे देखा था, शॉर्ट फिल्म की एडिट पे देखा था, तो उन्होंने देखने के बाद मुझसे एक दफ़ा कहीं मिले तावाद में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बल्कि तारुफ कराया गया उनको एक दोस्त ने कि ये वही है जिसको आपने उस फिल्म में देखा है। तो उन्होंने पूछा वगैरह, यार वो तुम थे? जी मैं था। अच्छा तुम्हारा कपूर बड़ा अच्छा है, थैंक यू। तो उनको मैं याद रहूँगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं गया, पहले मैंने जैसे कहते हैं दोबारा उन्होंने बुलाया। तो एक मूवी के अंदर सीन है बकायदा जो बड़ा खास सीन है, उसकी मूवमेंट परफॉर्मेंस है और थोड़ा सा मुश्किल है, पेचीदा है, तो उसको मैंने उसका स्क्रीन टेस्ट हुआ। अच्छा जब बकायदा ये स्टोरी सुनाई जा रही थी तो मैं ऐसे हालात से मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो यार, बिल्कुल ऐसे मैंने ऐसे ऑडिशंस भी दिए हैं जहाँ पे कोई और भी नहीं था, सिर्फ मैं अकेला ऑडिशन के लिए पहुंचा था और मैं वहां भी सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो बकायदा जब मुझे स्टोरी सुनाई जा रही थी तो मैं जिन हालात में था तो मैं सोच रहा था कि इसमें कोई भाई का करेक्टर होगा, दोस्त का करेक्टर होगा या चाचा का, मेरा कौन सा है, मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ। तो जब उन्होंने स्टोरी सुनाई है पूरी, जब जब कहा है कि आप प्रोटैगनिस्ट के लिए हम देख रहे हैं, अरे भाई ने आपको बुलाया, ओके। तो उस वक्त नहीं मुझे कास्ट का बिल्कुल नहीं पता था। सिराज के साथ मेरी था स्टोरी, मुझे सुनाई गई कि इस छोटे से सीन का स्क्रीन टेस्ट लेना, ओके ठीक है। मैंने ट्राई किया, वो ट्राई करने के बाद सिराज ने देखा है, थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। अगली बार मुझे दोबारा बुलाया गया, दोबारा कंफर्म किया गया उस सीन को, उस वक्त थोड़े मेरे हाल बेहतर थे, देन मैंने परफॉर्म किया, उसने देखा है, देखता रहा, मुझे याद है सिराज से देख रहा था, अली भाई अब मुझे विजन नजर आ रहा है, देन ओके। उसके बाद हम फिर शूट पे गए, जाहिर नई नई लीड आपको मिला है तो कई सारी सोचें होती हैं कि आप होती भी है शूट, खुदा ना खास्ता कुछ और अल्लाह ना करे बाकी सारी चीजें, फिर जब हम शूट पे गए, हौले हौले होना शुरू हुआ है तो फिर यकीन आना शुरू हुआ है, हाँ कि
हो रही है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और जब तक मैं कर रहा था मैं बड़ा ब्लेस फील कर रहा था, क्योंकि यार ये वो मौका है कि मेरे जितने साथी निकले हैं, जो निकलना चाहता है वो एम इसी चीज को करता है, एम मतलब एक मेन प्रोटैगनिस्ट को ही करता है कि उसकी जिंदगी में ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा किरदार मिले जिसके अंदर इतनी डेप्थ हो, इतना स्क्रीन टाइम हो कि वो अपने आप को दिखा सके, और ये मेरे पास मौका था तो वो ये उस, और आपने मौका बिल्कुल जाया नहीं किया, बिल्कुल जाया। अच्छा नहीं पारस भी ये मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ सवाल, कि जब आपको पता चला, ऑब्वियसली जब आपको आई होगी, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो आपने एक सवाल तो पूछा होगा मेन एक्टर कौन है, ये होता ना कंसर्न, और फिर अगर आपको सुनने में मिले कि बात भाई बिल्कुल जूनियर एक्टर या अभी नापा से ही आए हैं और एकदम कोई फिल्म नहीं करी, कोई बैकएंड इतना वॉइस एक्सपीरियंस नहीं जैसे आपका, तो आपके ध्यान में भी अच्छा मेरा कंसर्न सिर्फ ये नहीं होता कि मेन एक्टर कौन है, मेरा सबसे पहला कंसर्न होता है कि लिखा किसने, इंडस्ट्री में पर होता है ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, और मेरा भी है, लेकिन मेरा पहला कंसर्न ये होता है कि स्क्रिप्ट कैसा है, लिखा कैसा गया है, कहानी कैसी है, उसके बाद मेरा कंसर्न ये होता है कि मुझे किरदार क्या ऑफर किया जा रहा है, और तीसरा कंसर्न ये होता है कि डायरेक्टर कौन है, डायरेक्ट कौन कर रहा है। तो मुझे भी जब ये फिल्म ऑफर हुई थी तो अली रिज़वी की वजह से ही मैंने ये फिल्म की है, उस पे अंधा एतमाद है, ब्लाइंड ट्रस्ट है, तो उसने मुझे सिराज के बारे में बताया कि भाई सिराज एक बहुत अच्छा फिल्म मेकर बंदा है और लिखता है, सोचता है, अच्छा सोचता है, और उसके साथ जो है उसने एक स्टोरी लिखी है और उस पे हम उसके स्क्रीन प्ले पे काम कर रहे हैं दोनों साथ में, और जो है हम चाह रहे हैं कि हम प्रोड्यूस भी खुद ही करें, तो दोनों ने मिलके प्रोड्यूस किया, और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ये फिल्म एक सपोर्ट सिस्टम से बनी है, और स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक हर एक बंदे का खून पसीना इसमें शामिल है, और उन सबकी एफर्ट से ये फिल्म बनी है। तो जब अली रिज़वी ने मुझे बताया तो मुझे तो यकीन था उस पर, क्योंकि ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर और बहुत अच्छा सोचता है, अच्छा लिखता भी है, तो मैंने बिल्कुल हाँ बोल दिया उसको बगैर स्क्रिप्ट पढ़े। मैंने कहा हाँ, जो कहानी तुम सुना रहे हो, जो किरदार सुना रहे हो और जो मामला तुम कह रहे हो, तो ओके टेक है मेरी तरफ से, आप करो। फिर उसके बाद मुझे कहानी पूरी सही से नैरेट की गई, और फिर मुझे बताया गया कि इस तरह से है, ये लोग हैं, फिर ये बात का बताया, तो ये बात का काम मैं पहले देख चुका था, मैं नापा का फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ, अली रिज़वी भी फर्स्ट ग्रेजुएट है, 2007 में हम लोग ग्रेजुएट हुए थे, और तब से जितने भी बैचेस आए, कम से कम मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जितने भी बैच आए उन सबसे मेरी दोस्ती है, बाकी किसी और की हो ना हो मेरी है, क्योंकि मैं बड़े वसूख के साथ जाता हूँ और मैं सारे अपने जूनियर्स की परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, और मैं अपना एक पूल ऑफ एक्टर्स बनाता हूँ अपने ही माइंड में, कि मुझे पता होना चाहिए कि कौन जबरदस्त एक्टर है। इसी तरह से फिर बाद में जब कास्टिंग हो रही थी और फिर पूछा गया कि भाई कौन करेगा, फ्री में काम कौन करेगा, तो एक दोस्त है हमारा हमाद सिद्दीक, जिसको आप देखेंगे इस फिल्म में, तो हमारे साथ ज्वाइन भी करेंगे, वो भी एक ऐसा बंदा है, एक सच्चा और प्यारा खरा आदमी है, जेन्युइन आदमी है, तो मुझे पता था कि मेरे दिल के वो लोग करीब हैं जो बेलॉस होते हैं, जो अनकंडीशनली काम करते हैं, जो आर्ट की खिदमत करना चाहते हैं और अपने आप के फन में हर फन मौला होते हैं, तो हमाद सिद्दीक इज वन ऑफ देम। तो मुझे ऐसा लगा कि हमाद सिद्दीक हमारे इस जॉइंट वेंचर में एक बेहतरीन एक सपोर्ट साबित होगा, जो कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसी तरह से लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, और इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं उन सब ने मेरा ख्याल है कि ऐसे काम किए हैं, जस्टिस के अलावा मतलब ऐसे किया जैसे आपकी अपनी कोई जाती चीज हो जिसमें आप अपना बिल्कुल खून पसीना डाल देते हैं, तो इस तरह से ओन किया गया, तो एक एक एक्टर ने ओन किया। भारत भाई, ये आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा मेन कंसर्न आपका क्या होता है कि यार मैं कैसा दिखूंगा, या ऑल ओवर जो करेक्टर्स हैं, जो मेरा करेक्टर भले जैसा भी हो, वार्डरोब जैसा भी हो, मुझे उस करेक्टर को पूरा देना अपना। मेरा कंसर्न ये होता है कि मेरा किरदार की रोल हो, मेरी जो अप्रोच होती है, जो मैं काम ढूंढता भी हूँ या किसी से कहता भी हूँ, तो मैं कहता हूँ कि कहानी में ऐसा किरदार मुझे चाहिए जो की हो, उसको अगर आप निकाल दें तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो कोई ना कोई ऐसा किरदार जो उस कहानी को कोई टर्न दे रहा हो, ट्विस्ट दे रहा हो, या उसका होना उस कहानी में एक पिलर साबित होता हो। तो इसी तरह से इस मदारी कहानी में भी मेरा जो किरदार है वो इसी तरह से ही है। जब मैंने पढ़ा और सुना तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसा किरदार है। हाँ, दिल तो ये चाह रहा था कि प्रोटैगनिस्ट ही मिलता या एंटैगनिस्ट मिलता, बट एवरी करेक्टर इज इन ग्रेज, और उसमें कोई एज सच वो नहीं है। हर किरदार जो है बहुत अहमियत का हामिल है, कोई भी किरदार ऐसा नहीं है जैसे आप कहें। और ये शाबाश है और सलाम है
सिराज को और अली रिजवी को, जिस तरह से उन्होंने किरदारों को बुना, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी, उनकी हिस्ट्री, और फिर जब हम सेट पे जाते थे परफॉर्मेंस से पहले, रिहर्सल्स के बाद, जब टेक होने से पहले अली रिजवी हमारे साथ वर्कआउट करते थे, हमें इमोशनली और हमारे मेंटल स्टेट को उस डिस्कशंस के साथ और एक्सरसाइजेस के थ्रू उस जगह पे ले जाना कि हम उस फील में आ जाएं। और जिस तरह से हालात थे उस वक्त, हम बताएं कि हीट वेव चल रहा था, शदीद गर्मियां थी, और मार्टिन क्वार्टर जमशेद क्वार्टर जो हैं वहां पे HMI लगी हुई है, फुल हीट उनकी अलग, तो विद इन सेकेंड्स हम पसीनों में तरबतर हो जाते थे। लेकिन उन सारी चीजों को भी झेल के और उनसे फाइट बैक करके और हम लोगों ने उन सारी चीजों को किया। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा यही कंसर्न होता है कि किरदार कम से कम कहानी में कोई ऐसी अहमियत, कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसके ना होने से कहानी रुक जाए। ये सिराज भाई, वो सॉरी पारस भाई, एक ऑरा होता है थिएटर का, एक ऑरा होता है ड्रामो का, और एक ऑरा होता है बिग स्क्रीन का। इसमें आपने क्या डिफरेंस देखा है, ये एक्सपीरियंस देखिए, हम थिएटर के एक्टर्स हैं, और अल्टीमेटली मेरा जो मेरी चाहत जो थी या मेरा विजन जो था या जब मेरा गोल था, वो बिग स्क्रीन पे आना था, फिल्म करना था मुझे, और हमेशा से मैं फिल्म ही करना चाहता हूँ। और थिएटर तो मेरा पैशन है, लेकिन फिल्म मेरा लव है, तो फिल्म अल्टीमेटली मुझे करनी ही थी, बट मेरा पैशन और मेरा पहला प्यार वो थिएटर है। थिएटर ना हो जिंदगी में तो लगता है कि जिंदगी नहीं है। सो कुछ भी हो जाए, जब कोई काम नहीं होता तो थिएटर तो होता ही है। तो हम ये है कि हम अगर फारिग भी बैठे या कुछ भी ऐसा टाइम आया जैसे कोविड का, तो उसमें भी हमने अपने थिएटर की प्रैक्टिसेस को जारी रखा, और अभी भी मैं नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में पढ़ाता हूँ, आर्ट्स काउंसिल में भी पढ़ाता रहा हूँ। तो उससे यह है कि ग्रूव में रहता है बंदा, अपडेटेड रहता है, खुद भी पढ़ता रहता है, पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है जाहिर है, और आपको जंग नहीं लगता, आप अपने क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते रहते हो, और पढ़ाने से बहुत सीखने को मिलता है। थिएटर जो मीडियम है उस जैसा कोई मीडियम नहीं है। मुझे ये चीज है कि जो थिएटर करते हैं ना, वो यही लाइन बोलते हैं कि यार थिएटर एक नशा है। थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम। जब पर्दा खुलता है तो वो क्यों होता है, और उसके बाद कोई कट नहीं होता, ठीक है, तो फिर एक्टर की मर्जी होती है कि वो कहां कैसे है, किस तरह से ले जाए, वो बादशाह होता है स्टेज पे। सही है, तो हमें तो आदत है, बादशाहत करने की आदत है हमें। हम स्टेज पे होते हैं और हमें, हमारे सामने ऑडियंस होती है, हमारी मर्जी हम उनको रुलाएं, हमारी मर्जी है उनको हंसाएं, हमारी मर्जी है उनको चुप करा दें, हमारी मर्जी है उनको तालियां बजवाएं। सो इट्स ऑल ऑन अस, और ये एक एक्टर्स मीडियम है, नो डाउट। समहाउ राइटर्स मीडियम भी मैं मानता हूँ इस थिएटर को, क्योंकि राइटर नहीं लिखेगा तो कहाँ से होगा, बट एक्चुअली जो मजा लेता है ना थिएटर में, वो एक्टर ही लेता है। और डायरेक्टर उसको बस बैठ के देख रहा होता है, और वो कोई अगर भंड भी मार दे कोई एक्टर, तो डायरेक्टर नहीं बोल सकता, यू भी नहीं करेगा, वो ये भी नहीं कर सकता, डायरेक्टर कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, टेलीविजन बहुत क्विक मीडियम है, क्यू से बात शुरू होती है, अभी तो एकदम से एक्टिंग अभी आती है तो कट आ जाता है, कहता नहीं नहीं बस इतना ही चाहिए था, बाकी हम देख लेंगे, सोलो में ले लेंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही होती है। और एट द स्पॉट आपको स्क्रीन, आपको सीन दिया जाता है कि ये सीन है, आप 2 मिनट में तैयार कर लें, आपको उसी वक्त सीन तैयार करना होता है। आप स्क्रिप्ट मांगते हो अक्सर, हर कोई प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं करता, लेकिन कभी कभी किसी की मजबूरी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, अभी लिखा जा रहा है, तो कुछ एपिसोड आपके हाथ में आते हैं, बाकी जो लिखे जा रहे हैं वो आपको नहीं पता होता, फिर वो ऑन सेट पता चलता है। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। हमारे जो एक्टर्स हैं, चाहे वो टेलीविजन के हो या चाहे थिएटर के कहीं के भी हो, बहुत जबरदस्त है एक्टर्स हैं हमारे। क्यों? क्योंकि वो यूं एकदम से बना लेते हैं, चाहे उनका थिएटर का बैकग्राउंड ना भी हो, जो टेलीविजन के एक्टर्स हैं वो भी जबरदस्त हैं यार, क्विक है, फौरन याद करके वो फर लाइनें बोल देते हैं। बाकी इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, सिर्फ डायलॉग याद करके बोलना ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी बात है कि याद कर लिया आपने, इतनी देर में फौरन से याद किया और आपने लाइन दे दी। हाँ, अब व्हेन यू कम टू फिल्म, तो काफी रेलेवेंस है थिएटर और फिल्म का। क्यों? क्योंकि फिल्म थिएटर में भी प्री प्रोडक्शन प्रॉपर रच के होती है, फिल्म में भी प्री प्रोडक्शन रच के होती है, और बिल्कुल उसी प्रोसेस से आप गुजरते हैं जिस तरह से आप थिएटर में गुजरते हैं। तो फिल्म में हम लोगों का, हमें, मुझे, हम थिएटर वालों को फिल्म में बहुत मजा आता है, क्योंकि हमें वैसा ही एक माहौल मिलता है और आपको परफॉर्म करने का मार्जिन मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये 2 मीडियम है, थिएटर और फिल्म, जिसमें मैं समझता हूँ कि हम अपने काम को जस्टिफाई कर सकते हैं।
अच्छा भाई, हाँ मेथड एक्टिंग के बारे में बहुत कहा जाता है जैसे थिएटर में कि मुझे भी आप उस तरह के करेक्टर वाले ही लगते हैं कि मतलब आपकी फेस और पर्सनैलिटी ऐसी लगती है, तो इस बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्लियर करेंगे कि होती क्या है, और इसी के साथ साथ एक और चीज मुझे बताएंगे क्योंकि बहुत से ऐसे रोल होते हैं कोई आपने ऐसे करेक्टर प्ले किया हो जिससे आप निकल ना पाए, होता है ना कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिल्म खत्म हो गई, तो लेकिन वो करेक्टर आपके जहन में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में करने लग गए क्योंकि बहुत अच्छा। जब हमें स्क्रिप्ट मिलती है ना तो एक्ट्रेस को, तो वो स्क्रिप्ट दिमाग में चलना शुरू हो जाती है आपके अनकॉन्शियस में, वो आप मेथड का तो सबका अपना तरीका होता है, सबका अपना जो खास तरीका है, हम एक्ट्रेस का ऐसा है कि हमारे दिमाग में वो स्क्रिप्ट वो कैरेक्टर 24 आवर्स चल रहा है, तो आप उठते कैसे हैं उसको दिमाग में रख के बैठते कैसे हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको इस हद तक तारी कर लूँ कि मैं, क्योंकि पहले तो ये है आपको खुद को वो होना पड़ता है, जितना आप खुद वो हो जाओगे दूसरे भी मान लेंगे, बिलीवेबिलिटी उसी से आएगी, जितने आप ट्रुथफुल रहोगे अपने किरदार के साथ उतने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो मेथड का ये है कि बेहतर ये है कि मैं उन जगहों पे जैसा ये है, अब मेरे दोस्त काफी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो हर यहाँ कराची का सीन ऐसा है भाई कि हर थोड़ी दूरी पे आपको जुबान थोड़ी सी बदल जाएगी, कर रहा हूँ तेरे को मेरे को इस टाइप की चीजें बहुत चलती हैं हर थोड़ी फासले पे, बिल्कुल पहले एक दिन उर्दू भी होगी लेकिन वो बिगड़ी हुई सी उर्दू में थोड़ा स्लैंग वर्ड यूज हो जाता है थोड़ा बहुत, हर थोड़ी दूरी पे ऐसे आजकल वो चल रहा है मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने क्या करा, इस टाइप का तो बहुत चलता है। तो अब इस किरदार के लिए जैसा ये किरदार है जहाँ से ताल्लुक रखता है जो ये कर सकता है जिस हद तक जा सकता है, तो वो सब चीजें मैंने रियल लाइफ में कोशिश की है करने की, उतना इंटेंस होने की बिल्कुल, और चल रहा होता है दिमाग में, तो ये है। दूसरा सवाल आपका क्या था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। हाँ, मैं उसी को कंटिन्यू कि वो करेक्टर में आप खो गया, वो प्रोजेक्ट हो गया, फिर आप उससे निकल ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये भी तो है ना, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ तो डिफरेंट है ना, तो आप करेक्टर में ही आप चल रहे हो। अच्छा, एक चीज और, स्क्रिप्ट जो है वो मुझे जस्टिफाई करती है कि अब ऐसा है कि मुझे अगर किसी को हंसना है रोना है जो कुछ करना है तो मुझे जवाब नहीं देना किसी को, तो वो मैं आजाद फील करता हूँ। हालांकि स्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ के जिसके अंदर बहकर ही आपको करना है, लेकिन स्क्रिप्ट ही मुझे ज्यादा आजाद कर देती है क्योंकि मैं टोटल जस्टिफाइड है, मेरे सारे एक्शन जस्टिफाइड है, मुझे किसी को वजाहत नहीं देनी है कि मैं क्यों रो रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, तो मैं आजाद हूँ उसके अंदर, तो ज्यादा अच्छा फील होता है। हाँ, किरदारों को करने के बाद अक्सर जब खत्म हो जाते हैं तो आपको अपने जोन में वापस आने में तो बेहतर यही है कि आप सेंटर में रहो, तो मैं अपना सेंटर में वापस आने की कोशिश करता हूँ। सेंटर में आप जितना रहोगे कि आप जितना बिल्कुल सेंटर सेल्फ सेंटर्ड हो, आप जरा सा आगे झुक के चलोगे तो वो एक करेक्टर है, आप थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोलोगे वो एक करेक्टर है, बट सफाई सच्चाई होनी चाहिए, तो मैं उस सेंटर में आने की बिल्कुल कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा वक्त लग जाता है, आपको कुछ मोमेंट्स ऐसे याद आते हैं कि यार ये तो मैं तब किया करता था, मैंने इस चीज में आजादी इसलिए दी थी, अब इस पे थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो कभी ऐसा वक्त लग जाता है। कोई आपने चलते हुए कुछ ऐसे बंदे को नोट किया हो कि यार ये कोई इंटरेस्टिंग करेक्टर लग रहा है, इसको मैं यूज कर सकता हूं, होता है, काफी होता है, और कोई एक स्क्रिप्ट आई हो उसमें आपने उसको डाला? नहीं ऐसा नहीं, मगर मैंने दिमाग में रखे हैं, दिमाग में ऐसे किरदार हैं वो अपने, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की आवाम बहुत, वो भी एक अपने आप में एक्टर है, सब ऐसे ही है कुछ तो हर कोई एक्टर है, वैसे देखा जाए तो पैदाइशी हर इंसान एक्टर है, बिल्कुल ऐसे ही, और शेक्सपियर बिल्कुल सच कहते हैं कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब अदाकार हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और अदाकारी हर लम्हे हर वक्त चल रही होती है, बिल्कुल। अभी तो टिकटॉक पे भी बहुत ज्यादा एक्टर आ गए। हाँ, मतलब आम जिंदगी को देखे ना, आम जिंदगी, मेरा फलसफा इस चीज में इसी तरह से है कि मैंने तो अपने काम में अपने रब को पाया, और आप रियल टाइम में देख लें, इस पे हम अलग पॉडकास्ट करेंगे, अभी इस बात को मैं रहने देता हूं। अच्छा, नहीं, इसी के साथ ये एक थी, आपने स्क्रिप्ट की बात करी थी बीच में, यार स्क्रिप्ट देख के कैसे पता लगता है कि ये चीज हिट है ये चीज नहीं है, सराज भाई आपसे भी यही से ये, यार इसका अंदाजा आपको तो नहीं होता, लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर आपको कैरेक्टर में कितना मार्जिन मिल रहा है, कितना परफॉर्मेंस का मार्जिन है आपके पास, क्या चीजें हैं और क्या क्या आप कितना इसमें गुड़ डाल सकते हो और चाशनी डाल सकते हो, अपना अच्छा कर सकते हो, उस चीज का अंदाजा तो होता है, बाकी इस चीज को तो अब तक किसी को अंदाजा नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये चीज पक्का श्योर हिट है, चलेगी, इसके अंदर अद्दा के आओ, उसके अंदर सारे मसाले भी डालने, आइटम सॉन्ग से लेकर
जो कुछ डालना चाहे कोई शोर नहीं होता, वो इन दी एंड ऑडियंस को डिसाइड करना है कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी। तो बस हाँ, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट बता रही होती है कि वो अच्छी है, अच्छी है, पता चल जाएगा आर्क और बाकी सारी चीजें बिल्कुल। तो वो मुझे मिला था इसके अंदर, ये एक ऐसा स्क्रिप्ट था कि जिसके लिए इंतजार किया जाए, जिसके लिए सब्र किया जाए और मतलब घुस के फटा जाए, ये वो चीज थी। तो बिल्कुल मैंने कोई चांस नहीं लिया है, कोशिश की है। इस फिल्म के अंदर कोई ऐसा करेक्टर है या कोई ऐसा डायलॉग जिसपे यार फंस गए हो, समझ ना आ रहा हो, निकल नहीं रहा हो, काफी रीटेक की हूँ, लाइक होता है ना कि असल में मेरी सिराज से इस मामले में डिस्कशन होती रहती थी कैरेक्टर्स पे, और वो भी बड़ा ओपन रहता था कि उसने बोला हुआ था कि कोई अगर अच्छा आइडिया आ रहा हो और स्क्रिप्ट के साथ जा रहा हो तो डिस्कस कर लेना, देखते हैं। तो सिराज का भी इस तरफ से रहता था कि कोई अगर कोई कनेक्टिविटी मिसिंग होती थी तो वो बता देता था, उसी वक्त हम लोग हाँ ठीक है कर लेते हैं, कोई बात नहीं हो जाएगा, तो ईजी रहता था, मसला नहीं होता था कुछ। अगर कहीं कोई कुछ डेप्थ में, थॉट में, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते थे, मैं उसे पूछता था यार ये अगर इस तरीके से है और इसके साथ अभी ये हुआ है तो आगे इसको ये नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पे सिचुएशन है, उसने कहा हाँ बात तो ठीक है, तो अगर ये इन मरहलों से गुजरेगा और इसके ऊपर ये सोच है और ये इस सोच को रख के आगे चल रहा है तो फिर मुझे ये, उसने हाँ ठीक ठीक कह रहे हो तो ये कर लेते हैं, ओके ठीक है। ये बड़ी आपने जो बात कही ना कि कैसे पता चले कि हिट होगा, स्क्रिप्ट देख के हिट होगा या नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि जो ओरिजिनल कहानी है और ऐसी कहानी जिससे आवाम रिलेट कर सके तो वो डेफिनेटली वो हिट होगी, वायरल होगी, ट्रेंडिंग पे जाएगी, चीजें होंगी। और जो सच्ची कहानी होती है ना, सच जिसमें हो, ऐसे तो बहुत फेकनेस दुनिया में बहुत हो गई है कि बॉलीवुड का थोड़ा सा उठा लिया, थोड़ा हॉलीवुड से उठा लिया, थोड़ा कहीं से उठा लिया, थोड़ा कहीं से उठा लिया और उसको फिर से रैप करके नई चमक लगा के, नई चमक पट्टी लगा के आपने चला दी। तो वो ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, वो सब समझती है। अब तो मैं आपको बताऊं कि पिक एंड ड्रॉप जब दे रहे होते हैं तो जो ड्राइवर आ रहा होता है तो ड्राइवर ने मुझे पिकअप पिक किया और उस जैसे मैं गाड़ी में बैठा थोड़ा आगे चले तो उसने मुझे कहा कि पारस भाई आपने वो जो किरदार किया था फलां ड्रामे में उसमें आपने बड़ा जबरदस्त काम किया और उसमें आपने ऐसे किया वैसे किया, तो वो इतनी बारीक बातें बता रहा था कि मैं हैरान रह गया कि एक आम इंसान, एक आम आदमी लेवन भी वो कितनी बारीकियों में चीजों को नोट करता है। अब वो जो बात थी वो एक अदाकार की बात है कि वो अंदर किस तरह से रेंडर करके उस वो किस तरह से उन लेयर्स में खेलता है तो वो उनको भी नोट कर रहे होते हैं, तो ऑडियंस को सब समझ में आता है। और अच्छी कहानी, अच्छा और ओरिजिनल कहानी वो ये पोटेंशियल रखती है कि वो हिट हो सकती है, आवाम चाहे तो। पारस भाई ये फ्लॉ है जो मुझे लगता है जहां तक, कि जो हमारी सच्ची कहानियां, जो सच्चे इवेंट्स हुए हुए होते हैं उन पे अगर फिल्म बने या बायोपिक बने वो बैन ज्यादातर हो रही होती है। वो तो अब हो रही है ना, आजकल बहुत ये ट्रेंड चल रहा है, बैन का भी ट्रेंड चल रहा है, तो ठीक है ये भी कर लें। देखें बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि फिर फिल्म नहीं बनाएंगे, फिल्म तो फिर भी बनेगी, चाहे बैन हो जाए फिर कोई ना कोई वो रास्ता निकाल लेती है। अब जैसे मेरी फिल्म आ रही है 2 जून को कुकड़ी के नाम से, जावेद इकबाल, जो पहले तो बैन हो गई थी वो सर्टन रीजंस की वजह से, लेकिन फिर उसके बाद अब दोबारा से उसको जो है इजाजत मिल गई और वो आ रही है, लोग देखेंगे तो लोग देख के ये फैसला कर लेंगे और बता देंगे कि क्या कितना पोटेंशियल है उस कहानी में और बैन क्यों हुई, आया सही बात पे बैन हुई या गलत बात पे बैन हुई, होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, तो वो देख के ही अंदाजा होगा। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लोग फिल्म देख के बोल ये भी बोले कि अच्छा हुआ बैन हो गई, ये भी बोल सकते हैं कि बहुत बुरा हुआ बैन नहीं होनी चाहिए थी, इसको तो फौरन आ जाना चाहिए। तो कुछ भी, किसी भी चीज के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कॉन्टेंट जो है ना वो ही जीत है इंसान की। आप बाहर मुल्कों में, आप यहाँ तक देख लें, आजकल तो सोशल मीडिया पे हर चीज वायरल हो जाती है। छोटे आजकल मैं देख रहा हूँ बलूचिस्तान का एक लड़का है, वो डायलॉग बाजी करता है, टिकटॉक्स बनाता है। अब वो तो हॉलीवुड के, बॉलीवुड के भी एक्ट्रेस जो है उसके टिकटॉक पे उसके उस पे बना रहे हैं। सो ओरिजिनलिटी, मासूमियत, काफी हद तक अब लेमनेस भी जो है ना वो अब कंटेंट किसी और डायरेक्शन में चला गया है। और आवाम को भी अवेयरनेस हो गई है नेटफ्लिक्स, अमेज़न और बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी, वो ये देख रहे हैं, जबरदस्त अदाकारी देख रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज, उनको ऐसी चीज मिल रही है, यहाँ पे वो प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है और लोग यहीं के लोग इंडिया के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। हम लोग सोचते हैं, हम आज सिद्दीक भी हैं, बात भी है, मैं हूँ, अली रिज़वी और बहुत सारे एक्टर्स जो बेहतरीन, अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता उनको देखना शुरू होंगे, अभी वो स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ अदाकार हैं
जो कि बहुत ही गुणी है, बहुत ही मंझे हुए हैं, और लेकिन अफसोस ऐसा होता है कि ऐसी कहानियां नहीं लिखी जा रही है, ऐसे किरदार नहीं लिखे जा रहे, वो कहां जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरा पारस भाई, इसमें ये भी चीज है ना कि फिल्म तो बना ली, प्रमोशन के लिए चीजें ही नहीं है हमारे पास, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है कि प्रमोशन यहाँ पे करें, लोगों तक पहुंचाएं। इवन मैं, अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे मदारी फिल्म का नहीं पता था, क्योंकि हमने, हमारी ऑडियंस ने वैसे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया तकरीबन। क्योंकि अगर आपको सोचेंगे कोई फिल्म लगी होगी तो दूसरी फिल्म या हॉलीवुड की फिल्म देखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियन यही होना है, हमें मतलब मायूसी होगी। तो ये चीज इंसानों में, मतलब आवाम में किस तरह पैदा की जाए, क्योंकि अच्छी फिल्म बनाए बस। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक कप बनाने वाला आदमी है, उसे आप बोले मोबाइल बना दो, तो ये तो नाइंसाफी है ना, कोई बात है तो नाइंसाफी है। अब एक बंदा जो है वो अगर टेलीविजन के ड्रामे बना रहा है, आप उससे फिल्म क्यों बनवाओगे यार? अगर कोई कमर्शियल बना रहा है तो वो कमर्शियल में उसका दो मिनट के, तीन तीन मिनट के कमर्शियल्स बनाने वाला, वो 90 मिनट की फीचर लेंथ कैसे बनाएगा? वो उसको कंसीव कैसे करेगा? वो उसको कैसे समझेगा? इसी वजह से आप देखेंगे पिछले दौर में जो हमारी फिल्में बनी है, तो हमारी ऑडियंस मुंह पे आके हमें कह रही है ये तो ड्रामा बना हुआ है, ये तो ड्रामा लग रहा है। उसकी रीजन सिर्फ यही है कि देखें वो बहुत बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने बाद में फिल्में भी बनाई, तो लेकिन वो टेलीविजन का ड्रामा बेहतरीन बना सकते हैं, और उनकी रीच पूरे दुनिया में है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामा बड़े शौक और वसूक से देखा जाता है, चाहे वो हम टीवी से हो, चाहे वो जियो से हो, या वाई से हो, या एक्स वाई सी बाकी चैनल से हो, तीन टॉप के चैनल तो यही है। तो मैंने जब काम करना शुरू किया और मैंने कुछ ड्रामे किए, तो मेरी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में हो गई, और मैं रातों रात में परेशान हो गया कि यार लोग इतने ड्रामे देखते हैं पाकिस्तानी, मतलब कनाडा, नॉर्वे, इंडिया, खासतौर पे हिंदुस्तान के लोग, इंडियन जो लोग हैं वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के दीवाने हैं। टीवी ड्रामे की बात कर रहा हूँ, फिल्म की बात नहीं कर रहा। हमारी फिल्म अभी नहीं बनती, वो तो इंडस्ट्री नहीं बनी, तो वो बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन मेरा ख्याल है अब उन नौजवान लड़के लड़कियों को मैदान में उतरना चाहिए, इन्वेस्टर्स को, फाइनेंसर्स को ये सोचना चाहिए कि यार हमें फिल्म किससे बनवानी चाहिए, आया उसी से फिल्म बनवानी चाहिए जिसका काम है, जिस जो पढ़ के आया है, जिसने फिल्म बनाई है, जिसको फिल्म का क्राफ्ट पता है, जिसको स्टोरी टेलिंग आती है, जिसने सिनेमेटोग्राफी पढ़ी हुई है, जिसने स्क्रीन प्ले पढ़ा हुआ है, स्क्रीन राइटिंग उसको समझ में है कि किस तरह से किरदारों को बुना जाता है, कहानी कैसे सुनाई जाती है। तो वो क्राफ्टेड लोगों से अगर उन पर बिलीव करेंगे, उन नौजवान लोगों लड़के लड़कियों पे वो बिलीव करेंगे, तो ही मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में कुछ तब्दीली आएगी। जैसे कि आपके सामने आप देखें कांस में बार फिल्म जा रही हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में फिल्म जा रही हैं, और वो कौन लोग हैं? यही तो हैं, यही है हमारे वो नौजवान लड़के लड़कियां जिनको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। वाई? बिकॉज बस वो जो टीवी इंडस्ट्री है, टेलीविजन इंडस्ट्री है, वहां के जो बेहतरीन जबरदस्त डायरेक्टर्स हैं उनको ही चांस अभी दिया जा रहा है कि आप फिल्म बना लें। तो ये भी है ना नेपोटिज्म, हमारी इंडस्ट्री नेपोटिज्म भी तो बहुत है, लॉबी सिस्टम भी बहुत, और लॉबी सिस्टम है, फिर नेपोटिज्म है, और बहुत सारी चीजें हैं। वक्त के साथ शायद ये ठीक हो जाए, या इससे पहले के कुछ गड़बड़ हो जाए, अल्लाह ही खैर करे, लेकिन नेपोटिज्म इज वन ऑफ द रीजंस। लेकिन नेपोटिज्म भी एक हद तक चलता है, ठीक है ना? ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके बच्चे नहीं आगे चल पाए, वाई? बिकॉज उनके अंदर खुद टैलेंट नहीं था। लेकिन ऐसे भी हैं जिनके अम्मा अब्बा जो थे उनसे ज्यादा टैलेंटेड उनके बच्चे निकले, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैं अपनी बात करूं तो माय फादर वाज बीन इन पाकिस्तान टेलीविजन, ही वाज द डायरेक्टर प्रोड्यूसर, एंड उन्होंने मुझे सपोर्ट तो किया जिंदगी में, लेकिन कभी चांस नहीं दिया अपने किसी ड्रामे में, अपनी किसी भी प्रोडक्शन में मुझे नहीं चांस दिया। एक बार बड़े तरले किए मैंने बाबा को कि यार करवा दें, तो उसमें भी इतनी मेरी बेइज्जती हुई बाबा ने, ऐसी बेइज्जती की कि भाई ये पढ़ते हो तुम जाके नापा में, ये आता है, तो मैं बड़ा डिसहार्ट भी होता था। वाई? बिकॉज वो चाहते थे कि मैं नहीं जाऊं इस फील्ड में, वो देख चुके थे इस फील्ड के हालात, तो वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन मेरे दिमाग में मैंने आइडल बाबा को ही बनाया हुआ था, और टीवी प्रोडक्शन और सारी चीजें, फनून लतीफा से मेरा रुझान था बचपन से, मैं क्रिएटिव माइंडेड था, एक आर्टिस्ट था, मैं पैदाइशी आर्टिस्ट हूँ। तो जब मौका आया कि हो सकता था कि वो मुझे अपने किसी प्रोडक्ट किसी काम में ले लेते, उस वक्त वो रिटायर हो गए, 2007 में वो रिटायर हो गए, और 2007 में मैं ग्रेजुएट हुआ, और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं बाबा के नाम से पहचाना जाऊं कि ये बेदिल मसरूर का बेटा है, तो ये इस तरह से मैं कभी नहीं चाहता था, ना ही मेरे बाबा चाहते थे, क्योंकि वो खुद एक सेल्फ मेड आदमी थे और वो चाहते थे मेरा बेटा भी सेल्फ मेड बने। तो बाय द टाइम मैंने ये चैलेंज लिया
कि मैं बाप अच्छा मेरा ये था कि मुझे ज़िया मुईउद्दीन साहब को इम्प्रेस करना है और अपने वालिद साहब को इम्प्रेस करना है, ये मेरे दो स्टैंडर्ड्स थे। मेरे वालिद साहब मेरे रूहानी मेंटोर हैं और ज़िया साहब मेरे दुनियावी मेंटोर हैं, तो मैं ये चाहता था कि इन दोनों को बस इम्प्रेस करूँ, बाकी दुनिया बाद में देखूंगा मैं। तो मैंने मेहनत की, मैंने बड़ी मेहनत की, कोशिश की, थिएटर करता रहा करता रहा करता रहा, और जब फाइनली 2007 में जब पहली कमर्शियल प्रोडक्शन हुई सफेद खून के नाम से, ज़िया मुईउद्दीन ने डायरेक्ट किया। तो ज़िया मुईउद्दीन जब डायरेक्टर हो ना, तो एक्टर को जो है ना, एक्टर को मोर देन परफेक्ट होना चाहिए, उसको अपनी लाइंस, उसको अपने जेस्चर्स, उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज मोर देन 100% एक्यूरेट रखनी पड़ेगी, वरना आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती होगी। तो हमने उनको भी, उनका भी दिल जीता, और फिर जब पहली बार प्रोडक्शन हुई तो वालिद साहब को बुलाया, और हमने वालिद साहब को मैंने कहा कि आप बैठे सामने बैठे, तो वो मैंने वो परफॉर्म किया और आखिर में उनकी मुझे दाद मिली, जिसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर अपनी मदद आपके तहत मैं काम करता गया करता गया, कोई बाबा की सिफारिश नहीं ली, कोई नेपोटिज्म वगैरह का मैंने सहारा नहीं लिया कि कहीं पर बता दूँ कि मेरे बाबा ये वो, तो मैं नहीं बताता था। बाद में जब परफॉर्मेंस देख लिया करते थे लोग और कहते थे यार बहुत अच्छा किया, कहाँ से हैं आप, कौन हैं आप, तो मैं बताता था कि मैं नापा से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर नाम मसरूर पूछते थे तो पता चलता था कि अच्छा भाई टैलेंटेड फैमिली से हैं आप। बात यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बाबा एक्टर होते या डायरेक्टर होते और मुझे चांस दे देते और मुझे कुछ भी ना आता, तो वैसे ही मैं कुछ टाइम के बाद फ्यूज हो जाता। लेकिन वो लोग जो मेहनत पे बिलीव करते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स हैं जिनके बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और वो आज तक काम कर रहे हैं और अपने माँ बाप से ज्यादा नाम कमा चुके हैं, तो यहाँ पे आके नेपोटिज्म फेल हो जाता है। फेल हो जाता है, अगर नेपोटिज्म पॉजिटिव है तो चलता है। हाँ, अब जैसे मैं एक मशहूर एक्टर हैं हिंदुस्तान के, वो उनसे भी ऐसी पॉडकास्ट में सवाल किया गया कि नेपोटिज्म के बारे में क्या ख्याल है, तो उसने कहा कि अगर मेरा बेटा बड़ा होकर बोलेगा मुझे एक्टर बनना है तो क्या मैं उसे मना कर दूंगा। जो बात है, हकीकत, मैं क्या करूंगा। फिर आप बेशक बोलते रहो नेपोटिज्म है नेपोटिज्म है, लेकिन भाई मैं उसको कैसे मना कर सकता हूँ, तो ये एक बात है। तो इतना लेकिन भी उसको रूट से आना चाहिए ना, एक रूट हाँ, है। सीख के आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मेरा बेटा है इसको फिलहाल होगा तो वो फ्लैट फेस के साथ आके जो है रटी हुई लाइंस बोल दे और लोग तालियां बजाए ओ क्योंकि ये फुला के बैठे हैं तो हम इनको सर पे बिठाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ऐसा एक वक्त तक चल सकता है, ज्यादा नहीं चल सकता। बिल्कुल, ज़िया मुईउद्दीन की बात कर रहे थे तो थोड़ा आप भी बताएं, क्योंकि आपने भी उनके साथ ऑब्वियसली नापा में सिर्फ पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा जो हमने खोया है यार, इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, और खास तौर पे इनकी टीचिंग के वो क्या थे, मतलब पॉइंट्स यार, ये चीज है यार। इस बात का तो मुझे अफसोस रहेगा कि ज़िया साहब बिल्कुल, और मूवी से पहले भी चले गए तो और ज्यादा इस बात का कि शायद वो देख लेते, वो कुछ तो कहते। हाँ बिल्कुल ऐसे। ज़िया साहब का बड़ा अच्छा हाथ रहा मुझ पर, वो जब आते थे, एक तो उनकी पंक्चुअलिटी बड़ी अच्छी थी, वो सुई 12 बजे जाते ही क्लास में एंटर होते थे और अगले एक घंटे तक पूरा वो खड़े होके पूरा समझाते थे। वो डिक्शन हमें पढ़ाया करते थे नेशनल एकेडमी में, तो वो पहले सफ़े दिया करते थे, उस सफ़े के अंदर मोनोलॉग्स नज़र 12 इस टाइप का होता था, तो वो हमें पढ़वाते थे, हमारी उर्दू सुधारा करते थे। और उसके बाद अच्छा खास ये था कि वो जब भी आते थे क्लास में, मैं अक्सर छुप के बैठता था, मतलब पूरे ऑडिटोरियम को सुनाना एक चीज होती है और ज़िया साहब को आप परफॉर्म करके सुना रहे हो, वो एक अलग चीज, उसके अलग भरम है। तो मतलब, और वो ज़िया साहब कुछ नहीं, मतलब वो आपको सुकून से बैठ के देख रहे हैं और आप मतलब हिले हो यार अंदर से, आपको परफॉर्म करना है उनके सामने, उनको दिखाना है जो आपने लास्ट वीक उन्होंने दिया था पेज, वो आपको आप परफॉर्म करके सामने सुनाना है। अच्छा, उनका बकायदा ये होता था कि वो क्लास में एंटर होते थे, मैं छुपकर कोने अक्सर कोने में बैठा करता था, ये इधर उधर कोना पकड़, मतलब वो देख नजर ना पड़े। हाँ, वो ढूंढ के पढ़ो, और वो स्पीच मुझसे ही पढ़वाया करते थे जिसके जिसमें होता था, तो वो अक्सर लोग दूसरे हंसते भी थे कि ये फंसेगा तो वो पढ़वाते थे। शायद उसी पढ़ने के चक्कर में तैयारी एक और अच्छी होती गई, बहुत अच्छी तैयारी होती रही, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनकी डांट ने बहुत कुछ सिखाया, जो बात है। और मेरे कुछ प्लेज में अक्सर ऐसा हुआ कि मैं अच्छा आवाज़ अलहमदिल्ला अच्छी थी, तो जिसकी वजह से किरदार हमें थिएटर में अच्छे मिला करते थे, या तो प्रोटैगनिस्ट होता था या एंटैगनिस्ट होता था रेंज की वजह से। तो अक्सर परफॉर्मेंसेस में मेरे साथ ये एक अजीब इत्तेफाक ये रहा कि ज़िया साहब उन प्लेज में नहीं होते थे, वो आउट ऑफ कंट्री होते थे या कहीं उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होते थे, तो हमारी जब परफॉर्मेंस हो रही होती थी। एक बार तो बकायदा ऐसा हुआ कि मेरी एंट्री से पहले
जिया साहब मेरी एंट्री है, मेरी एंट्री हुई है और उनके पास एक लेटर आया है और उनको बुलाया गया है, तो स्टेज मैंने देखा है यहाँ से जिया साहब जा रहे हैं ना परफॉर्मेंस के बीच में, तो एक अंदर से होता है। बाकी मुझे ये मौका अच्छा नहीं मिला, लेकिन सिखाने में उनका बड़ा हाथ रहा। मैं तो बड़ा खुशनसीब रहा, बिल्कुल आप जिया साहब बहुत लर्नड इंसान और उनका ह्यूमर का लेवल और उनका फहम, उनकी क्या ही बात है, जितनी तारीफ की जाए कम है। और हमने जिस तरह से उनसे सीखा तो बहुत ही शफकत, बहुत ही प्यार, और उनकी सख्ती भी जो है वो हक बजाने होती थी, वो हमें सुधारने के लिए होती थी। और उनका एक खास जो एक बात थी वो ये थी कि वो आप उनके सामने जब परफॉर्म करेंगे तो वो आपको रोक देते थे खास तौर पे अचानक से, और पूछते थे कि क्यों कहा आपने ये, या आप ये चल के यहाँ तक आए क्यों आए, तो वो हमें मजबूर करते थे ये सोचने पे। उन्होंने हमारी ट्रेनिंग ही ऐसे की कि हम कोई भी चीज ऐसे खाली नहीं जाने देते, सिर्फ उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सिखाने की वजह से, कि वो हमें हमेशा बताते थे कि हम हर चीज के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई वजह होती है, उस तक पहुंचना जरूरी है। दूसरा जो अहम चीज, उन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, समझना सिखाया, बात को कहना कैसे है ये सिखाया, ये भी सिखाया कि कौन सी बात कितनी जल्दी और कितना आहिस्ता कहनी है, उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, डायलॉग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, और स्क्रीन पे भी या स्टेज पे भी अगर आप टाइम ले रहे हो तो वो कितना टाइम होना चाहिए, एक डायलॉग को कितना टाइम देना चाहिए, उसका पेस कैसा होना चाहिए। तो बहुत सारी बारीकियां उन्होंने हमें सिखाई और समझाई, और हमें ये सिखाया कि सिंक कैसे करना है। आप आजकल देखते होंगे अदाकारी में, एक बंदा डायलॉग बोल रहा है, उसकी शक्ल कुछ और कह रही है, जबान कुछ और कह रही है, बॉडी कुछ और कह रही है, वो सिंक्ड नहीं होती। लेकिन ज़िया साहब ने हमें सिखाया कि अपने जो आप बोल रहे हो उसी के मुताबिक आपके एक्सप्रेशन भी होंगे, उसी के मुताबिक आपके बॉडी लैंग्वेज भी होगी, और सब एक पैकेज के साथ सिंक्रोनाइज्ड होके जाएगा। और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने, और खासतौर पर एडिक्शन पे उनका बहुत ज्यादा उनको मलका था, और वो हमें भी चाहते थे कि हम गलत तलफ्फुज ना इस्तेमाल करें, और तलफ्फुज में बहुत ज्यादा सख्त थे। और सबसे जो जबरदस्त बात उन्होंने हमें सिखाई वो वक्त की पाबंदी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त तुम्हारी कदर नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा पारस भाई, एक चीज है, ऑब्वियसली एक्टर जिस फेस में होते हैं, दिन में भी शूट कर रहे हैं, रात में भी शूट कर रहे हैं, कोई ऐसी फिल्म, जैसे भी एक फिल्म आप लोग मदारी कर रहे हो, मेंटल हेल्थ और एंग्जाइटी के शिकार बहुत होते हैं आर्टिस्ट खास तौर पर, इससे ओवरकम कैसे करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों के साथ आपने तो बहुत काम किया है, किसी एक स्टेज पे आके आपको लगा हो यार मैं छोड़ देता हूँ ये फील्ड, या मैं खत्म कर देता हूँ, या मुझे जो चीज चाहिए वो मिल नहीं रही, क्योंकि होती है ये चीज, मेरे साथ भी होती कभी कभी कभार कि मैं काम कर रहा हूँ 3 साल पॉडकास्ट करने की कोशिश करता रहा, अब जाके थोड़ा बहुत मिलने लगा, लेकिन कहीं बीच में लगा मुझे कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिस चीज का आपको जुनून होता है ना, पैशन होता है, उसमें आप कभी भी डिसहार्ट बोर नहीं होते। कुछ भी हो जाए वो आप करते ही हो, आप करते हो, भले आपको उसमें से रिटर्न ना आ रहा हो, फिर भी आप जो है वो उस काम को करते हो। दूसरा सवाल क्या था? मेंटल हेल्थ के हवाले से यकीनन मैं आपको ये बताऊंगा कि अदाकारी जाहिर है उसका ताल्लुक नफ्सियात से है शदीद हद तक, और मुकम्मल तौर पे नफ्सियात से ही है। आप जब कोई किरदार करते हो तो आप उसकी साइकोलॉजी को प्ले करते हो, खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू मेथड एक्टिंग, तो आप उसकी साइकोलॉजी में जाते हो, उस किरदार का उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, हर चीज, हर अदा आप उस किरदार की जो है वो नोट करके उस पर काम करते हो। हमारे यहाँ मुल्क में मेथड एक्टिंग नहीं की जा सकती, सॉरी टू से, क्योंकि इतना पैसा नहीं है, सही है, कोई पैसा देने के तैयार के लिए तैयार नहीं है। उनको चाहिए कि भाई आप ऐसी एक्टिंग कर दें जो मतलब तबाही मचा दें, लेकिन उसके आप एवज आपको चिल्लड़ मिलेंगे, तो आप क्या कौन सी मेथड एक्टिंग करोगे भाई? आप बाहर मुल्कों में जाओ, किसी भी अदाकार को आप कहते हो कि जैसे आमिर खान है, या जो है बहुत सारे अदाकार हैं, नवाजुद्दीन साहब हैं, या इरफान खान साहब हैं, या पंकज त्रिपाठी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, मनोज बाजपेयी वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो लेजेंड। अब उनको इतने करोड़ों रुपए मिलेंगे तो वो मेथड एक्टिंग नहीं करेंगे क्या? वो कोई और प्रोजेक्ट ही नहीं करेंगे? एक प्रोजेक्ट करेंगे उसमें करोड़ों रुपए मिलेंगे, और वो रज के मेथड एक्टिंग करेंगे, बाल भी लंबे कर लेंगे, शक्ल भी वैसी बना लेंगे, वैसे हालात वाकयात में चले जाएंगे, तो हम कैसे अफोर्ड करेंगे भाई?
इतने थोड़े से पैसे देंगे आप मुझे कोई किरदार, फॉर एग्जांपल डैनियल डे-लुईस की तरह मुझे बुचर का कैरेक्टर मिल जाए तो मैं जाके अपना टाइम लगाऊंगा, मुझे पैसे देंगे 4 रुपए और बोलेंगे भाई ये वाला किरदार ऐसा करना है तुम्हें, अब मैं जाऊं जाके बुचर्स के मोहल्ले में जाऊं वहां पे कटाई भी सीखूं सब कुछ करूं ये वो, आखिर में जेब में टका पैसा ना बचे और मैं आके जो है वो खड़ा हो जाऊं और फिर मेरी शक्ल देख के कोई मुझे और दूसरा काम भी ना दे, बोला ये आपका हुलिया क्या, मैथड एक्टिंग कर रहा हूँ मेरा किरदार है, तो बोला भाई तू यही करता रहे भाई बाकी फिर आपका कबाड़ा। सो मेंटल हेल्थ की तरफ आते हैं कि अगर आपकी गाइडेंस अच्छी है, अगर आपकी मेंटरशिप अच्छी है तो आप कभी मेंटल हेल्थ आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे। अगर आपको प्रोसेस का पता है, अगर आपको पता है कि कैसे इंटरनलाइज करके कैसे खुद को न्यूट्रल करना है, तो जैसे कि मैं हूँ, मैं मेडिटेशन से मदद लेता हूँ, मैं इबादत करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, मैं म्यूजिक सुनता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ और मैं दोस्तों से बातें करता हूँ, मैं लोगों से बातें करता हूँ और जो मेरे मेंटोर हैं उनसे मैं बातें करता हूँ, तो मैं जाके अपना हाल सुना देता हूँ, मैं अपना कैथारसिस कर लेता हूँ, तो मैं उस चीज़ से बच जाता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते, हिटलर बेचारा कमरे में बंद होके मर गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने क्या नाम था उनका एक और एक्टर है, बहुत सारे एक्टर हैं, इंडियन एक्टर भी थे ना, हाँ सुशांत को तो मारा गया था ना, वो तो एक अलग ही केस है, वो अलग केस है। खैर तो कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग डिसार्ड होके एंग्जाइटी का शिकार होके पागल होके उस किरदार से नहीं निकल पाते, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती, तो वो बेचारे इस चीज का शिकार होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर इंसान को काउंसलिंग की जरूरत है, सर में पेट में दर्द होता है, आंखें खराब होती हैं, कुछ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पता नहीं क्यों यहाँ पे लोग मायूस समझते हैं कि हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, उससे एक सेशन ले लेंगे तो लोग बोलेंगे तो पागल हो गया, ऐसा नहीं है भैया, जाहिर केमिकल्स हैं दिमाग में, अगर कुछ लोचा हो जाता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ मुझे, मैं अगर डॉक्टर के पास नहीं गया तो मैं अपने दोस्तों के पास गया, मैं अपने अम्मी बाबा के पास गया, मैं अपने उस्ताद के पास गया, उनसे अपने मसले बयान किए। जैसे कि पहले प्रोडक्शन में जब मैं सफेद खून में था, मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर मिला था, एंटेगनिस्ट था मैं, तो उसके बाद मुझे बहुत परेशानी हुई, मैं उस किरदार से निकल ही नहीं पा रहा था, मेरी सोच मेरा जहन मेरी बातें उसी तरह से हो रही थी, तो मैं ज़िया साहब के पास गया, मैंने कहा ज़िया साहब मेरे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने मुझे तरीका बताया। मैं अपने वालिद साहब के पास गया, मैंने कहा मेरे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने मुझे तरीका बताया कि मेडिटेट करो, अपने आप को डाइवर्ट करो चीज़ों की तरफ, फिर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ने के लिए दी, मुख्तलिफ किताबें पढ़ने के लिए दी, डिफरेंट म्यूजिक सुना, तो आहिस्ता आहिस्ता होते 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 चीज़ें वापस नॉर्मल हो गई। तो इसी तरह से ये बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए, किसी के भी लिए, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, किसी भी फील्ड से हो, एक वक्त के बाद होता है इंसान के साथ, फ्रस्ट्रेशंस हो जाती हैं, डिप्रेशन आ जाता है, मेंटली बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उसको अलाइन करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, और मेरे लिहाज से मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। आप सेल्फ सेंटर रहते हैं, अपने फोकस में रहते हैं, अपने आप को न्यूट्रल कैसे करते हैं, वो आपको मेडिटेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी की बात की, एक हमारे पाकिस्तान में जिस तरह का आर्टिस्ट जो है वो एक हसास चीज होता है, वो हर चीज महसूस करता है, लेता है, उसको समझता है। अब जो हालात चल रहे हैं जिस तरह के पॉलिटिकल वो एक आर्टिस्ट पे क्या असर डालती है, क्योंकि होता है ना कि जैसे अभी कराची के हालात है, अभी हम निकलेंगे ट्रैफिक, धुआं, मिट्टी, अब हमें निकलने के लिए सोचना पड़ता 10 बार कि यार इतनी दूर जाना है, हालांकि हमारा ही फायदा उसमें बेनिफिट है, लेकिन हम थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, रोडें खराब है, तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है बारिस भाई की मेंटल हेल्थ। अगर आप लाहौर चले जाए, इस्लामाबाद जाए, तो वहां पर थोड़ा पीस होता है, तो आर्ट ऐसी चीजें हैं। तो खैर अभी सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि मद्दारी फिल्म को हम भूल गए, तो अब आते हैं थोड़ा सा उसकी तरफ। ये बातें मदारी से ही रिलेटेड है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आपने कहा ना कि एक आर्टिस्ट पे बहुत असरअंदाज होती हैं, बिल्कुल होती हैं, एक आम आदमी पे भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक आर्टिस्ट क्योंकि बहुत हसास होता है तो वो बहुत असर ले लेता है इन बातों का। जैसे कि ये पॉलिटिकली मसला चल रहा है और ये रिसेशन का टाइम चल रहा है, इकोनॉमिकली चीजें बहुत डिस्टर्ब, महंगाई हो रही है, तो एक आर्टिस्ट बींग एन आर्टिस्ट वैसे ही उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, ठीक है, वो सेल्फ मेड होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसकी, तो वो बहुत ही दिल बर्दाश्ता हो जाता है, कहता है यार मैं कैसे मुल्क में हूँ, यहाँ पे तो कोई इज्जत ही नहीं है हमारी, बाहर मुल्कों में चले जाएं तो टीचर्स और एक्टर्स और परफॉर्मर्स को एक क्लास सिटीजन माना जाता है, उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनको बड़ा उनको सरांखों पे बिठाया जाता है, हमारे पड़ोस मुल्क में चले जाएं, उधर इतनी इज्जत है एक्टर की, वहां पे जो लेम से लेम
जो मीडियोकर से मीडियोकर जो भी जो सेलिब्रिटी होगा ना उसको भी वो सर आंखों पे बिठा देते हैं, जज बना देते हैं उसको, उनके इलाके वाले उनको सपोर्ट उनको इतना सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ हमारे साथ सेल्फी तो खिंचाना पसंद करेंगे लेकिन हमें इज्जत नहीं देंगे, वो समझते हैं पता नहीं हम कहाँ हम पता नहीं क्या है, खुदा ना खास्ता। ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत दुख देती हैं, बहुत तकलीफ देती हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी कौम है, ये जो पाकिस्तानी लोग है ना, बड़े साबरीन है, तो वो कहा जाता है कि यार ये क्यों नहीं शिकायत करते हैं, इनके हालात जरा तंग करो ताकि शिकायत करें और फिर हमें बाहर से जो है वो कुछ फंडिंग मिले। तो वो क्या करते हैं, वो एक पुल होती है जो गाँव से शहर की तरफ आती है, लोग कारोबार करने के लिए जाते हैं, तो पुल के इस वाले मुंह पर इस एंड पर एक दरबान को खड़ा कर देते हैं जो उनको छित्तर मारते हैं। तो लाइनें लगी होती हैं, छित्तर खा खा के लोग जा रहे होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे होते, तो फिर भी शिकायत नहीं आती। तो बादशाह बड़ा हैरान होता है, वजीर से कहता है कि अबर क्या सीन है भाई, ये क्यों नहीं आवाम शिकायत कर रही। तो अचानक से जो है घंटा बजता, कहता है भाई आ गए शिकायत करने आ गए। वो कहते हैं अरे वाह मेरी कौम जाग गई, जाग गई मेरी कौम, शिकायत करेगी आज। वो जैसे ही आते हैं वो कहते हैं हाँ भाई क्या शिकायत लाया, वो कहते हैं सर एक दरबान और बढ़ाते हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है, एक ही बंदा है छित्तर मार रहा है, बड़ी लाइनें लग रही हैं, दो लोग होंगे तो जल्दी जल्दी निमट जाएंगे। तो हम वो कौम है, वी वेट फॉर द छित्तर के और मारो ना यार थोड़ा सा और बढ़ा दो लोग ताकि हमें और ज्यादा छित्तर पड़े। तो हम लोग को शर्म नहीं है, हम लोगों का जमीर मर चुका है सर। बिल्कुल ऐसा कौम अगर जागना चाहते हैं तो वो मौला हुसैन का एक बहुत बड़ा कॉल है कि सोए हुए को जगाने के लिए चंद पानी के चंद कतरों की जरूरत होती है, लेकिन सोई हुई कौम को जगाने के लिए शहीदों का खून चाहिए होता है। ये जो मदारी आप देखेंगे फिल्म, इस मदारी में बहुत सारे मल्टीपल थीम्स और मल्टीपल मैसेजेस हैं और जो हमारे हमारे सोसाइटी पर बहुत बड़ा सवाल उठाती हैं। कहाँ देखते हैं मदारी को? ऑब्वियसली गेम चेंजर बन सकती है मदारी फिल्म। जी जी बिल्कुल, इसमें पोटेंशियल है, इस कहानी में पोटेंशियल है, इसकी स्टोरी टेलिंग में पोटेंशियल है, जिस तरह का, और एक सिंपल सी कहानी है बट डीप डाउन इज रूटेड विद अवर सोसाइटी। और मेरे ख्याल से 2007-2008 के दौर का टाइम दिखाया गया है, उसके बैकग्राउंड में जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो था वो भी उसकी झलकियां आपको मिलेंगी, और उस पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से जो पूरा एक टर्मोइल है, ये पूरा जो मसला है उसकी वजह से एक आम आदमी क्या भुगतता है, उसकी जिंदगी पे क्या गुजरती है और गली मोहल्लों में क्या हो रहा है, वो आपको इस फिल्म में दिखाई देगा। और ये टोटल आप बोले हुए कि अब ये पाकिस्तानी फिल्म, इसको कह सकते हैं ये पाकिस्तानी सिनेमा है, और ये एक माइलस्टोन का काम करेगी मुझे लगता है इंडी फिल्म मेकिंग में और पैरेलल सिनेमा में, ये एक संगे मील का काम करेगी। ये मेरा दिल कहता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो इस तरह से कोई फिल्म अभी तक किसी ने नहीं बनाई। स्टॉप पे बहुत बड़ी बात है। आप बताएं गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, क्योंकि हम रेवोल्यूशन की बात तो करते हैं। अच्छा पारिस भाई, इसमें एक और चीज मैं आपसे भी ऐड करूंगा कि 2013 में वॉर फिल्म आई तो हमने कहा भाई हमारी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया, चेंज आ गया। अब मौला जट आई तो अब भी हम यही कह रहे हैं कि अब चेंज आ गया, लेकिन चेंज आ क्यों नहीं रहा? एक आज फिल्म हो रही है, लोगों को निकालना मुश्किल हो गया घरों से कि यार आओ सिनेमा, लोग नहीं आना चाहते। हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, मार्वल्स के लिए, डीसी के लिए निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि यार आओ सिनेमा, आओ देखो, सपोर्ट करो, क्योंकि हाँ ट्रस्ट नहीं रहा है, चीजें ऐसी बनती रही हैं, मगर कुछ जब इस तरीके की चीजें बनेंगी जो क्वालिटी कॉन्टेंट होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, तो बिल्कुल लोग अपनी चीज के लिए भी निकलेंगे उसको। यहाँ पे जब इंडियन फिल्म लगा करती थी कुछ वक्त पहले, तो मैंने देखा उनके लिए रश हुआ करता था, हाउसफुल जाता था, ठीक ठाक रश होता था। मैंने संजू, मैं पर्सनली मतलब संजू मैंने 3 दफा देखी है जाके, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी, वो बिल्कुल क्या जबरदस्त। सिर्फ टीफा एंड ट्रबल के लिए हम लोग 3 दफा गए थे। टीफा एंड ट्रबल देखे, टीफा एंड ट्रबल बनी ना, लाल कबूतर बनी ना, लाली वो लाली कमली बनी ना, ठीक है। इस तरह से एक और फिल्म है, काफी फिल्म्स हैं जो कि पोटेंशियल रखती हैं और जिन्होंने जिनके अंदर बेशक उन्होंने ज्यादा बिजनेस ना किया हो, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर फिल्में ऐसी बनी हैं जो कि बॉलीवुड इंस्पायर्ड रही और आइटम नंबर चीजें उसमें, उस तरह की एक्टिंग, उस तरह के लार्जर देन लाइफ चीजें,
ठीक है इसकी भी ऑडियंस है, इसकी भी ऑडियंस है, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ इसकी ऑडियंस नहीं है ना, बिल्कुल आप और हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे, बिल्कुल जो कोई आर्ट फिल्म देखना चाहता है, ठीक है, अब अगर मैं आर्ट फिल्म देखना चाहता हूँ, मेरे पास नेटफ्लिक्स पे देखने के पैसे नहीं है, मैं किसी दोस्त से कह रहा हूँ यार अपनी आईडी तो दे दे, ठीक है, तो मैं देख लूँ अमेज़न देख लूँ, ये तो हर किसी की रीच में नहीं, नहीं है। तो अगर यहाँ पे ही आप ट्रस्ट करना शुरू करो उन लोगों पे जो इस तरह की कहानियां बना सकते हैं, जो पोटेंशियल रखते हैं, अब जैसे मैं जब भी जाता हूँ यूनिवर्सिटीज में, जब फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स अपने थीसिस फिल्म्स बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, मैं हैरान रह जाता हूँ यार, बिल्कुल फिल्म्स बनाते हैं ऐसा ही, और फिर वो ऐसा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो फिर अपने अपनी फिल्म्स को बचा बचा के वो भेजते हैं अवार्ड शोज में, वो अपना फेस्टिवल्स में, वर्ल्ड वाइड फेस्टिवल्स में भेजते हैं, और वहां पे उनको रिकॉग्निशंस मिलती हैं, तो ये एक बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है कि यार हमारे यहाँ लोग पोटेंशियल रखते हैं, तो ऑडियंस को भी अगर आप अच्छी फिल्में दिखाना शुरू करोगे, अच्छी फिल्में अच्छा कॉन्टेंट देना शुरू करोगे, तो वो जरूर आएंगी, फिर हाउसफुल भी होगा, फिर सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए नहीं जाया जाएगा, बिल्कुल अब देखें, अब आप देखें कि मौला जट बनी तो लोगों ने देखी, देखी ना देखी, बिल्कुल ऐसा ही मैंने चार दफा देखी वो फिल्म, ऐसा ही है, ऐसा ही है, मतलब वो जब उसके जो वीएफएक्स थे या जो उसका साउंड था या जो उसकी सिनेमेटोग्राफी थी, जो उसमें लेवल ऑफ एक्टिंग थी, जो सारी चीजें थी, वो एक पैकेज था, वो मजेदार चीज, हाँ कुछ चीजों पे मुझे एतराज है लेकिन मैं उनको नजरअंदाज करता हूँ, क्योंकि ऐसी फिल्म जो है नहीं बनी थी, नहीं बनी आज तक, तो ये तो जबरदस्त हो गया, अब हम इंतजार करेंगे बिलाल दूसरी फिल्म कब बनाता है, इसी तरह से वो लाल कबूतर वाले जो हमारे हैं अब्बासी, आसिम अब्बासी, डायरेक्टर आसिम, वो अब वो उनका दिमाग बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं, चुड़ैल के नाम से Z5 पे भी कुछ बना था, तो इस तरह से अभी भी है, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है यार, हमारे पास ऐसे ऐसे जबरदस्त डायरेक्टर्स हैं, इवन जो टेलीविजन के डायरेक्टर्स हैं उनको भी फ्री हैंड दिया जाए, अच्छा स्क्रिप्ट दिया जाए, अच्छी कास्ट दी जाए, और उनसे कहा जाए कि भैया उस स्टैंडर्ड को मीट करना है, तो मुझे लगता है कि वो भी कर लेंगे, कमाल खान और आसिम अब्बासी भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो इस तरह के नौजवान लोग ये सब इनको मौका मिले तो ये करेंगे, जैसे टेलीविजन में बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, अच्छे नाम है उनके, अंजुम शहजाद है अपना, सैफी हसन है, तिशामुद्दीन है, सिराजुल हक है, और अपना सुहेल जावेद है, और बहुत सारे यू नेम इट, तो बहुत सारे लोग हैं, अभी वो शहजाद कश्मीरी जिन्होंने परिजात बनाया, कितना हिट हुआ, तो उनको जाहिर है उनके अंदर पोटेंशियल है ना, वो ऐसी जबरदस्त चीजें बना सकते हैं, उनके अंदर है ये, तो आप उनको मौका तो दें, आप उनको उन पर ट्रस्ट करें, उनको ऐसी कहानियां दें कि वो उस तरह से उस लेवल पे जाके काम कर सकें, लेकिन वो कमर्शियलिज्म में फंसा के रखेंगे कि नहीं हमें तो ठुमका चाहिए, हमें तो ये चाहिए, तो वो बेचारे मजबूर हो जाएंगे, तो हम क्या करें, अब जाहिर है अब इन्वेस्टर को भी तो खुश करना है, तो इन्वेस्टर को, अब मुझे बहुत बार ऐसा अफसोस भी होता है, कहता रही हूँ कि जिसकी जिसको क्रिएटिव चॉइसेस लेनी है ना, उसकी ओरिएंटेशन ही बिजनेस वाली है, अब वो बिजनेस करना एक बंदे को और वो क्रिएटिव चॉइसेस भी ले रहा है, तो फिर वो तो नहीं हो पाएगा। अब ये मदारी फिल्म में यह है कि वो जो डायरेक्टर है वो खुद बहुत एक जबरदस्त आर्टिस्ट आदमी है, और लिखा भी उसने खुद है, स्टोरी भी उसकी है, उन लोगों के साथ काम किया, एक्सपीरियंस किया, जो टैलेंटेड है, ताकि वो जो भी बड़ी अच्छी जो उस काम को समझते हैं, एग्जैक्टली हमने थिएटर में हमने सीखा है कहानी सुनाना, एग्जैक्टली ऐसा ही हमारा काम है कहानी सुनाना, तो एक डायरेक्टर आएगा उसने कहा मैंने ये कहानी लिखी है सुना दो, तो हम तो मजे लेके सुनेंगे ना भाई, हमारा काम ही यही है, जब तक हम मजे ना लें खुद कहानी सुनाने के, और यही असल क्राफ्ट है कि जब तक इफ यू वोंट बिलीव द अदर पर्सन विल नॉट बिलीव, आपको खुद पहले एंजॉय करना पड़ेगा, आप किसी का गाना या डांस देखते हैं तो आप एंजॉय करते हैं, क्यों, क्योंकि जो परफॉर्मर होता है वो खुद एंजॉय कर रहा होता है, सही बात, ये ऐसा प्रोसेस है, बिल्कुल, कि जब तक आप खुद एंजॉय नहीं करेंगे, जब तक आप खुद उसमें इन्वॉल्व होकर मजा नहीं लेंगे, ऑडियंस भी नहीं करेगी, वो जो डांसर मजे ले लेके डांस कर रहा होता है उसके मजे लेने के को हम एंजॉय कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं आप, तो एक्चुअली जब आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर ने एंजॉय किया है, लिखते हुए भी, डायरेक्ट करते हुए भी, और एक्टर ने भी एंजॉय किया अपना परफॉर्म करते हुए भी, बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कहानी थी ये ऐसी थी कि कहानी के साथ सभी जुड़ते गए, सबको अपने साथ साथ कहानी का भी फायदा दिखता गया, सब अपना 100% देते हुए आगे बढ़ते गए, तो आपको इंशाल्लाह मैं कहूंगा कि आपको एक बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, और मदारी की शक्ल में एक चीतों की फौज आ रही है, इंशाल्लाह चीतों की फौज आ रही है,
तो भाई अच्छा दो तीन बातें बड़े थोड़ा जेनेरिक सवाल पूछते हैं अशर भाई, आपने पूछना तो पूछ। मुझे एक चीज पूछनी कि 2003 से लेके 2010 तक तकरीबन हमारी जो इंडस्ट्री थी ना, भले ड्रामा इंडस्ट्री ऑफ फिल्म तो खैर बहुत कम बनी, लेकिन उसमें क्या होता था कि यार वो लोग आउटडोर जाते थे, वो लोग शूट करते थे जैसे माउंटेन्स या वैलीज या बिग बिग सेट जो जगह होती थी वो बताते थे, लैंडस्केप दिखाते थे। अभी का सिनेमा स्टक हो गया इंडोर पे, इंडोर पे चला गया, टोटली इंडोर पे स्टक हो गया, वो बाहर निकलते ही नहीं है ना। हाँ कुछ आर्मी फंडेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये चीजें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन वैसे ऑल ओवर जो भी हो रहा होता है नहीं उसमें देखने को मिलता। ऐसा क्यों ये डिफरेंस आया है? ये राइटर बरादरी से पूछने वाला सवाल है या फिर वो जो प्रोडक्शन है उससे पूछने वाला सवाल है कि भैया आप बजट का इश्यू है, इकोनॉमिक रहता है, बाजार में नहीं जा सकते? नहीं यार यही कर लेते, यही कर लेते हैं, बस यही इसका जवाब है। प्रोडक्शन मैनेजर पहाड़ों में घूम रहे होते हैं। हाँ तो प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाने के लिए राइटर को ये लिवरेज तो दो कि वो खुल के सोचे। ठीक है अब हमारे एक दोस्त है जैसे अली रिजवी की मैं बात बता रहा हूँ, अली रिजवी के पास अछूते आइडियाज होते हैं। तो हम जब शुरू शुरू में जब हम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट पास आउट हुए और हम लिखना शुरू किया हमने सबसे पहले, तो लिखते हुए वो ऐसी ऐसी चीजें लिख देता था, मैं कहता तो करेगा कैसे भाई, कैसे करेगा, ये हेलीकॉप्टर जो तू उड़ाता हुआ दिखा रहा है कहाँ से लाएगा, या ये जो पहाड़ से यू स्लाइड करता हुआ बंदा आ रहा है कहाँ से, कहाँ जाए पहाड़, कितना पैसा कहाँ से लाएगा भाई, तो जरा सोच भाई, कमरे में बंद करो कहानी को, समझ रहे, पीछे धुआं निकाल दो। तीन शॉट्स होते हैं टोटल, मास्टर, ओटी, सोलो, सोलो, बस ये तीन शॉट में हमारी फिल्म भी बन रही है और ड्रामे भी बन। हाँ तो ये एक अफसोस की बात है, ये एक ऐसी बात है कि, और ये एक बात मैं बता दूं, मदारी फिल्म ये ट्रेंड सेट करेगी कि फिल्म पैसे से नहीं बनती, जो बात फिल्म सारा दिमाग से पैशन से बनती है, बिल्कुल ठीक है, कैमरे से भी नहीं बनती, मैं कहता हूँ अदाकारों से भी नहीं बनती, फिल्म बनती है विजन से। मैंने ऐसी फिल्म भी देखी है जिसमें नॉन एक्टर्स है, नॉन एक्टर्स ऐसे, मैंने बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखी है। एक फिल्म है आप शायद आपने देखी हो लायन के नाम से, जिसमें सनी पवार के नाम से एक छोटा बच्चा है, यार वो बच्चा है, ऐसा बच्चा है, उसकी अदाकारी उस एक ही फ्रेम में शेयर कर रहा है वो नवाजुद्दीन के साथ, तो वो उसको उठा के ऊपर रखता है और वो एक बंदी के साथ रोमांस कर रहा होता है, तो वो बच्चा नीचे से लो एंगल शॉट है, बच्चा यूं सिर्फ अपनी आंखों से जो है ना मोटी मोटी आंखों से नवाजुद्दीन को देख रहा है और नवाजुद्दीन को खत्म कर दिया उसने उस फ्रेम के अंदर, सिर्फ उसका देखना, सिर्फ उस बच्चे का देखना। तो ऐसा भी है कि कंटेंट एक अच्छा स्क्रिप्ट जो है ना एक मीडियोकर या नॉन एक्टर को भी बहुत बड़ा अदाकार बना देता है, और एक बहुत बुरा स्क्रिप्ट एक बेहतरीन अदाकार को भी ना बिल्कुल जमीन पे ला सकता है। अच्छा फिल्म का सबसे बेस्ट सीन मदारी का, बेस्ट सीन या बेस्ट पार्ट या बेस्ट डायलॉग आप दोनों का? देखिए अभी तो रिवील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे सीन है जो कि एक सीन नहीं है, बहुत सारे ऐसे सीन है जो कि जो अभी मैं सोच रहा हूँ तो गूज बम्स हो रहे हैं। ठीक है तो ऐसे ऐसे मूमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे सीन्स हैं, जब आप मैं ऑडियंस से भी ये दरखास्त करूंगा और आप सबसे भी कि जिंदगी में मौका मिले ना तो कोई अच्छा मयारी थिएटर देखें जाके। ठीक है उस मूमेंट के अंदर जब आप जाते हैं ना तो थिएटर इज एन एक्सपीरियंस, इज अ मैजिक, क्योंकि ऑडियंस और एक्टर दोनों आमने सामने होते हैं, यहाँ से एक्टर अपनी एनर्जी भेजता है और वहां से, क्यों कहता हूँ मैं फिल्म रेलेवेंट है क्योंकि फिल्म के इतने बड़े पर्दे पर जब आप एक्टर को देखते हैं ना, अब माशाल्लाह से इबाद ने बहुत बेहतरीन काम किया है और कुदरती तौर पर इसको अल्लाह ने चेहरा और आंखें ऐसी दी हैं कि वो इंटेंसिटी इसके चेहरे से उभर उभर के आ रही होती है। तो जब आप फ्रेम में देखेंगे ना, अभी भी एट्रियम के बाहर सिनेमा के बाहर उन्होंने स्क्रीन्स लगाई हुई है तो ट्रेलर चल रहा है तो लोग रुक के देख रहे हैं उसको, और मुझे अभी तक जो फीडबैक मिला है वो इनके हवाले से भी, यार ये बंदे की आंखें बड़ी इंटेंस है, वो इसलिए है भाई, इसलिए है क्योंकि वो सोचता है, वो क्रिएटिव माइंड को चलाता है, वो उसके अंदर कुछ है, कुछ सब्सटेंस है जिसको वो पोर्ट्रे कर रहा है, जैसे वो ट्रेलर वाला जो सीन होता है वो जो देयर आर लॉट्स ऑफ सीन्स, देयर आर लॉट्स ऑफ डायलॉग्स, इवन वो जो इसका डायलॉग है कि हम सिस्टम बदल देंगे, तो इटसेल्फ इसके अंदर एक पावर है। ठीक है और जैसे मेरा एक डायलॉग है ट्रेलर के अंदर आपने सुना होगा कि आम आदमी बदला नहीं ले सकता, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी चमाट है हमारे मुंह पे मुआशरे में कि एक आम आदमी होने के हवाले से जब आप बात कर रहे हो तो उसके साथ कोई ज्यादती हुई है तो कानून तो उसकी सुन नहीं रहा, नहीं सुन, तो वो बागी होके उठता है और कहता है कि मैं सिस्टम को बदलूंगा और मैं जो ये करूंगा वो करूंगा, तो वो उसको समझाता है कि नहीं ले सकता यार बंदा, हम बेबस हैं। तो ये हमारी बेबसी
और बहुत सारी ऐसी सीन्स हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं इस फिल्म के अंदर जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, और वो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि लोगों को याद भी रहेंगे। सिर्फ आप ट्रेलर के हवाले से ही मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ रिवील हुई है चीजें, तो वो उसके अलावा भी बहुत कुछ है इस फिल्म के अंदर। ऐसा कुछ है कि सीन शूट हो रहा है, सीन चल रहा है, स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन आपने इतना जबरदस्त इंप्रोवाइज कर दिया कि यार वो सीन में आ गया। Yeah, there are a lot of, ये बताएंगे आप। कुछ सीन ऐसे थे कि जो हमें परफॉर्म होने से एक दिन पहले मिले थे कुछ मिसहैप्स की वजह से, और वो बिल्कुल उसकी तैयारी हम लोगों ने सोच समझ के और बाकी हम इंप्रोवाइज करेंगे पूरी ब्लॉकिंग और बाकी सारी चीजें सेट करके वो किया है, और वो बड़ा अच्छा निकल गया है। एक्चुअली मुतासर होंगे। सिराज जो है कैसे डायरेक्टर हैं कि शुरू से जो है ये एक बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको एक अच्छा डायरेक्टर मिले एक एक्टर को, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है डायरेक्टर के लिए कि उसको एक्टर टाइम दे, उसको टाइम दे और उसकी बात को सुने और समझे और उसको उस लेवल पर जो वो चाहता है उसको दे। तो सिराज ने हमें बहुत ज्यादा रूम दिया, बहुत स्पेस दिया, और ऐसा नहीं था कि बस स्टिक टू द स्क्रिप्ट। हाँ, हमें मेन मुद्दे से हम जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने हमें पूरा चांस दिया कि हम इम्प्रोवाइज भी कर सकें। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज जहाँ पे हम इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं, और वो आपको जगाएं। खैर, बीइंग एन ऑडियंस, तो अगर कोई गुणी कोई एक्टर होगा या कोई अंदर का आदमी होगा तो शायद उसको ये बात समझ में आए, लेकिन क्योंकि सारे अदाकार मंझे हुए हैं उसमें, तो कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी उन्होंने कि वो ऐसा लग जाए कि इम्प्रोव कर रहे हैं, वो इतना नेचुरल है। टॉप 5 डायरेक्टर्स लोकली भी कह सकते हैं, बाकी इंटरनेशनली भी, आपकी नजर में जो आपके फेवरेट है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? सिराजु सालिकीन और सरमत खुसर्ड। नाइस। और अनुराग कश्यप। तीन हो गए। तीन हो गए। और तो बाहर के हैं वो, तो वहां तक पहुंच नहीं है हमारी, लेकिन नहीं नहीं जा सकते हैं हम हॉलीवुड गए, वो नेवर नो। हो सकता है बिल्कुल। स्टैनली क्यूब्रिक मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कभी कोई जिंदगी में, खैर लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत सारे ऐसे टॉप 5 एक्टर्स। मनोज वाजपेयी मुझे बहुत पसंद है, मुझे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे एक्टर्स हैं, कबीर खान साहब बहुत पसंद थे, तलत हुसैन साहब बहुत पसंद थे, अल्लाह उनको बरी करे, रहमत करे कबीर खान साहब को, अल्लाह ताला शायद अता करे तलत हुसैन साहब को, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और नुमान एजाज साहब मुझे बहुत पसंद है, सानिया सईद मुझे बहुत पसंद है, मुझे सलीम महराज बहुत पसंद है, मुझे टीपू और राशिद फारूकी, टीपू और राशिद फारूकी भाई बहुत पसंद है, और अहमद अली अकबर बहुत अच्छे हैं, हमाद सिद्दीक बहुत अच्छा है, अली रिजवी बहुत अच्छा है, साद बहुत अच्छा है, नजरुल हसन बहुत अच्छा है, वाज शेर आलम बहुत अच्छा है, एक से एक हीरा है हमारे पास। जो बहुत सारे चले, ये जो शुरू में नाम लिए इनको तो आपने देखा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हीरे हैं जिनको अभी आपने देखा नहीं, आनंद करीब आप जल्दी देखेंगे, छा जाएंगे वो इंशाल्लाह। आपकी बात फेवरेट एक्टर्स, फेवरेट एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स जिनके साथ काम करना है फ्यूचर, या सोचना है कभी प्लान करना है? काम का तो पता नहीं, नहीं पता, लेकिन एक पसंद है, बहुत होती पसंद है, बहुत सारे आने वाली है तुम्हें, क्रिस्टोफर नोलन की इंशाल्लाह। नोलन, हाँ बिल्कुल, नोलन भैया बड़े पसंद है, नोलन भैया बड़े पसंद है। अपना टारंटिनो, बहुत सारे हैं, टारंटिनो बिल्कुल अच्छे हैं यार, जेम्स कैमरॉन, जेम्स कैमरॉन अच्छे हैं, स्कॉर्सेजी अच्छे हैं, कश्यप अच्छे हैं, अपना राज एंड डीके बड़े अच्छे हैं, उनके तो काफी सारे हैं यार, अब उनके काम बाकी सारी, अब इतने सारे हैं यार, अब तो क्या बताया। बिरयानी तो खाते होंगे आप लोग, तो टॉप बिरयानी बता दें अपनी फेवरेट के यार, कराची में एक होता ना एक लेवल सेट है हमारे यहाँ पे भी, बिरयानी या तो बहुत अच्छी होगी या बहुत बेकार, तो एक होता है ना लेवल, क्या इससे अच्छी बिरयानी मैंने नहीं खाई यार, ऐसी यार बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज में बहुत मजे मजे की बिरयानी, कोई एक वो यार इससे बेहतरीन, बोर्ड बेसन पे जद्दा बिरयानी खाया जाके, और जद्दा बिरयानी वाले अगर ये देख रहे हैं तो अब देख ले मैंने कर दिया आपके ब्रांड चेक आ जाना सर, तो फिर कर लेने हफ्ते में एक दिन तो फ्री में दे देना यार। हाँ, काफी कंपेरिजन ही नहीं है यार, अलकरम से लेकर अपना फरहान, हाँ, सदर के, मुझे तो अक्सर कुछ ठेलों की पतले रायते वाली बिरयानी बड़ी पसंद है, जिसमें पानी वाला रायता होता है, उसका अपना स्वाद है। तो चले एंडिंग की तरफ चलते हैं, और आप दोनों से एक आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं और क्या समझते हैं कि आपके मुल्क की तरफ और फिल्म इंडस्ट्री हमारी कहाँ स्टैंड करती है? इतना
ऐसा सवाल किया है जो दो या एक जुमले में खत्म नहीं हो सकता, लेकिन बस दुआ है एक, अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, हमारी कौम को अल्लाह ताला एक होने का कोई जज्बा अता करे, इससे पहले कि बहुत बड़ी आजमाइश सर पर आ जाए, इससे पहले कि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, आपस में मिल जाएं। और ये जो एक हमारे मुल्क में मसला है ना कि कौमियतों का मसला है और लिसानी तासुब है, तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म होने का टाइम है। तो अगर मैं ये सोचूं मैं सिंधी हूँ, वो माजर है, वो पठान है, ये बलोच है, ये पंजाबी है, तो ये सब छोड़ दें भाई, इंसान है, इंसान के बच्चे बने, ठीक है, पहले इंसानियत है, इंसानियत के बाद जो है सारी बातें है। और मजहब हर इंसान का जाती मसला है, अल्लाह और उसके मामला बंदे का मसला है, तो चीज़ों को गड़मड़ ना करें, आपस में जुड़ जाएं, इससे जो दुश्मन अनासिर हैं मुल्क मुसल्लत है हमारे ऊपर, और जिस तरह से आप सियासत का हाल देख रहे हैं, तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सबको पता है, सबको पता है कौन कितना बड़ा चोर है, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया। ये 2023 चल रहा है, और मैं एक और मज़े की आपको बात बता दूं जल्दी जल्दी में कि हम एज ए मुस्लिम जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बातें बता दी गई हैं, जो हुआ था, जो हो रहा है, जो होगा। तो कुछ कौमें ऐसी गुजरी हैं जिनको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको एक दिन का टाइम दिया, कुछ हैं जिनको हमने आधे दिन का टाइम दिया। तो उन कौमों को जिनको एक दिन का टाइम दिया उनकी तारीख 1000 साल की है, वो कौम है जिनको आधे दिन का टाइम दिया उनकी तारीख 500 साल की है। तो पूछा गया कि उम्मत को कितना टाइम है, जो हम और आप हैं उनके पास 1.5 दिन का टाइम है, 1.5 दिन के हिसाब से होते हैं 1500 साल, 1500 साल पूरे होने में सिर्फ 60 साल बाकी हैं। अब आप खुद सोच लें, इट्स अ बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ डेज। तो अब इतने हालात खराब हो चुके हैं, अभी आप अगर आप मुनज्जम नहीं हुए तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे ये दुनिया। ये जो मुश्किलें हैं अभी आप देख रहे हैं, दुश्मन अनासिर हमारे सर पे खड़े हैं, ये दिया पाचा कर देंगे और बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अगर अपने सारे जो भी डिफरेंसेस हैं उनको भुला के आपस में एक होके नहीं खड़े होंगे तो बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल सर, आखिरी एक ऑडियंस के लिए क्वेश्चन, के कोई भी जिसको एक्टर बनने की ख्वाहिश हो या चाहता हो कि मैं मीडिया लाइन परस्यू करूँ, तो उसके लिए सही मेथड क्या है स्टेप इन होने के लिए? क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि यार हमें क्या करना है, किधर जाना है, कैसे करना है। कोई मेंटरशिप पकड़ें, सीखें, इदारे हैं, आर्ट्स काउंसिल है, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, अभी तक तो ये दो हैं जो कि टोटल इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, थिएटरिक्स पे काम कर रहे हैं। तो जाएं ड्रामा पढ़ें, अगर ड्रामा आपको करना है, अदाकारी करनी है, अदाकार के लिए ड्रामा होना जरूरी है। बिल्कुल, ड्रामा नहीं होगा तो अदाकारी कहाँ करेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि ड्रामे पढ़े, ठीक है, लिटरेचर को परसू करे, रशियन लिटरेचर पढ़े, इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, उर्दू लिटरेचर पढ़े, जो और जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनके ड्रामे पढ़े, और कोई अच्छा मेंटर ले जो कि उसको समझाए कि बात को कहना कैसे, करना कैसे। तो नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और आर्ट्स काउंसिल ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो मुझे तो जो भी पूछता है कि सर एक्टिंग का शौक है क्या करें, तो हम उनको बताते हैं कि हमने इस तरह से किया तो आप भी इस तरह से करें, और इससे ये होगा कि आपको कम अज कम काम आता होगा। ये नहीं होगा कि आपको जाके खुश आमदें करनी पड़ेंगी कि सर काम दे दें, काम दे दें, काम दे दें, तो वो तो नहीं हो सकेगा, नहीं। बहुत मुश्किल है एक लड़की होने के नाते हो सकता है कि उसको कुछ फेवर्स मिल जाएं, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि उसको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े जाके मुख्तलिफ कास्टिंग काउच वगैरह, आपको पता है चीज़ें जलालत है, बिल्कुल होता है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि क्राफ्ट को जाके सीखें, समझें, पढ़ें, पढ़ने से होगा। और मेरा तो यही ख्याल है कि पढ़ेंगे नहीं तो फिर पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल। आप दोनों बड़े अच्छे होस्ट हैं और अल्लाह आपको और तरक्की दे, अच्छे सवाल आपने चुने और इस बात पे आपको सलूट करते हैं हम कि आपने मदारी जैसे कंटेंट को प्रोजेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पॉडकास्ट किया और हम लोगों को मौका दिया कि हमने अपने दिल की बात आपके सामने रखी। थैंक यू सो मच। तो भाई अभी हमारे साथ मौजूद थे पारस भाई और इबाद भाई, तो अब हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है सिराज भाई ने और हमाद भाई ने। तो हमाद भाई हैं, सिराज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, ऑल गुड।
अच्छा सिराज भाई, अभी हमारे साथ मौजूद थे पारस भाई भी मौजूद थे और इबाद भाई भी थे, उनसे काफ़ी बातें हुई, लेकिन असल मेन चीज़ जो है वो डायरेक्टर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म उसकी होती है, सारी चीज़ें वो डिसाइड करता है। तो आप मुझे बताएं थोड़ा सा मद्दारी, कि मद्दारी के पीछे क्या थ्योरी थी या क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने इस तरह की फिल्म बनाने का सोचा, और ये काफ़ी टाइम से भी आप प्लान कर रहे थे। मदारी जो थी वो 2019 में हमने स्टोरी सोची मैंने, और उसके बाद मेरे साथ जो को प्रोड्यूसर है अली रिज़वी, उनको मैंने बोला भाई ये कहानी है, ये मैं करना चाह रहा हूँ, और कुछ आइडियाज़ है मेरे जहन में, काफ़ी यूनिक है ये पॉइंट है। और उसके बाद ये था कि हमने पहले ही प्लान किया था कि विल डू अ 30-35 मिनट्स वर्जन ऑफ इट एंड देन विल गो एंड फाइंड प्रोड्यूसर्स फॉर दिस फिल्म, क्योंकि जाहिर है हम इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज थी हम खुद मिलके जो जितना कर सकते थे, हमें ये प्लान आउट किया था। वैसे अगर देखा जाए, जिस तरह आपने ट्रेलर देखा है, यू वुड अंडरस्टैंड कि इट्स रिवेंज थीम है इसकी, इट्स अ रिवेंज स्टोरी। और अगर मैं इसका एक वन लाइनर कहूँ या इसका प्रेमिस कहूँ, तो जो उसका थीमेटिक आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि व्हाट इज रिवेंज फॉर अ कॉमन मैन, एक आम आदमी के लिए पावरफुल मैन से लड़ना क्या है, एक व्हाट इज डेमोक्रेसी इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो वो ऑब्वियसली जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, ही इज एक्सप्लोरिंग दैट, वो उसको समझ आ रहा है कि भाई सिस्टम किस तरह चलता है और सिस्टम हमको किस तरह मैनिपुलेट करता है। और मदारी की भी जो एनालॉजी है वो भी इस तरह है, जो मेटाफर यूज है, जिस तरह फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने उसको किस तरीके से बताया है, और उसमें ऑब्वियसली बहुत सी मजेदार लेयर्स हैं जो कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आइडिया हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे फिर ऑब्वियसली आपने 32-35 मिनट का किया, लेकिन उसको फीचर फिल्म में कन्वर्ट करने में भी तो बहुत सारी चीजें होंगी। हाँ, बहुत बड़ा प्रोसेस था, इट वाज अ टायरिंग प्रोसेस, और जाहिर है हम एक नई टीम, यंग टीम जो है वो एक जिद पे है कि बस करना है ये, इसको लाना है बड़ी स्क्रीन पे, और वो जो प्रोसेस था उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई। इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, अ पेनफुल प्रोसेस, बट डेफिनेटली वर्थ इट। और मुश्किलात आई बट हम डटे रहे, हमें पता था कि यार हमें इसको करना है और किस तरह करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर विजन। वी फाइनली हैव कंप्लीटेड द फिल्म एंड नाउ इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी ऑन द बिग स्क्रीन। कास्टिंग बड़ी डिफरेंट थी, कास्टिंग बहुत डिफरेंट थी, मतलब ऑब्वियसली ये बात एकदम से आपने उनको किया, तो कैसे आपने उसको देखा, कास्टिंग के पीछे क्या थ्योरी थी कि पारस भी आपकी फिल्म में होने चाहिए, हमाद भी आपकी फिल्म में होने चाहिए, तो उसके पीछे कास्टिंग का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि हमें स्टार्स हमने नहीं ढूंढने थे, हमने कैरेक्टर्स ढूंढने थे। तो हम उस तरह के लोग ढूंढ रहे थे कि मैं एक्टर नहीं ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ रहा था कि मुझे हारिस कहाँ मिलेगा, या मुझे आसिफ बलोच किधर मिलेगा, मुझे फैसल चट्टा किधर मिलेगा। और उसी तरह हमारा एक ऑडिशन का प्रोसेस शुरू हुआ। इबाद को मैं पहले नहीं जानता था, इबाद को अली रिज़वी ने बोला कि यार एक लड़का है, उसको ट्राई करते हैं, ऑडिशंस तो हमारे चल रहे थे तो इसको भी बुलाते हैं। तो अब ये जब आया, मैंने इसका एक कुछ काम हल्का सा देखा था, लाइक 20-30 सेकंड टीजर, उसके बाद मैंने इसको बुलाया। एंड जब मैंने इसको कहानी नरेट करा था, तो ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इसको बताऊंगा। हाँ, अच्छा मैंने भी नहीं बताया, मैंने पहले पूरी कहानी बताई, पूरी कहानी बताई। जब उसने पूरी कहानी सुनी, बड़े इंटरेस्ट से सुन रहा था, फिर मैंने बोला कि वो समझा शायद हीरो का दोस्त या कोई छोटा मोटा कैरेक्टर होगा। मैंने बोला नहीं, लीड कैरेक्टर जो हारिस है उसके लिए। उसके बाद वो फौरन प्रिपेयर हुआ, उसने ऑडिशन दिया, फर्स्ट फेज ऑफ ऑडिशन तो उसने बड़ा अच्छा दिया। बट एक बहुत क्रूशल सीन है फिल्म के अंदर, जो शायद उसने भी मेंशन किया हो जब उसका आपने उससे बात की, उसके लिए मैंने उसको बोला यार तुम्हें एक बार फिर से आना होगा और ये सीन जरा प्रिपेयर करके आओ। और वो उसने बहुत जबरदस्त किया, और आपकी इस फिल्म की क्रिएशन भी वहीं से हुई थी। वो सीन में, हाँ, जो राइटिंग प्रोसेस था उसमें ये था कि वो सीन ही मेरे जहन में सबसे पहले आया था। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे साथ ये होता है कि मैं पहले किरदार बनाता हूँ, फिर किरदार किस तरह वो बिहेव कर रहे हैं दैट स्टोरी वर्ल्ड, और उसके इर्द गिर्द फिर मैं अपनी कहानी को बिछाता हूँ। हाँ, तो वो सीन उसने बड़ा जबरदस्त किया और कन्विंस किया उसने मुझे कि भाई हारिस तो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। एक सवाल है, मतलब लाइक ऑब्वियसली प्रोड्यूस आप इंडी काम कर किया आपने, लेकिन जब आप ऑब्वियसली फंडिंग के लिए गए होंगे कहीं ना कहीं, तो उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया लीड पे आप ये बात को ले रहे हैं, इसकी जगह किसी और को भी ले सकते हैं, व्हाई नॉट? हाँ, बहुत जगह हमें यही हो रहा था कि हम जिनके पास जा रहे थे, कोई ये नहीं बोल रहा कि फिल्म बुरी है, सबको फिल्म अच्छी लग रही है, इट्स ग्रिपिंग, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कहानी में दम है,
मगर यार कमर्शियल कास्ट नहीं है, लड़की नहीं है, आइटम सॉन्ग नहीं है, वही जो चीज़ें होती हैं रिवायती चीज़ें जो हमारी फिल्म में होती हैं। और बड़ा मुश्किल था उनको समझाना कि ये है ही नहीं रिवायती फिल्म, तो इसको हम क्यों रिवायती बना रहे हैं। और इसको मैंने बड़ी ऑनेस्टी के साथ, ट्रुथफुलनेस के साथ कहानी बतानी थी। तो फिर हमने बोला ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, बट वी बिलीव इन दिस फिल्म, वी बिलीव इन दिस प्रोडक्ट एंड आई बिलीव इन माई टीम, तो हम तो उसको करेंगे जिस तरह हम चाह रहे हैं। तो फिर वो हमने उसको किया। अब लेट्स सी कि किस तरह से उसका एक रिजल्ट आता है, आउटकम आता है। हमाद भाई, आपको जब मतलब फिल्म की आई, ऑब्वियसली एक चीज थी कि आपको जब पता चला, तो क्या आपके रिएक्शन थे और आपका क्या नजरिया था इस फिल्म के बारे में? यार अच्छा लगा। सबसे पहले तो जब आपको, आप एक फील्ड में काम कर रहे हैं और जो जो काम आप कर रहे हैं, जिसको आप पूरे अपने लगन के साथ, मेहनत के साथ करते हैं और उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप सस्टेनेबिलिटी बना रहे होते हैं, आप उसमें मतलब सर्वाइवल वाले मोड में होते हैं, तो उस टाइम पे इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो एज एन एक्टर आपको अच्छा लगता है, दिल बड़ा होता है कि हाँ चलो कोई मुझे अप्रोच कर रहा है। तो ये तो पहली चीज़ थी कि यार अच्छा लगा कोई भी काम जब आपको ऑफर हो। मगर जब स्क्रिप्ट, टीम, लोग, सिराज को मैं पहले भी जानता था और सिराज के साथ छोटा मोटा कुछ उस तरीके से नहीं हुआ था, मगर कुछ चीज़ें होती रहीं, इंटरेक्शन था। एक टेलीफिल्म ये कर रहा था डायरेक्ट, तो उसमें मेरा एक करेक्टर था छोटा सा, ब्रोकर का करेक्टर था शायद, वो गाड़ी खरीदने बेचने वाला। तो उसके लिए मुझे दो दिन का इनके साथ काम था, जिस दो दिन मेरी शूट थी उन दो दिन इसकी हो गई थी तबीयत खराब। तो ये वो सेट पे हमारी उस तरह से मुलाकात, इसकी डायरेक्शन में कुछ करने को उस तरह से नहीं मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेक्शन तो रहता था, मगर जब ये स्क्रिप्ट आया और फिर अली भाई, अली रिजवी जो कि को प्रोड्यूसर भी हैं, उनका तो मतलब वो, ये तो मेरे सीनियर्स हैं ना, पारस भाई, अली भाई, फैमिली है, इन्होंने थोड़ा बहुत चलना सिखाया शुरू में, जो हम लड़खड़ा जाते शायद, इन लोगों ने अपनी बातों से, अपनी काउंसलिंग से, अपनी अपनी अदाकारी से, अपनी फनकारी से, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से हमें ये समझाया कि ये एक समझदार काम है, ये एक लॉन्ग पीरियड का काम है, ये बड़ी जंग है, इस जंग में अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपको बड़ा ही फर्म रहना पड़ेगा, आपको चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, किस किसको कब हाँ करना है, किसको कब ना करना, ना है, करना है। ये तो ये बड़े दिमाग में जब क्लियरिटी होगी तो आप फैसले लेंगे। तो मैंने बोला हाँ भाई करेंगे, कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। अली भाई ने मुझे सारी स्टोरी वगैरह कि फिर सिराज के साथ मीटिंग हुई, इन लोगों ने चीज़ें बताई, कैरेक्टर के बारे में बताया। तो कैरेक्टर उस टाइम पे शायद आसिफ बलोच का जो कैरेक्टर, मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ उसमें आसिफ बलोच का, उस टाइम पे आसिफ बलोच का कैरेक्टर शायद मैं उस तरीके से नहीं समझ पाया था, शायद उतना था भी नहीं सही उस उतने सिनेरियो में, जो 30 मिनट का पहला जो ड्यूरेशन, आपको ये कहीं ना लगा हो यार ये नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा कि यार वो है, क्योंकि देखो ग्रोथ का ताल्लुक ना आपके सराउंडिंग से होता है, समझ रहे। आप उस्तादों में जाके बैठते हैं, आपका कोई काम नहीं है, आप सिर्फ बैठते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो जब एक टीम काम कर रही होती है जिसमें सब पढ़े लिखे, केपेबल, अच्छे लोग हैं, जो काम को, क्राफ्ट को वैल्यू देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, इनकी खिड़कियां खुली हुई हैं, इनके सोचने का जो थर्ड आई कहते हैं ना, थर्ड आई एक तरह से कह लें। हाँ अब ये तो नहीं पता थर्ड आई या फोर्थ आई मेरी जान, मगर ये है कि आंखें तो दो ही हैं, आंखें तो दो ही हैं, फिर पीछे सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, वो सारी चीजें, इमेजिनेशन, और वो एक पूरा अंबार फिर पीछे। देख आप उन्हीं दो आंखों से रहें, जो सच है जो झूठ है वो सब आप उन्हीं दो आंखों से देख रहे हैं। तो जब जब वो चीज़ें समझ आई, जब इन्होंने बताया कहानी के बारे में, किरदार के बारे में, तो पता चला यार ये तो अपनी ही कहानी है, आसपास में जो तो यही की कहानी, बिल्कुल रिलेट कर लिया। अभी कुछ अर्से पहले ऐसा वक्त गुजरा है जब ये वाले इलेक्शन के मामलात थे, नहीं इलेक्शन के टाइम की बात, इलेक्शन की बात नहीं, मतलब वो जो सिनेरियो था ना उस वक्त में क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं, क्या एक्सप्लोटेशन, क्या चीजें, वो थोड़ा समझ आ रहा था कि यार हाँ एक एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि आसपास कहीं का है, हमने देखा है ऐसा,
मतलब सच्चाई सच की तरफ सच के करीब जाने का एक मौका है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये करना चाहिए, क्योंकि कोई पैसों वैसों की बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, हम तो सब मतलब उस तरीके से कर रहे थे कि यार उस टाइम पे तो पता थोड़ी था कि क्या होना है आगे, क्या मामला दोनों, तो उन सारी चीजों से हट के सारी टीम ने, मेरा ख्याल है सिर्फ अदाकारों ने नहीं, प्रोडक्शन टीम, मेकअप टीम, वार्डरोब टीम, आर्ट की टीम, एवरी टीम, मतलब हर डिपार्टमेंट इस तरीके से जुड़ा हुआ था कि एक एक सिनर्जी बन गई थी, एक फैमिली, एक ताल्लुक बन गया था, ओनरशिप थी बेसिकली कि यार इस प्रोजेक्ट, वो वही वाली, हाँ वो रोने वाली बात, एक 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 लड़का अपनी गलती पे रो रहा है, यार ये मुझसे गलती हो गई, आज शूट में एक प्रॉब्लम आ गया, मुझसे गलती हो गई, क्या हुआ था वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य था, वो बेसिकली स्टूडेंट था मेरा इकरा का, और उसने उससे पहले कभी कोई प्रोजेक्ट प्रोडक्शन का नहीं किया था, बट ये था कि मैं उसको ले आया, मैंने बोला नहीं यार तुमने अब करना है, और तुमने अब फिल्म की पूरी प्रोडक्शन जो है वो तुमने मैनेज करनी है, तो शुरू में ऑब्वियसली थोड़ा नर्वस भी था, बट वो अपने एंड से यू नो ही वाज ट्राइंग कि सब कुछ परफेक्ट जाए, और हुआ ये कि जो हमारा स्पेल का एक पहला दिन था वहाँ पे, हम जिस लोकेशन पे थे उस लोकेशन पे कुछ प्रॉब्लम हुई, और ये मेरे पास आता है, मैं लाइन रीडिंग कर रहा था विद द एक्टर्स, और हमारे ENG वगैरह सब सेट हो रही है, लाइटिंग सेट हो रही है, वो आके मुझे कहता है कि सिराज भाई वो यहाँ पे शूट नहीं हो सकती, तो मैंने उसको बोला अच्छा, मैंने खैर कुछ ज़्यादा नहीं बोला, अच्छा चलो ठीक है, पैकअप करना है, हाँ पैकअप करना है, चलो ठीक है कर लेते हैं, पहले तो सबको एक्सप्लेन किया, सब क्या हो गया यार, अब क्या, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया है अभी तो, हाँ मैंने बोला नहीं बस नहीं हो रही यार, मना कर दिया उसने, तो बीच में थोड़ा सॉरी किससे को अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि ये जो बात कही इसने, ये जो नहीं, ये जो इसने बात कही कि मैंने बोला अच्छा क्या करना है, पैकअप करना है, समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा अगर जितने भी यंग करने वाले, फिल्म के साथ जुड़ने वाले जो डायरेक्टर्स हैं, उनको ये चीज सीखनी चाहिए कि ये होता है कैप्टन, ये अपनी पूरी टीम को ओन करके चलता है, इसको पता है मैंने आगे सेट का माहौल, आने वाले 15, 20, 25, 30, 40, 45 जितने भी दिन की शूट है, मैंने उसमें उस सेट का माहौल कैसा रखना है, काम क्रिस्टल क्लियर, हाँ ना हो सकती है, नहीं हो सकती, पैकअप करना है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, होता है, वो टेंशन नहीं है, हाँ दिमाग को रिलैक्स रखते हैं, दिमाग को रिलैक्स रखते हैं, और सोचते हैं प्लान बी सी डी, नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्योंकि असल तो कीमत वक्त की है ना, प्रोडक्ट तो असल तो कीमत वक्त की है, बिल्कुल है, तो वो जो कामनेस थी ना, उसने बड़ा इस फिल्म को कंपाइल और कंप्लीट होने तक, क्योंकि बहुत बड़ी आगे तो जंग है ना, अभी तो शुरू हुई है कहानी, क्या फिर किस्सा रह गया, वो भी मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ कि ये उसने बोला, मैंने बोला अच्छा, फिर हम टीम के साथ बैठे, पहले तो सब ये कह रहे हैं कि क्या होगा, क्या क्या कह रहे हो, कैसे क्या मसला क्या, मैंने बोला बस नहीं हो रही है, लेट्स सी कि हम किस तरह इस दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हम मैंने फिर अपने चाचा को कॉल की, उन एक लोकेशन हम वहाँ पे उनकी कर रहे थे, तो उन्होंने मैंने बोला क्या हम आ सकते हैं, तो उन्होंने बोला आ जाओ, तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगर हमारा 100% लॉस नहीं होगा, चलो एटलीस्ट 50% हो रहा है, तो बाकी दिन तो यूटिलाइज करें, अब हम लोग आए, हमने शिफ्ट किया चीज़ें सब लेके गए, और वहाँ पे हमने शूटिंग कर रहे हैं, अब मैं शूटिंग में बिजी हूँ, मेरा कंटिन्यूसली फ़ोन बजे जा रहा है, तो जो मेरा स्टूडेंट है भाई, उसके अब्बू की कॉल आती है, और कहते हैं कि बेटा हमजा रो रहा है, और वो उस लोकेशन से आ ही नहीं रहा, और वो इमोशनल हुआ है भाई कि मुझसे ये ब्लंडर कैसे हुआ है, और लॉस हो गया फिल्म पे, और क्या सोच रहे होंगे लोग मेरे बारे में, तो उसको फिर बुलाया मैंने भाई, मैंने बोला यार तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, देखो हम काम तो कर रहे हैं, और तुम्हारी भी जरूरत है इधर, तो आओ काम करो, और वो दिन था, और उसके बाद पूरी फिल्म में कहीं भी हमें उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हुई भी होगी ना वो मेरे तक पहुंची नहीं है, तो उसने प्रोजेक्ट को ओन किया, मेड इट सो इजी, और उसने उसको उस तरह स्ट्रीमलाइन कर दिया प्रोजेक्ट को, तो वो ओनरशिप जो थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उसकी वजह है, वो बड़ा एक मेन फैक्टर है कि वो फिल्म जो है कंप्लीट हुई है। अच्छा, किसी भी डायरेक्टर के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि वो काम रहे। एक दफ़ा सैयद नूर साहब का इंटरव्यू था 2005 या 2006 में, वो सुन रहा था, वो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि किसी भी डायरेक्टर का सेट पे लाजमी कूल माइंडेड होना लाजमी है, कि वो गुस्सा ना कर रहा हो किसी चीज़ पे, क्योंकि फिर वो माहौल भी ख़राब होता है सारा, और फिर जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाह रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है।
हाँ वही वाली बात है कि जिस तरह हमाद ने बोला ना कि इतना लंबा एक स्पेल है, आपने उन टीम के साथ काम करना है, तो नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, है ना। हर बंदे को लगे कि यार वो अपना काम जानता है, वो अपना काम कर रहा है, ऑनेस्टी के साथ कर रहा है, और वो आपकी हेल्प ही कर रहा है ना। डायरेक्टर अपने इर्द गिर्द केपेबल लोग ही रखेगा, कॉम्पिटेंट लोग रखेगा, अपने से बेहतर रखेगा कि वो ट्रस्ट करता है उनपे। तो अगर उनसे कोई भंड भी होता है तो भाई टीम तो एक ही है ना, प्रोडक्ट तो एक ही ना, कहीं ना कहीं आप उनको जाहिर है बैकअप करो, वही वाली बात है, लेट्स गो टुगेदर। हाँ सही, मतलब इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट ना, तो फिर उसमें तो हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, हाथ से हाथ मिला, सब चलेंगे यार। ऑब्वियसली टांग में लगी हुई है, कोई मसला नहीं है, मेरे कंधे पे जोर डाल ले। ये सपोर्ट है ना, जिसकी वजह से एक झुंड आता हुआ लगता है कि यार ये झुंड आ रहा है, जुड़े हुए ना, जुड़े हुए, तो वो जुड़ना बहुत जरूरी है। उस सबके अपने अपने इम्पैक्ट होता है, अपनी अपनी एफर्ट होती है, तभी जाके एक प्रोडक्ट बन पाता है। अच्छा हमाद भाई, लाइक हमने देखा जैसे आपको काफी आपको जॉली कैरेक्टर्स मिलते हैं, थोड़े से ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो एक फिल्म में जान डालते हैं। लाइक अगर फिल्म स्लो चल रही है तो आपका कैरेक्टर आएगा तो वो थोड़ा सा हाइप अप कर देगा ऑडियंस को। तो आप अपनी जर्नी तो बताएं थोड़ी सी, कि वहां से लेके यहां तक कि कैसी जर्नी रही है आपकी, वहां से लेके मदारी मतलब हाँ स्टार्टिंग से। बिल्कुल मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि मैं कॉमेडी मैंने की है काफी, और ये तो बहुत बाद का सफर है, जब तीली के साथ एसोसिएट हुए, तीली की वीडियोस करनी शुरू की, वो ह्यूमर रिवर्स साइकोलॉजी वाला काम, तो उसमें बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, चीजें वही क्योंकि वो पैटर्न ही ह्यूमर का है। मगर उससे पहले का जो दौर है, जो मैं जो एकेडमी में गुजरा, जो थिएटर करते हुए गुजरा, जो एकेडमी से निकलने के बाद फिर दोबारा वहाँ पे जो थिएटर किया, रिपेट्री के थिएटर किए, आगे फेस्टिवल्स के थिएटर किए और कमर्शियल थिएटर्स वगैरह, उसमें मैं बहुत सारी जिंदगियां ऐसी जी चुका था कि मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं, कॉमेडी है तो सीरियस भी है, नेगेटिव है तो 80 साल के बुढ़े का कैरेक्टर है, 85 साल के बुढ़े का कैरेक्टर है, 50 साल के आदमी का मिडिल एज मैन का कैरेक्टर है, ठीक है। तो वो सारे किरदार हम उसको एक्सप्लोर कर चुके थे। उसके बाद फिर ह्यूमर में खेलने का मजा ही अलग आ रहा था, ह्यूमर में खेलने का मजा, टेम्पो से, किरदार से, अदाओं से, समझ रहे हो। तो वो चीज करने में फिर मजा आ रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट अली अब्बास और बासित की स्क्रिप्ट होती थी, बड़ा मजे का ह्यूमर होता था, एक एक्सपोजर लाइफ का नजर आ रहा था राइटर्स के अंदर। तो ये बड़ी प्यारी लॉट है जो अली अब्बास और बासित, ये जो लाल कबूतर लिखी, ये पैरेलल सिनेमा में एक, exactly. एक एक ठेला लगाया ना किसी ने, लाके एक इनिशिएट लिया इस तरह की फिल्म का। तो वही है ना, पहले तो ठेला ही लगता है ना जानी, सबसे पहले तो ठेला ही लगेगा। आप जो स्टोरी उठा लेंगे यार, वो स्टूडेंट बिरयानी वाले ठेला था, आज बिल्डिंग हो गई, बन कबाब वाला 7.5 रुपए का बन कबाब, नब्बू बन कबाब, बिल्कुल नब्बू भाई हो गई चेक आना चाहिए। अब ये नब्बू बर्गर है, अब ये जो कबाब पे नींबू छिड़कता है ना, किसकी गेम है वो, अगर हम छिड़केंगे तो वो टेस्ट नहीं देगी, किसकी गेम है बॉस, सही बात है, उसको पता है कि ये मेरे टेस्ट को मुनफरिद कर रहा है, सही बात है। तो ये चीज हर डायरेक्टर को भी, हर एक्टर को भी उसको पता होना चाहिए कि मैं इस फील्ड में खुद को मुनफरिद कैसे रख सकता हूँ, exactly. खुद को मैं थोड़ा सा ऐसे कैसे रख सकता हूँ कि लोग मुझे देखें और मेरे बारे में थोड़ा सा सोचें। तो उस चीज के लिए फिर आप मेहनत करते हैं, आपको जिस किस्म का काम मिलता है आप बोलते हैं हाँ यार जरा कुछ बना के दे, इसमें जरा कुछ बना के दे, इस किरदार को जरा इस तरह से एक्सप्लोर करके दे, उनके किरदार तो बहुत है ना यार। अच्छा हमाद भाई, तीली में आपने काम किया काफी टाइम, तीली एक टाइम पे जब आई थी तो वो एकदम हाइप अप हुई, बहुत ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया और लोग कह रहे थे कि यार इस तरह के सिटकॉम तीली जो बना रहा आज से पहले कभी नहीं बने, और एकदम क्या हो गया कि एकदम डाउनफॉल आ गया एक तरह से तीली को, क्योंकि कोलैबोरेशन भी करने लग गए थे हम इंडिया के साथ भी, एक कोलैबोरेटिव कर रहे हैं उनके सिटकॉम के साथ मिलके, हम मिलके एक सिटकॉम बनाने लग गए, तीली भी कोलैबोरेट कर रहा है, तो कुछ बता सकते हैं आपके मतलब, क्योंकि एक अलग इनिशिएट था। हाँ बहुत बहुत अच्छा इनिशिएट था, तीली ने पाकिस्तान में एक ट्रेंड सेटर हैं ये लोग बिल्कुल, और इन्होंने वो वाला काम जो वाइंस को एक अलग, जो वाइंस तो नहीं कहेंगे आप इसको, जो टीवीएफ हो गया, exactly फिल्टर कॉपी वाले हो गए, AIB वाले हो गए, और AIB तो थोड़ा सा वो
अडल्ट वाली साइड पे भी जरा उसकी वजह से उसकी जरा रेटिंग हाइप ज्यादा रही, क्योंकि सारे हम जैसे छिचोरे तुम जैसे छिचोरे मतलब मैं खुद को क्यों ले रहा हूँ छिचोरे वो सारे ये बड़े मजे से देख रहे थे एआईपी के उनके जो लाइव शोज भी और वो सारी चीजें वो बड़ी मजे से देखी गई, तो उसकी हाइप की वजह वो थी, इनकी वजह इन चैनल्स की कंटेंट थी बिल्कुल, कि कंटेंट परफॉर्मेंस वो ह्यूमर और बड़ा अच्छा ह्यूमर था हाँ? बहुत अच्छा था। तो वो एक नई चीज आई और लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया, लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया, बड़ी तेजी से ग्रो किया, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मगर फिर शायद कुछ हुआ और अभी भी कर रहे हैं मगर उस तरह से शायद वो होता है कि यार एक टीम साथ चलती है लेके एक चीज को, फिर वो आगे कहीं एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं लोग, फिर बंदे चेंज हो जाते हैं, तो फ्लेवर शायद वक्त के साथ आर्ट, तो फिर एक क्रिएटिविटी तो एक वक्त है ना, एक आमद है, वो होती है हो जाती है नहीं होती, तो फिर और बहुत सारे भी अनासिर होते हैं ब्रांडिंग और ये सारी चीजें जिनकी वजह से दुकान भी हो सकता है कि ब्रांड बता रहा है डिक्टेट कर रहा है कि कंटेंट हाँ, क्या होना चाहिए, ये भी हो सकता है क्योंकि ब्रांड की इन्वॉल्वमेंट हमने फिल्म्स में देखी है, तो अगर बात हमें बताओ हमें अभी क्या कहना चाहिए, ब्रांड्स तो अच्छा बताते ब्रांड्स वाले तो यार बिल्कुल सही बताते हैं यार, मतलब वो वाली बात है ना हाँ। तो ये है कि कोई इस तरह की कोई एक वजह रही होगी, मगर और बहुत सारे चैनल्स हैं, सिनेमा घर बहुत अच्छा काम कर रहा है, नाइस फ्लो कर रहा है थोड़ा, क्योंकि बस कर रहा है, कर रहा है अपने मस्ती में, कर रहा है अपने मजे में कर रहा है, तो उसका आपने वो फनकार का भी हमने फनकार की थी, तो आपने ट्रेलर वगैरह देखा होगा, जल्दी उसको भी रिलीज करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा सस्पेंस उसमें भी बना रहे हैं। अच्छा एपिसोड है फनकार के? नहीं नहीं ये लॉन्ग शॉर्ट है, इट्स अ 30 मिनट फीचर। अच्छा 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 मतलब सही है। अच्छा सिराज भाई अहमद भाई की थोड़ी बहुत जर्नी पता चली, आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे डायरेक्शन की तरफ आए, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट हम जब बचपन में थे तो बनते थे पायलट बनेंगे या सीए करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, फिल्म का तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा जिस तरह हम पम इस मुल्क में रह रहे थे, तो कैसे ये ऐसे ही था। और मैं तो ओ लेवल्स में भी अच्छे ग्रेड थे, फिर ए लेवल्स में भी मैं प्री मेडिकल ही कर रहा था, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री था, बट ये था कि मुझे शौक था कि कैमराज का शौक था कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि फोटोग्राफी पसंद है मुझे कुछ ना कुछ फ्रेम से रिलेटेड। तो हुआ ये कि मैंने ज़ाबिस ज्वाइन किया और मैंने घर वालों को बोला कि यार मुझे ना जर्नलिस्ट बनना है, और क्योंकि मुझे खुद भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि करना क्या, बट ये था कि वो फिर इस तरह मैंने एडमिशन लिया, पहले तो सबको जाहिर है यही लगा कि देवर अगेंस्ट इट और ये पागल हो गया क्या कर रहा है, लाइक ग्रेड भी अच्छे थे, आई गॉटन ए भी हो गया था ना, A2 में मेरा बायो में ए भी बन गया था, तो घर वाले थे कि भाई तू क्या कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था उनको, बट ये था कि नहीं मुझे पता था कि यार मैं इसमें कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, बट जब मैं आया और मैंने चीजें देखी सीखी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाना शुरू करी, तो मुझे लगा कि हाँ यार मुझे कुछ आता है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, कुछ मजा आ रहा है शूट करने में, फिल्म्स बनाने में। और फिर ये हुआ था कि इन द थर्ड ईयर एक हमारा डॉक्यूमेंट्री विजन का कोर्स था जिसके अंदर मेरी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी, शॉर्ट फिल्म मास्टर्स ऑफ द स्काई, जो कि कान फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गई थी, जिसमें हार्डली 5,000 रुपए का खर्चा हुआ था हमारा, सिर्फ ट्रांसपोर्ट खाने का, बाकी इक्विपमेंट यूनिवर्सिटी का था, एंड यू नो सेलेक्ट हो गई एंड वी गॉट स्पॉन्सरशिप। अच्छा आप ज़ेबिस में थे? हाँ, एंड वी गॉट स्पॉन्सरशिप और हम फेस्टिवल अटेंड करने गए 2014 में, दो हफ्ते हमने फेस्टिवल अटेंड किया, तो वहाँ पर इट वॉज एन आई ओपनर फॉर अस, मेरे साथ एक और टीम मेम्बर था आबिस, और हमें फिर एक तो ये भी था कि बाकी भी जब शॉर्ट फिल्म्स देख रहे थे बराबर, यार वो तो बहुत महंगी फिल्म बनी हुई है, तो ये भी समझ आया कि यार ठीक है, लाइक अगर बजट ना भी हो तो आइडिया बड़ा होना चाहिए, आइडिया बड़ा होना चाहिए, हाँ हर चीज़ जो है वो पैसा नहीं होती है या रिसोर्सेज नहीं होती हैं, हर यू नीड टू हैव अ गुड आइडिया, अ विजन और पैशन। तो वहाँ से बहुत समझ आया कि यार यू नो ये दिस इज़ लाइक माई कॉलिंग और इसको और इस पर काम करना चाहिए। उसके बाद मैं रेगुलर बनाता रहा हूँ शॉर्ट फिल्म, मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म करी, रजिस्टर करवाते रहे, हाँ तकसीम मंटो के अफसाने पे हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई तकसीम, क्योंकि बड़ी थोड़ी सी डार्क ग्रिटी सी है, वो भी वायलेंस है उसमें थोड़ा, और उसके बाद मैंने फिर हमने कराची कहानी के लिए भी करी है चार, हमने सी प्राइम के लिए भी सीरीज करी थी, वो एंथोलॉजी सीरीज थी, तो शॉर्ट फिल्म से जुड़ा रहा मैं, नैरेटिव से जुड़ा रहा मैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे ऑब्वियसली जब पॉलिश होते रहे तो फिर हमने ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप लिया फीचर फिल्म का। अच्छा सिराज भाई तकसीम की आपने बात की, तकसीम मैंने देखी, तो उसमें एक जो सीन है
जो हाँ, काटने वाला हाँ, वो किस तरह आपने करा यार? वो बहुत मजेदार प्रोसेस, वो भी बहुत मजे का प्रोसेस था उस फिल्म को बनाने के टाइम पे, बिकॉज वो भी एक फ्रस्ट्रेशन थी मेरे जहन में और मैं बहुत ही अजीब स्टेट में था उस टाइम पे, मैंने बड़े एग्रेशन में और गुस्से में लिखी थी ये स्टोरी. तो हुआ ये कि मुझे पता भी नहीं था कि कौन करेगा. वी नीडेड एन SFX आर्टिस्ट और पूछ पाछ के लोगों से यार कौन कर सकता है, किसी ने बोला हाँ यार एक लड़का है ये दानियाल शहजाद नाम है इसका. अच्छा. तो उससे मिला, मैं उसको अप्रोच किया, गए. अच्छा मतलब बजट वजट भी कुछ नहीं है, लेकिन ये कि कॉन्फिडेंस है बस, करना है ये कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं. अच्छा ठीक है. अब उससे मिले, वो उसको भी अच्छा लगा, उसने बोला नहीं नहीं करते हैं यार इसमें. तो हम बैठे अभी जॉट डाउन आइडियाज के इसको किस तरीके से कर सकते हैं. और इसमें अगर आपने देखिए तो उसमें देर इज अ टॉप शॉट जहाँ पे वो बंदा लाइक पड़ा हुआ है कटा हुआ, और वो एक्चुअली में दैट्स अ प्रैक्टिकल विजुअल इफेक्ट, दैट इज नॉट VFX. सही, वो प्रैक्टिकल SFX है. तो वो मैं अक्सर जब स्टूडेंट्स में वर्कशॉप्स कराता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि टेल मी हाउ वी डिड दिस. और मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि 99% टाइम दे आर नॉट एबल टू टेल दिस. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं लोग जो देख रहे हैं उनको कहूँगा वो देखो शॉर्ट फिल्म और फिगर आउट करो कि वो किस तरह से हमने किया. और वो ऑलमोस्ट यंग टीम बट एम्बिशियस पैशनेट पीपल के कुछ ना कुछ करना है. और दानियाल का मैं ये बताऊँ कि दिस इज द गाय हु हैज डन ऑल द आर्ट SFX फॉर मौलाजट. मौलाजट का जो प्रॉप्स हैं, एक्सेस एवरीथिंग, गंडासे, प्रोजेक्ट गाजी एक आई थी, बॉडी आर्मर्स, विजुअल इफेक्ट्स, आर्ट डायरेक्शन, मतलब ये बंदा जो है ना ये जीनियस आदमी है. और आई वॉज वेरी लकी टू हैव हिम ऑन तकसीम. उसके बाद से हमें मौका नहीं मिला साथ काम करने का, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द. एंड ही इज वेरी टैलेंटेड. और इस तरह ही खोज के ही मिला कि एक हम निकले आइडिया लेके यार, लाइक माइंडेड लोग मिले, किसी ने बोला यार यू नो दिस इज द राइट गाय फॉर यू, मिले और आइडियाज यू नो मैच, वी वर ऑन द सेम पेज और एनर्जीज हमारी, और फिर गेम ऑन हो गया. सराज भी हम हॉलीवुड की लेवल की फिल्म बना तो सकते हैं, ये है कि इतने पोटेंशियल आर्टिस्ट हमारे पास इतने मतलब हैं, मतलब नॉट लाइक कि हम वो बहुत बिग बजट्स होती हैं, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन हम उनको कहीं ना कहीं कर सकते हैं. तो टाइम लगेगा यार, इतना बड़ी इंडस्ट्री तो हमारी इंडस्ट्री नहीं है ना. ऑब्वियसली सेइंग के यार हम उस तरह का कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बहुत ओवर एम्बिशियस. हां स्टोरी ज्यादा अर्ली है. नहीं मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं कि जिस तरह की पोटेंशियल हमारे अंदर जो यंग ब्लड्स जो पोटेंशियल है और बहुत है, बट मौके नहीं मिल रहे. जो मैं कहूंगा मौके नहीं मिल रहे. अगर आप देखा जाए तो फिल्म्स में भी लोग खुद अपने मौके खुद क्रिएट कर रहे हैं, खुद जुड़ के अपने स्मॉल कम्युनिटीज में, अपने स्मॉल ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, बट क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, जिस वजह से वो उतना सामने हाईलाइट नहीं होते. मैं एक बात बताऊं उस पे, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री का ना अभी वो नेचर नहीं है. इंडस्ट्री का वो नेचर ही नहीं है अभी कि आप हॉलीवुड पहले हम उस तरह की बात करें, वो स्टेबिलिटी तो लेकर आ जाए. हमें पता ही नहीं फिल्म के एक्टर्स कौन है, ड्रामे के एक्टर्स कौन है. हमें सबसे पहले रिस्पेक्ट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट, एग्जैक्टली वो प्यार, मोहब्बत, सॉरी वो अपनायत यार. हाँ ये मेरा अपना है, बिल्कुल ये मेरी इंडस्ट्री का है, इसका एक हिस्सा है इधर. Exactly. इसका एक काम है, जिस काम की वजह से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है. ये रिस्पेक्ट, ये आना बहुत जरूरी है. जब ये आएगी ना तो फिर खुद ही आप चीजें देखोगे, आप देखोगे कि यार फोकस फिर क्राफ्ट की तरफ होगा, दूसरी इन छोटे मसाइल की तरफ नहीं होगा. मैं 80% प्रोडक्शन ऐसी देखता हूँ कि जो इन्हीं मसलों की वजह से जिनका बेड़ा गर्क हो जाता है, जिनका कुछ नहीं बनता, जो प्रोजेक्ट डब्बा हो जाते हैं ना जिनके बारे में सुना होगा आपने, वो इन्हीं चीजों की वजह से होता है कि एक सिनर्जी बन ही नहीं पा रही होती, क्योंकि वो रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो ट्रस्ट ही नहीं है. जो बात अभी सिराज ने थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा नेपोटिज्म की भी शिकार है ना हमारी इंडस्ट्री. मतलब वो एक रूट से नहीं कोई बंदा आता तो कहीं से भी आ जाता तो उसको लीड एक्टर या कुछ भी बना देते हैं, लाइक सीन टैलेंटेड लोग इग्नोर कर दिया जाता है. वो तो देखो मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि ये नेचर का हिस्सा ही है ना अभी ये सारा. और नेपोटिज्म की बात ये है कि नेपोटिज्म का कोई मसला नहीं है यार, कहाँ नहीं होती. सही है, कहाँ नहीं होती. आपका मुल्क नेपोटिज्म पे चल रहा है. आप मतलब देखें तो क्या है. लेकिन हमारे अगर नेपोटिज्म पॉजिटिव है, अगर रूट से आया तो बुरा नहीं है, क्योंकि अभी पारस भाई देखो पॉजिटिव नेगेटिव चीजें जो है ना, मैं बताऊं लाइफ में वो चलती रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें चलेंगी. आपको फोकस करना चाहिए कि यार जो जो जितना है ना, जितना एरिया आपके पास है, आप उसको सुधारने की कोशिश करें, आप उसमें अपना 100% देने की कोशिश करें. छोड़ दें एक्सक्यूजेस को, ये वक्त नहीं है एक्सक्यूजेस का. हम लोगों के पास ना, हम लोगों के पास एक्सक्यूजेस रह गए.
इस वजह से ये हो गया, उस वजह से हो गया, यार डूअर बनो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। और जो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप जैसे लोग हैं जो अपनी 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 फील्ड में चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझ आ रहा है उनको, दुनिया में एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप बात करते हैं बैठ के दो चार लोगों से, इंटरेक्शन है ना, इंटरेक्शन है, हाँ ना, बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, जब गुफ्तगू हो रही है तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही ना, तुम्हें मुझसे, मुझे तुमसे, हमारी बातें जो सुन रहे हैं उनमें से किसी ना किसी एक को कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। देखिए अच्छा, नेपोटिज्म वाली बात है कि हर, जैसे कोई डॉक्टर है वो यही चाहेगा कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर है वो यही चाहेगा उसका बेटा इंजीनियर बने, लेकिन वो प्रोसेस से आया, वो अब वो डायरेक्ट डॉक्टर तो बन नहीं सकता जब तक वो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। तो अच्छा सिराज भाई, कोई यूनिक शॉट, मतलब लाइक हम फोर्थ वॉल को कहते हैं नहीं भाई ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्यों ब्रेक कर रहे हो, बस आपने 180 डिग्री को ही फॉलो करना है और उसी पे फिल्म बनानी है, उसी पे आपने ड्रामा बनाना है। तो लेकिन हॉलीवुड में हमने देखा फोर्थ वॉल ब्रेक की जाती है, यूनिक शॉट्स आए जाते हैं जो कि कर रहे होते हैं, स्टाइल जो स्टाइल होता है बिल्कुल, तो आपका कोई अपना, आपने कोई रजिस्टर्ड करवाया हो स्टाइल लाइक मदारी में, कहाँ रजिस्टर होता है? रजिस्टर तो मैंने नहीं कराया, पता बताओ मैं वहाँ जाऊँ, मतलब लाइक होता है ना कि सिग्नेचर शॉट के पता चलता है यार ये डायरेक्टर ये, यार ये मुझे नहीं पता कि अभी कुछ इस तरह का है या, बट ये है कि फनकार में हमने एक एक स्पेसिफिक विजुअल स्टाइल जो है उसको अपनाया है और उसके अंदर बड़े हाई एंगल शॉट्स और टिल्ट शॉट्स हैं जो कि यूजली ड्रामेटिक शॉट्स होते हैं, बट हमने बड़े कॉमिक वे में यूज़ किया है क्योंकि वो एक अलग सा विजुअल वर्ल्ड हमने बनाया, उसको करने में बड़ा मज़ा आया, हम हाथ के साथ ही किए, अरशद मलिक का कैरेक्टर किया, तो उसके साथ हमने विजुअल लैंग्वेज जो क्रिएट की उस फिल्म में वो बड़े मजे की थी, तो आई वाज एंजॉयिंग दैट। कि वो अगर आप लोगों ने फनकार का ट्रेलर नहीं देखा है तो देख लें, जरूर देखें, फनकार सिनेमा घर हमारा एक पेज है और उस पर एक शॉर्ट फिल्म हमने की है, उसका एक टीजर है, वो देखें और देख के उसके बारे में फीडबैक दें, कमेंट शॉमेंट करें, बात करें। तो सिराज भी फोर्थ वॉल के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें कि लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स बोले 180 डिग्री को फॉलो करना, अपने रूल्स को फॉलो करना, फोर्थ वॉल ब्रेक करना वही है कि यू लुक इनटू द स्क्रीन, जैसे आप थिएटर में फोर्थ वॉल इज लाइक द ऑडियंस, यू आर इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस, सो व्हेन यू लुक इनटू द कैमरा यू आर इंटरेक्टिंग विद द व्यूअर, तो वो भी एक सिग्नेचर है, एक स्टाइल है ऑब्वियसली, बट वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू आर टेलिंग, कि उसके साथ वो जा रहा है या नहीं जा रहा। वुडी एलन हैज डन इट, देयर आर मल्टीपल फिल्म्स, बहुत सी फिल्म्स में होता है, हाँ वो होता है, वो दैट डिपेंड्स ऑन योर फिल्म बेसिकली। 180 डिग्री रूल ऑब्वियसली इट्स बेसिक, वो होती है बेसिक आपको सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि यार ओरिएंटेशन एक्सेस क्या होती है, वेयर यू शुड रूल्स पता होने चाहिए, पुट द कैमरा, बट जरूरी नहीं है भाई इस तरह हो। स्टैनली क्यूब्रिक ने जैसे द शाइनिंग में 180 क्रॉस किया है, तोड़ा है, बहुत सारी मूवीज में होता है, देयर इज आल्सो अ रूल टू हाउ यू ब्रेक इट, हाउ यू क्रॉस द एक्सेस, सो इट्स बेसिकली रूल टू गिव यू डायरेक्शंस, बट वंस यू नो द रूल्स यू कैन ब्रेक द रूल्स, ऑब्वियसली बात है ये। हाँ, और जहां आपने सिग्नेचर की बात की, तो सिग्नेचर का मैं, मुझे नहीं पता, बट माई फेवरेट शॉट इज द क्लोजअप, आई लव क्लोजअप्स, मुझे बहुत पसंद है कि जब एक्टर जो होता है बगैर कुछ कहे उसकी आंखों क्लोजअप, और वो अपनी आंखों से सब कुछ कह दे, सब कुछ बता दे, एक्सप्रेशंस का गेम चल रहा है ट्रेलर में देखा भी है, हाँ, तो वो आपको समझ आ रहा होगा क्लोजअप में कितनी पावर होती है, ऑडियंस को कैसे खींचती है वो चीज, तो आई लव क्लोजअप्स। अच्छा सिराज भाई, इसमें कोई ऐसा सीन हुआ फिल्म में कि वो स्क्रिप्ट के अंदर ना हो और बगैर बताए आपको किसी भी एक्टर ने कर दिया हो, आपने बोला यार था तो नहीं लेकिन हुआ, अच्छा, बहुत मजे का, हाँ ये होता है, बहुत दफा हुआ है, बहुत से सीन्स ऐसे हैं फिल्म में जो इम्प्रोवाइज्ड हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स जो थे वो अब कैरेक्टर ढल चुके थे वो, अब उनसे आप कुछ भी करवा सकते थे, ये सबसे इंजॉयबल प्रोसेस था फिल्म में, कि बहुत दफा ऐसा हुआ है कि सीन रात, एक रात पहले मैंने बताया ये मैं सोच रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, कल बताऊंगा, ये बात के साथ इस तरह हमने बहुत से सीन्स किए हैं, और हम मात के साथ तो इम्प्रोवाइजेशन का हमेशा मार्जिन में रखता हूँ, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार चीज़ें करता है, और जब इसको फ्रीडम दिया जाता है ना, तो ये फिर हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसा लाएगा जो कि एक वाव फैक्टर डालेगा आपके सीन के अंदर, तो वो तो बहुत है। आसिफ बलोच ने तो बहुत तफरियां कराई हैं, बहुत इस तरह के मजेदार मोमेंट्स दिए हैं, हाँ, कैरेक्टर भी इतना मजे का है ना वो, कि वो है भी बड़ा हरामी सा और लेकिन वो तफरियां भी बहुत करता है, यारों का यार भी है और दोस्तों के साथ हरामीपन भी करता है, लेकिन ये कि उनका साथ भी निभाता है, तो बहुत मजे का आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगा मतलब फिल्म में? यार मुझे तो जाहिर है सारे दिल के करीब है, बट मैं कहूंगा कि जो हारिस और आसिफ बलोची केमिस्ट्री है ना, वो मुझे बहुत बहुत मजे की लगी इन द फिल्म, बिकॉज
एक तो मजेदार सीन ये कि एज में बड़ा है ये, फिर भी है, दोस्त है, मतलब एक थोड़ा सा ना वो मिसमैच भी है, मगर इनकी केमिस्ट्री बड़ी टाइट है, लड़ते भी हैं, दोस्ती भी उस वक्त फौरन हो जाएगी, यारियां भी बहुत हैं, और ये भी पता है कि ये बहुत तेज भी है, ये इसको गलत रास्ते में भी खींच के ला रहा है, वो कुछ चार करना चाह रहा है, अच्छा दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, एक तो होता है ना कि दोस्ती होती है कि यार दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा भी नहीं सोचते, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं, मतलब एक जिंदगी का नजरिया एक बंदे का बिल्कुल अलग है, उसका बिल्कुल अलग है, और किस तरीके से दोनों फिर भी साथ हैं और किस तरह अपनी जर्नी में चल रहे हैं, फिर किस तरह बदलते हैं, वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकी केमिस्ट्री बहुत मजे की है। अच्छा ट्रेलर जो है फिल्म का, वो मैंने अभी तक पाकिस्तानी कोई ऐसी फिल्म मतलब तकरीबन सबके ट्रेलर देखे, मतलब एक दफ़ा से ज़्यादा देख ही नहीं पाया, मतलब पहली दफ़ा भी पूरा नहीं देख पाया, लेकिन इस फिल्म का आपके जो ट्रेलर और टीजर बना, मतलब मैंने कोई 12-15 दफ़ा देखा है। नहीं 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 सच में मैं अगर ये इतनी बड़ी बात बोलूँ रोक के हमारे भी ऑन रिकॉर्ड में बोलूँ कि वॉर नहीं वॉर को तो खैर छोड़ा, उस टाइम तो मैं बहुत छोटा था, मौला जट का ट्रेलर जब मैंने देखा तो मैंने उसको कई बार देखा, और उसके बाद मुझे दूसरा ऐसा ट्रेलर पाकिस्तानी लगा जिसको देखने का बार बार दिल किया। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ सीरियसली, नहीं ये वाकई बात है, मजेदार सीन हो गया ये। हाँ नहीं अच्छा इंडस्ट्री में हम देखते कि बाकी फिल्म आती है ट्रेलर सेंस नहीं बन पाता, या वो ट्रेलर में बहुत सारी चीजें डालते थे लेकिन फिल्म में वो चीज नहीं होती, तो जो आवाज का आइटम सॉन्ग ट्रेलर में चल रहा है, ऐसा होता है, डांस गाने आधे आधे गाने ट्रेलर में चल रहे होते हैं, असल में एक सर्टेन माइंडसेट है कि यार फिल्म में ये फॉर्मूला, लोगों को लगता है कि फॉर्मूला है फिल्म के सक्सेस का, जो कि नहीं है, नोबडी नोस कि फिल्म कैसे सक्सेसफुल होगी, बिकॉज अगर वो फॉर्मूला होता कोई चीज तो वो तो हर कोई कर रहा होता है ना, हर आइटम नंबर वाली फिल्म तो सक्सेसफुल नहीं होती है, ना हर बिग स्टार फिल्म सक्सेसफुल होती है, बिल्कुल हर बंदा हर प्रोड्यूसर साइंसदान होता है लेके बैठा, ऐसे ही है, सही बात है, तो ये है, और वो ट्रेलर काटना भी एक आर्ट है यार, इतना आसान है, दैट इज ऑल्सो स्टोरी टेलिंग, तो उसमें सिर्फ क्विक कट्स और क्रिशेंडो और ये सब यू नो नहीं होता इस तरह, वो भी अलग काम है, मैं कहूंगा कि ये शायद थोड़ा मसला है जो ट्रेलर काट रहे हैं वो, मे बी दे आर नॉट द राइट पीपल, और ट्रेलर में बाय द वे हाँ ये बड़ी बात लगी कि कोई लड़की नहीं, मतलब वरना हम दूसरी फिल्म उठा के देंगे, है सपोर्ट में है दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं साइड पे देखने गौर करके, लेकिन पॉइंट ये कि यार वो है भी, देखो ना जिस तरह की सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर तो ऑब्वियसली इट्स मेल ओरिएंटेड, तो अब वो कहानी है, ऐसा जो जबरदस्ती नहीं है कि हमने नहीं डालना लड़कियों को, ये कोई हम लोग कोई हमारा कोई प्रॉब्लम है, हाँ, लड़कियों नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वो कहानी के साथ है किरदार, जहाँ पे हमें जरूरत है, जहाँ पे जितना है उतना है, और कई कई ऐसी फिल्म में आइटम सॉन्ग जस्टिफाई भी कर रहा होता है कि हाँ यहाँ होगा, क्योंकि वो इस तरह के माहौल में जा रहा है तो वो ऑब्वियसली वो चीज क्रिएट करनी पड़ती है, साउंड बैकग्राउंड स्कोरिंग बहुत मैटर करती है राज भाई, और आपके ट्रेलर पे तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि जिस तरह का साउंड और बैकग्राउंड स्कोरिंग की गई है, तो फिल्म में आप किस तरह बताएंगे उसको? बैकग्राउंड स्कोर पे बहुत काम किया है और बहुत अच्छा है, मतलब ये नहीं कि मेरी फिल्म है, मुझे लगता है 50% रोल इंपैक्ट, वन ऑफ द फ्यू पाकिस्तानी फिल्म जिनका बैकग्राउंड स्कोर नाइस बहुत अच्छा है, स्पेशली व्हेन यू गो एंड वॉच इट इन सिनेमास, तो सराउंड साउंड एक्सपीरियंस जो होगा वो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, यू विल एंजॉय इट, एंड क्रेडिट गोज टू आसिफ नूरानी हु हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब, अमेजिंग जॉब इन द स्कोरिंग, इन द साउंड डिजाइन, के हर कैरेक्टर की अपनी एक थीम है, उसके स्कोर्स हैं, एलिमेंट्स हमने जो इंस्ट्रूमेंटेशंस यूज किए हैं वो किस कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिकली यूज किए हैं, वो जब किसी चीज के बारे में सोचता है व्हेन ही गोज इन नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरीज, तो क्या स्कोर है और वो फिर आगे किस तरह आएगा, देयर इज द स्कोर इज आल्सो फोरशैडोइंग इन द मूवी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो, जब आप जितनी बार देखोगे तो आपको समझ आएगा अच्छा स्कोर इस तरह कहानी बता रहा है। सिराज भाई इस फिल्म को लेकर आगे किसी OTT प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाने का सोचा है? यार इसमें है कैरेक्टर बड़े मजे का, आसिम काला का कैरेक्टर है जिसका हमने सोचा है कि उसका कुछ ना कुछ प्रीक्वल वेब सीरीज और मे बी फिल्म कभी, तो वो आपने कहीं ना कहीं फिल्म के एंडिंग में कुछ दिया है, वो है कुछ मजे का, वो आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, एंड क्रेडिट्स जो सीन होता है कुछ है, नॉट एंड क्रेडिट्स बट इट्स अ कैमियो, वेरी इंटरेस्टिंग कैमियो, कैमियो मतलब फिल्म जब देखेंगे आप तो पता चलेगा बिल्कुल कि वो कौन सा किरदार हो सकता है, अच्छा जिसने आगे आगे इस फिल्म को लेके चलना, आगे नहीं
पीछे से लेके चलना है पीछे से कहीं से भी उस किरदार का कुछ तो वो आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि तो आप ही लग रहे नहीं हम भी कहीं होंगे नहीं होंगे मैंने कैमियो का कैमियो सुनता नहीं है कान और एक अजीब सा सवाल है आजकल ना एक बंदा फीचर फिल्म बना लिए फीचर फिल्म वो सिनेमा में थिएट्रिकल रिलीज पे जा रहा है ये सवाल पूछने का ओटीटी फिल्म की तरफ ले जाना ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाना कोई वो है ये माइंड में है नहीं ऑब्वियस सी बात है यार मतलब बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स नहीं आ रहे ना उस तरफ यार जो प्रोड्यूसर एक्टर्स है वो उस तरफ नहीं आ रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ यार अब आना पड़ेगा आओ वक्त की जरूरत है वक्त की जरूरत है क्योंकि सैंडमस है ही नहीं इतने कि ऑब्वियसली अच्छा हमाद भाई थोड़ा सा अपना थिएटर का एक्सपीरियंस तो शेयर करें कोई कहानी कोई ऐसी चीज यार क्या एक्सपीरियंस मतलब लाइफ तो क्योंकि थिएटर और फिल्म डिफरेंट है कहीं ना कहीं शुरू से बता दें शुरू लंबाई हो जाएगी यार छोड़ फिर कभी किसी बता दें पर 10 मिनट में खत्म कर दिएगा 10 मिनट तेज फास्ट इसमें सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है लाइफ क्या करना है लव वाली किस्में लगे हुए थे लिव इन द मोमेंट आज है कल की कल देखेंगे वाली तो जैसे 80% लड़का कराची में बड़ा होता है वो टाइम था जब ऐसे बड़ा होता था आजकल तो तुम्हारी उम्र में ही तुम देखो कितना तुम लोगों काम तोपड़ा लगा लिया तुम लोगों ने यार ये करना है वो करना है कुछ ना कुछ कॉन्टेंट निकालना है ये आजकल के लोंडे की जिम्मेदारी वक्त से पहले आ गई है ना हालात के हिसाब से तो ऐसे लगे हुए थे तो रियलाइजेशन होते होते तक मैच्योर एज आ गई थी और समझ आने लगा था चीजों का कि यार अब थोड़ा सा देखो तलाश करो कहाँ जाना है तो इधर उधर से होते होते ACCA कर रहा था पहले मैं अकाउंट ACCA कर रहे थे घर वालों ने सपने जोड़ लिए CA करेगा ACCA करेगा बच्चा हमें भी लग रहा था यार ये टॉप चीज होती है ये तो करना चाहिए लाइफ सेटल हो जाएगी मजेदार हो जाएगा कहानी मगर जब कैलकुलेटर में 1 से 9 में फंस गए तो दिमाग खराब हो गया बोला यार ये तो मतलब क्रेडिट डेबिट क्रेडिट इसी में फंसे गए निकलो भाई इधर से निकलो तो वहां से छोड़ दिया वहां से मेरे अब्बा बोलते हैं सही है मेरा बेटा भी दरवाजा बजाता है जब जैसे ही दरवाजा खुलने लगता है चला जाता है फिर दूसरा दरवाजा बजाता है जैसे ही दरवाजा खुलने लगता है मतलब इंतहा तक नहीं किया आपने काम मतलब एक चीज थी ना कि यार देख दिल नहीं लग रहा करे जा रहे वो क्या कह रहे थे किक मिलती थी ना सलमान खान को वो किक नहीं मिल रही थी मुझे नहीं पता था बाखुदा ये किक विक क्या होती है मजा नहीं आ रहा था बस इंटरेस्ट लूज हो रहा था कि यार नहीं है ये क्या है एक टाइम पे आके ना होता था यार टाइम वेस्ट हो रहा है शायद ये क्या है हटाओ ये नहीं सोचता था कि यार कितना हो गया है कितना टाइम वेस्ट हो गया है तलाश जा रही थी ना तलाश चल रही थी तो करते 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 एपटेक चले गए वहां से छोड़ा एपटेक में कि भाई यार ये करेंगे जरा सा कंप्यूटर पे आर्ट वर्क 3D माया मैक्स उस टाइम पीक टाइम भी था टाइम चला बोला ये करते हैं ये स्कोप भी दिख रहा है इसमें करना शुरू किया वो भी पूरा डिप्लोमा इन डायरेक्टिव मीडियाग्राफ से एपटेक से कंप्लीट किया हो गया वो भी लाइफ बड़ी एक अलग एक्सप्लोर करते हुए गुजरी कराची को वो हो गया कंप्लीट फिर पता चला कि यार ये क्या है यार सिस्टम के आगे बैठे हो किए जा रहे हो इसको पिच कर दो उसको पिच कर दो उसको दिखा दो इसको दिखा दो क्या जिंदगी है बताओ यार क्या है मतलब क्या करें अच्छा भाई यार एक्टिंग तो नहीं कर सकते अब्बा करने नहीं देंगे बड़ा मसला हो जाएगा ये तो सही काम नहीं है कैमरे के आगे बैठ के होस्टिंग कर सकते न्यूज एंकर बन जाते खबरें शबरे पढ़ेंगे पापा इज्जत की इज्जत होगी सीन ऑन हो जाएगा तो मास कम्युनिकेशन पता किया भाई क्या होता है ये कैसे होता है मास मीडिया भाई मास ग्रेजुएशन कर चुके थे उस टाइम पे तो मास कम्युनिकेशन कराची यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन में एडमिशन डाला एडमिशन आ गया इकरा भी गया मैं इकरा में भी एडमिशन डाला दोनों जगह एडमिशन आ गया पता चला यार ये कराची यूनिवर्सिटी का एक एक्सपोजर बड़ा जबरदस्त है यहाँ का बच्चा जरा स्मार्ट निकलेगा क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज को बड़े करीब से देखता है हर किस्म के एक्सपीरियंसेस करेगा तो यहाँ चलते हैं इकरा क्यों नहीं गए वो थोड़ा सा देखो मैं जिस हिसाब से देखो मुझे तो नहीं पता था ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मगर इकरा जब मैं गया ना तो वहाँ के जो टेस्ट देने जो लोग आए हुए थे साथ में
वो मुझे बहुत ज्यादा ऑफिस वाले जो वो मास्टर्स करने के लिए एमए करने के लिए जो ऑफिस की टाइमिंग वाले जो लोग ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट में ऑफिस से आए हुए हैं वापसी में, और वो तो मैं मुझे लगता था कि यार ये जगह इतनी ज़्यादा लोकल टाइप मासेस वाली नहीं है, क्योंकि मास मीडिया है ना, आप कम्युनिकेशन हर तबके से हर तरह की चीज़ को। तो फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी का, क्योंकि फीस भी सही मामलात में ओके, चीज़ों में भी चलो भाई ओके है, ये सही है एक्सप्लोर करने की जगह। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता चला यार ऐसा कोई सीन नहीं है बॉस, अच्छा गलत ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई है यार, ये तो मतलब मास मीडिया तो साफ़त की आज़ादी, आज़ादी है साफ़त, ये तो मतलब ना आज़ादी है ना साफ़त है यार, कोई अपने में ही लगा हुआ है, कोई काउंसलिंग नहीं कुछ नहीं कोई चीज़ नहीं। तो वहाँ भी इंटरेस्ट उस तरह से बन नहीं रहा था। खैर फिर पता चला कि यार एपटेक में एक एनिवर्सरी हो रही है और उन्होंने मुझे बोला कि भाई आए आप आके ड्रामा डिपार्टमेंट संभाले, मुझे तो पता ही नहीं यार ये ड्रामा डिपार्टमेंट संभालें मतलब क्या करें, छोटे मोटे स्किट हम कर चुके थे एपटेक की बाकी दिन होगी, ये इन्होंने आर्ट्स काउंसिल में करनी थी पूरी तकरीब, तो उन्होंने मुझे बोला आके आप तैयार करें शो आधे घंटे का, तो अपना आधे घंटे का और उसमें डेढ़ घंटे का अवार्ड सेरेमनी मॉडलिंग और ये वो सारी चीज़ें इस तरह से सेगमेंट। तो मैंने ठीक है भाई कर लेते हैं, कुछ चीज़ें निकाली नेट पे सर्च की, कुछ थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज देखी कुछ इधर उधर से, फिर उमर भाई गेम मतलब गेम मतलब हर बंदा ना ये नहीं कह सकता मैंने नहीं देखा, बिल्कुल ये नहीं कह सकता मैंने उन्हें देखा नहीं और इंजॉय नहीं किया, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने उन्हें इंजॉय नहीं किया, कभी ना कभी तो किया होगा, शायद कभी बाद में नफरत या कोई प्रॉब्लम्स हो गई हो तो वो एक अलग बात है, मगर कभी ना कभी तो इंजॉय किया होगा, और भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना किया। एक अल्फाज में पूरा ड्रामा मतलब वो स्टेज शो उन्होंने खत्म कर दिया था, एक चैलेंज भी लिया था उन्होंने कि कुछ इस तरह की चीज हुई थी उमर भाई की, कौन सा था वो उन्होंने कहा था कि पर ये एक चीज हुई थी वो थका क्यों हाँ, तू थका क्यों चलाई तू थका क्यों हाँ। तो मतलब वो वाली बात है ना कि उस एक जुमले में इतने एक्सप्रेशन बिल्कुल इज द किंग ऑफ कॉमेडी, मतलब मुझे बड़ा वो एनर्जी मुझे बड़ी वो लगती थी कि यार क्या मतलब क्या बात है यार क्या गेम है, तो उस चीज को मैं जरा अपने अंदर उतारने की कोशिश करता था, तो उसी को लेके मैंने कुछ उनके कुछ मोइन अख्तर साहब के कुछ अपना 50-50 से कुछ स्केट्स कुछ ये अपना आंगन टेढ़ा से कुछ चीज़ें कुछ निकाल के मैंने मर्ज करके कुछ एक चीज़ बनाई दो चार किरदार nice. वो बड़ा मज़े से एक परफॉर्मेंस हुई आर्ट्स काउंसिल में थी, सामने एक पुरानी सी बिल्डिंग थी हिंदू जिम खाना की तो हम जब प्ले करके निकले तो हमने देखा यार ये पीली सी बिल्डिंग है, ये तो बड़ा मतलब क्या ये मंदिर मंदिर टाइप की चीज़ लग रही है, शहर ज़रा कम जाते थे ना तो जब देखा तो हमने यार यहाँ जाना चाहिए, वहाँ गए गेट पे दे रहा था अंदर, आवाज लगाई तो गार्ड आ गया उसमें, सुबह में लेगी अभी बंद है क्या जगह लेकिन नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट थिएटर पढ़ाते हैं, बड़ी बात है थिएटर पढ़ाते हैं इसकी भी पढ़ाई होती है, दोस्त से पूछा थिएटर मतलब थिएटर पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं यार तो फिर सुबह आते सुबह 9:30 बजे पहुंच गए नेपा में, नेपा पहुंचे शुजात भाई बैठे थे जनाब इस फकीर अकीर बंदा नाचित जंगे इस्लाम इमाम शोरा को मोहब्बत अली उल्फत और प्यारे मियां कहते हैं उमर भाई का डायलॉग सही है ठीक है। अब उनको मैंने हाथ मिलाया तो वो मुझे बोलते हैं बस भाई बस कर ऑडिशन में भी तो कुछ बोलेगा ना, ये शुरू ही हो गया अभी वहां भी बोल देंगे यार आप तो पूरा सुन लो, इंप्रेशन इज द लास्ट हां। तो वो सफर फिर वहां से नेपा तक पहुंचा और जब वो वहां पहुंचा तो फिर बदल गया 360 सब कुछ, फिर जो तुर्रम खानी के साथ हम वहां पहुंचे थे आपको रियलिटी चेक मिल गया, पहले ही 4-5 दिनों में आपको पता चल गया बॉस जो कुछ भी लेकर आए हो झटक दो, यहाँ गेम कुछ और चल रही है, यहाँ बातें कुछ और चल रही है, यहाँ इंटेलेक्ट कुछ है, यहाँ तो बात जुमले की नहीं हो रही जुमले के पीछे की हो रही है जिसे ये लोग सबटेक्स कह रहे हैं, ये सबटेक्स है क्या चीज ये अंडू करो अंडू करो अंडू करो क्या अंडू करो खुद को अंडू करो खुद को अंडू करो अबे भाई क्या अंडू करो, वो समझते समझते साले 3 साल तीसरा साल गुजर गया तो समझ आया अंडू करो उस वक्त तक जब तक तुम्हें होश है, जब तक तुम्हारे दिमाग में होश है कि तुम कौन हो अम्मा सिद्दीक
उस वक्त तक अंडू कर दो, वहां से डालो कि अब तुम आसिफ बलोच हो। सही, तुम्हारा बचपन ये था, नाइस, तुम्हारा बाप ये था, तुम्हारे बाप ने ये किया था, तुम्हारी माँ ने ये किया था, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी बहन ने, सही है, उन्होंने तुम्हारे साथ ये किया था, वो तुम्हारे साथ ऐसे थे, ये तुम्हारे साथ अच्छा है, ये तुम्हारे साथ बुरा है, तुम्हें इसकी आदत पसंद है। ये लेयर्स होती है ना, आप एक किरदार को जिंदा करने के लिए उनमें जोड़ते हैं, तो वो फिर मैं यार बहुत बहुत लंबी हो जाती है यार, रोक दिया करो, कहानियां बहुत बहुत है, फिर बहुत हो जाती है लंबी, फिर रोक दिया। तो सिराज भाई, मैंने देखा जैसे अभी आपने यंग लोगों के साथ काम किया है, तो ये आपकी एक सोच है कि एक्सपीरियंस, मतलब जैसे प्रोडक्शन साइड में या एसोसिएट प्रोड्यूसर भी जो देखा है वो भी यूनिवर्सिटी का मेरा क्लासमेट है हमजा, लाइक तो आपने और भी यूनिवर्सिटीज के लड़के पिक किए हैं, तो ये अडॉप्शन मतलब आप खुद आगे कैरी करना चाहते हैं या आपने सोचा है कि यार जो क्रिएटिव लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि एज अ टीचर भी अगर आप पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली आप को अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि यार आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको पोटेंशियल जो है वो देखो कि उनमें अगर है पोटेंशियल उनको चांस मिले और वो ग्रो करें, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू सी कि यार आपका एक यू नो स्टूडेंट है और इज़ डूइंग वेल। दूसरा ये कि आई फील कि यंग लोग, टैलेंटेड लोग जो हैं उनमें हंगर बहुत है काम करने की, वो 110% देने को तैयार हैं, टेंट्रम्स नहीं होंगे, मसले नहीं होंगे, यू नो प्रोजेक्ट के साथ खड़े हुए हैं, लेट नाइट शूट भी चल रही हैं, कुछ भी है, तो वो जान मारते हैं, तो और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग होने चाहिए आपके टीम के अंदर ना, तो वो आपको भी मोटिवेशन मिलती है, तो ये भी एक वजह है कि आई प्रिफर यंग टैलेंटेड पीपल। और टाइम मैनेजमेंट भी होती है, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही जरूरी नहीं है, आप अपनी टीम देख के बनाते हो, देख के बनाते, आप पूरा एक बैलेंस क्रिएट करोगे कि यार जहाँ मुझे एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो कि सबको संभाले, सुपरवाइज करे, वहाँ पे ऑब्वियसली उसकी भी बहुत वैल्यू है, जहाँ पे आपको चाहिए एंथुजियास्टिक लोग, स्किल्ड लोग, बट ये के हु आर विलिंग टू डू, हाँ, हु आर हंग्री फॉर वर्क, हु आर हंग्री टू प्रूव देमसेल्फ, तो वो वहाँ पे यू नो वो भी उतने ही जरूरी है। अच्छा, लाइक अप्रूवल्स हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट रोल करती हैं, क्योंकि थोड़ा सा बैन कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री शिकार रहती है, जो कि सो गोल्ड इंडस्ट्री है ही नहीं, तो अप्रूवल्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह स्मूथली हो गया था? सेंसर की बात करें, सेंसर, हाँ, सेंसर से हमारी क्लियर हुई है, सरप्राइजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये था कि नहीं ये तो बैन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिकॉज ऑफ यू नो द पॉलिटिकल सेटिंग एंड ऑल, बट मैंने सबको ये बोला भाई आप फिल्म देखें, फिल्म इस तरह का नहीं है, ऑब्वियसली कराची है तो कराची तो पॉलिटिकल हब है, तो वो तो बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी है, बट वी आर नॉट टारगेटिंग एनी वन, वी आर नॉट यू नो पिन पॉइंटिंग या कुछ इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, तो इट्स अ रिवेंज स्टोरी, इट्स अ पर्सनल स्टोरी, तो वही हुआ जब स्क्रीनिंग हुई है तो इट गॉट क्लियर फ्रॉम द सेंसर, जैप सेंसर, तो हमें कोई भी उसमें कट नहीं है, सरप्राइजिंगली देर आर नो कट्स इन द मूवी, तो आप जो सिनेमा में देखेंगे वो अनकट वर्जन होगा, और अच्छी बात है, हर फिल्म मेकर यही चाहता है कि उसका जिस तरह से उसने वो फिल्म बनाई है वो उसी तरह से उसकी ऑडियंस तक पहुँचे। अच्छा, अभी तक पूरी कास्ट ने, टीम ने अभी तक किसी को नहीं दिखाई है और अपनी जो कोर क्रू टीम है उनको फिल्म दिखाई है, जो मेरे जो करीब लोग हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं सुनता हूँ लोगों का फीडबैक, लेना चाहता हूँ चीज़ों पे, या जब मेरे कट्स भी बन रहे होते थे तो मैं काफी लोगों जो मेरे करीब हैं उनसे मैं शेयर करता हूँ, ताकि उनका भी फीड, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि मैं अपने उस ऑब्सेशन में कहीं खो जाऊं और बस मुझे ही अच्छी लग रहा हूं, मैं कहीं बायस ना हो जाऊं, तो मुझे एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बीच बीच में मैं ले रहा होता हूं। जिस राज भी कोई ना कोई मेंटोर होता है हर किसी का, लाइक आप भी रेबिस में थे, कोई ना कोई मेंटोर होंगे आपके जिनको आपने जाके बताया होगा कि मैं फीचर फिल्म कर रहा हूँ और ये स्टोरी है, तो आपका कोई मेंटोर? हाँ, मेरे मेंटोर हैं सर जिशान हैदर, जिन्होंने मुझे स्क्रीन राइटिंग सिखाई है, उनसे मैंने प्ले एनालिसिस, थिएटर डायरेक्शन पढ़ा है, और लड़के मैंने बोला कि थीसिस एडवाइजर भी मेरे यही होंगे। अच्छा, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि यार ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, स्पेशली स्क्रीन राइटिंग के, जो अगर आपने फिल्म मेकर बनना है तो आपने उनके मतलब छाओं तले से गुजरना है, ऐसा है, तो आई वॉज लकी कि यार मुझे इतने अच्छे टीचर मेंटोर मिले जिनकी वजह से
मैं यहाँ तक अभी तक पहुँचा हूँ. और जब मैंने इसका फिल्म बनाने से पहले भी मैं सर से मिला था, मैंने बोला सर मैं इस तरह का कुछ करना चाह रहा हूँ. तो मुझे लगता है इंडस्ट्री के जो यंग जो 50% जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं अच्छा माशाल्लाह, वो ज़ीशान हैदर के, ज़ीशान भाई के हाथों के नीचे से और ज़ीशान भाई से स्क्रिप्ट एनालिसिस सीख के प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं इंडस्ट्री में. ऐसे ही तो वो एक बड़ा, उनका एक बड़ा हाथ रहा है इस इंडस्ट्री में, पढ़ा लिखा. और फिर वही जो एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं बार बार, क्राफ्टेड, पक्का, पका हुआ काम, वो सोच वाला, उस मेंटल हेल्थ वाला काम कि जिसको हेल्दी बनाया उस आदमी ने अपनी बातों से अपनी. तो जब स्टोरी बनाने से पहले भी मैंने उनको नरेट की कि यार इस तरह का कुछ मैं करना चाह रहा हूँ, तो सॉर्ट ऑफ उनका जो एक नॉट था कि मुझे वो नॉट भी था, वो काफी था मेरे लिए कि ओके ठीक है हम सही डायरेक्शन में चल रहे. तो उनसे मैं रابطे में रहता हूँ कहीं ना कहीं, कभी मुझे जरूरत पड़ती है हेल्प या गाइडेंस चाहिए होती है. फिल्म दिखाई उन्हें? अभी मैंने पूरी फिल्म नहीं दिखाई है, मैं इनको प्रीमियर पे मैं चाह रहा हूँ मैं दिखाऊंगा. अच्छा, नाइस. अच्छा अमर भाई, आपने अभी मेंटल हेल्थ की बात करी, तो ज्यादातर हम देखते कि खासतौर से पाकिस्तान में हमारे आर्टिस्ट को मेंटल हेल्थ का बड़ा इशू रहता है, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, किसी ना किसी बात पे, खास तौर पे कि काम नहीं है या काम कम है. तो कभी आपको ये फेस करना पड़ा? चलिए, हर फील्ड में, मैं एक छोटी सी बात करूं, हर फील्ड में आर्टिस्ट का तो पता चल जाता है ना कि वो सेलिब्रिटी है, मशहूर है, लोगों के सामने आ चुका, पब्लिक फिगर है, उसका पता चल जाता है. पॉलिटिशियंस का पता चल जाता है. हर जगह है, हर फील्ड में है. आप बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे लोग डिप्रेशन से, चीज़ों से, आगे पीछे प्रेशर से, और बहुत सारे अकाउंट के उसमें फील्ड में, और डॉक्टर हर जगह, इंजीनियर्स हर जगह, माहौल हालात के हिसाब से इस तरह होता है. स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में आप फंस गए हैं, अटक गए हैं, या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी जो है, वो मैंने किस तरह सर्वाइव रहना है, फिट रहने के लिए किस तरह मैंने सर्वाइव करना है, मैंने क्या एक्शंस लेने होंगे, किस तरह से चलना होगा, ये वक्त रहते इसका डिसीजन ले लेना मुझे लगता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उससे फिर आप बचे रहते हैं चीज़ों से. और वही वाली बात जो मैंने पहले कही कि क्लैरिटी होगी माइंड में, पता होगा आप किस तरफ जा रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस वक्तन फवक्तन करते रहेंगे, आईना दिखाते रहेंगे, खुद को सच्चाई का सामना करते रहेंगे, तो उन खड्डों से जो अक्सर दौड़ में नजर नहीं आते, वो आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली जो थ्योरी होती है, इजीली एक्सप्लोर करके चलो, कहाँ वक्त कहीं नहीं भागा जा रहा. इट्स ओके यार, दुनिया में सिर्फ भागने दौड़ने या जिंदगी उधारने थोड़ी आए हो. एग्जैक्टली, इसको जीने आए हो ना, इसको जियो, तरह एक्सप्लोर करो कि आप कहीं बैठे हो तो किसी की सुनो, थोड़ी अपनी सुनाओ. और मैं बहुत ज्यादा सुनाने लग जाता हूँ, मुझे रोका करो यार. रोका करो मुझे. हम कैसे रोक सकते हैं आपको? नहीं रोक सकते, बिल्कुल रोक सकते. तो मैं नहीं समझ रहा यार क्या हो गया यार. इशारे कर दो यार. सराज भाई, यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक ऑब्वियसली एक डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहा है, बहुत सारे मसले भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल किया यार नहीं करनी फिल्म, या इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दो, खत्म करो यार. यार हाँ, 3.5-4 साल का फेज रहा है ना इसमें, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे और बहुत स्ट्रेसफुल था, और बहुत जगह पे जब इतनी डिस्करेजमेंट मिल रही थी, तो हाँ ऐसा हुआ है कि जब मुझे ऐसा लगा कि यार अब छोड़ दो यार, इसको यूट्यूब पे ही डाल देते हैं, इस तरह करते हैं. बट नहीं, अगर मैं कभी लो फील कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कोई और बोलेगा नहीं यार क्या हो गया, और यू नो अब तुम यहाँ तक पहुँच गए. एक दूसरे को ना अचीवमेंट याद दिलाते. हाँ ये भी होता है, देख तू वो कहाँ से चले थे, क्या कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, देख ये भी कर लिया, चल रहा है ना यार, सही है, हो जाएगा अभी, चल चल रहा है, ओके डन है, ये अच्छा है, ग्रोथ है, आगे चल रही है गाड़ी, आगे बढ़ रही है, स्लो है कुछ, जो भी है लग जाएगा धक्का, लग जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा. और फाइनली उससे जो है वो एक दूसरे को बकअप, अच्छा दोस्त मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. जो बात ये है ना कि वही वाली बात है कि अच्छा डॉक्टर या अच्छा साइकेट्रिस्ट वो है जो अपनी ना बोले, जो आपकी सुने. एग्जैक्टली, क्योंकि इंसान के माइंड में गलतियां या इंसान के माइंड में ब्लॉकेज आती ही तब है जब वो खुद को ब्लॉक कर लेता है.
हम अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी सोसाइटी की दीवार खड़ी करते हैं, कोई जबान की दीवार खड़े करते हैं, अच्छाई की दीवार, बुराई की हम दीवारें 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 खड़े करते करते अपने इर्द गिर्द एक बड़ा एक लंबी चाइना वॉल बना लेते हैं, ग्रेट वॉल, और वो फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि टक्कर ही खाए जा रहे हैं, उसी उसी चार दीवारी में बंद हो जाते हैं, अपने ही बॉक्स में खुद को बंद, तो वहां से फिर डिप्रेशन और एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन और वो जो बुरे ख्यालात, जो मायूसी नाउम्मीदी, ये सारी चीजें, क्योंकि रोशनी बंद कर चुके हैं ना आप अपने, आपने रास्ता तो खुला छोड़ा ही नहीं, तो रास्ता खुला रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इशारा फिर नहीं किया ना तूने, मैं कहीं और निकल जाता हूँ। कोई बात नहीं, इशारा कर लिया कर। अच्छा सराज भी, लाइक एक इनिशिएट लिया आपने इस टाइप की फिल्म बनाने का, डू यू थिंक ये गेम चेंजर हो सकती है? आप दोनों से ही सवाल यार, ये तो नहीं पता कि वो गेम चेंजर होगी, लेकिन इनिशिएटिव लिया है और पूरी टीम ने लिया है, और बड़ी इसको एज अ जिद कह लो कि जिद थी कि लाना है इस तरह की कहानी जो है, जो हमें लगता है कि यार इसकी ऑडियंस है, देखना चाहती है, ओरिजिनल कहानी है हमारी अपनी कराची की कहानी है। हर मूवी जो है वो बॉलीवुड या हॉलीवुड का चरबा जब बनती है तो भाई ओरिजिनल कहानी पे भी काम होना चाहिए, और हमारा ये बिलीफ था तो हमने उस पर लगे रहे, मेहनत करी, जहाँ रुके सब्र किया, फिर से खड़े हुए, फिर से किया, लगते रहे कि एक स्टेप आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते गए अपनी मंजिल तक, और लगे रहे क्योंकि भाई बिलीव है। तो आई डोंट नो अबाउट गेम चेंजर, बट इट्स डेफिनेटली समथिंग जो कि लोगों के जब देखेंगे तो उनके जहन पे असर करेगी, और उस फिल्म के बारे में बात होगी इंशाल्लाह, कहानियों के बारे में, परफॉर्मेंसेस के बारे में, हर चीज के बारे में, ये एक डिस्कशन खोलेगी, खोलेगी लोगों के जहन में ये सवालात उठाएगी, तो जब ये फिल्म बन सकती है तो और भी लोग, नॉट जस्ट दैट, द स्टोरी आइडिएशन की स्टोरी क्या है, किस तरह है, क्या मीनिंग है उसके, क्या थीम्स हमने जिन चीज़ों पे बात की है उन चीज़ों पे बात होगी। जिस राज भी इसी के साथ एक और पॉइंट के कहीं पे ऐसा लगा आप जब आप फिल्म लिख रहे थे आपको क्रिएटिव ब्लॉक लग गया, वो सीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे या कुछ ऐसा, कोई ऐसा ऐसा सीन जिसको आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, काफ़ी टाइम लगा उसको कंप्लीट करने में? ब्लॉक होता है बट ऐसा नहीं है कि, असल में जब आपके जहन में डेडलाइंस होना और आप थोड़ा सा काम पंक्चुअलिटी के साथ करो और सुस्ती ना हो, आती है लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को ओवरकम करो और डेडलाइंस आप मीट करो, मतलब यू आर सीरियस विद योर वर्क, तो फिर आप कहीं ना कहीं सोल्यूशंस निकाल लेते हो। बिकॉज अगर आप बोलोगे यार मैं ब्लॉक में हूँ ना, तो वो ब्लॉक सालों साल तक जाएगा ही नहीं, आप एक सफ़ा भी नहीं लिख सकते, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के जहन में आइडियाज़ होते हैं, चीज़ें होती हैं, बट उनसे पेन नहीं उठाया जाता, उनसे लिखा नहीं जाता, तो फायदा ही नहीं उस चीज का। तो मैं इस चीज पे नहीं बिलीव करता हूं, मैं कहता हूं ब्लॉक भी है ना, नो मैटर हाउ सरेंडर नहीं करना चाहिए उस ब्लॉक के आगे, जितना आपको बेकार आइडिया भी आ रहा है लिख लो, एटलीस्ट वो कहते हैं कि यू नो यू जस्ट वॉमिट द फर्स्ट ड्राफ्ट, एग्जैक्टली योर फर्स्ट ड्राफ्ट इज शिट बट स्टिल यू नीड टू थ्रो इट आउट, उसको लिख दो, उसके बाद उस पर काम करो, जब वो वाला टफ पार्ट निकल जाएगा ना उसके बाद आसानी हो जाएगी, आसानी हो। चलें भाई कुछ और Q&A, हाँ कुछ हमने गेम चेंजर की बात हो रही थी यार, वो हाँ, करें, 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 करें। मतलब यार हाँ आप आपका आपके मतलब लिए गेम चेंजर, अब ये भी नहीं बोला कि बोलने नहीं दो, बोला है कि रोक लिया करो, नहीं तो मतलब बोलने ही नहीं दे रहे हो तुम लोगों, मतलब अब यहाँ चले हम वहाँ चले, सही है हमें भी एंड करना है, पर गेम चेंजर की बात है, गेम चेंजर किस सेंस में तुमने सवाल पूछा कि गेम चेंजर है, अब गेम चेंजर की बात ना, ये क्या है, क्या ये देख तो लो एक दफा सही से, चैनल हमारा, मैं कहता हूँ देख तो लो एक दफा सही से, क्या कुछ और भी चीज हो सकती है। हाँ अब कप है, हाँ यार ये कप है, इसके अंदर पानी है, मैं पीऊंगा, ये कप है, मैं नजर की बात कर रहा हूँ, देखने की बात, आप गेम चेंजर किस सेंस में देख रहे हैं, गेम चेंजर किस सेंस में देख, मैं समझता हूँ कि ये फिल्म आने के बाद, हाँ ये मेरी अपनी जात के अंदर कुछ थोड़ा बहुत गेम चेंज करेगी, बात की जात के अंदर कुछ थोड़ा बहुत गेम चेंज करेगी, कि करियर में कुछ थोड़ा सा गेम चेंज करेगी, हर किसी एक अचीवमेंट है ना, एक अचीव जब आप कुछ अचीव करते हैं और उस उसके एवज आपको थोड़ा बहुत प्यार मिलने लगता है, तो इसका मतलब है कि आप कुछ कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, कुछ तो गेम आपके अंदर चेंज हुई है, तो हाँ गेम चेंजर है उस सेंस में। बाकी आगे वाला गेम चेंजर वो फिर वक्त के साथ पता चलेगा कि यार वो वाला भी है कि नहीं। अच्छा कुछ Q&A था, हमने एक पोस्ट लगाई थी तो कुछ हमने जेनेरिक सवाल पूछे एक ऑडियंस से कि वो इस फिल्म के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, तो एक सवाल हमारे पास, कुछ चार पांच सवाल आए हैं,
what are some challenges that are faced by directors and actors overall industry overall, no, नहीं फिल्म में इस फिल्म की इस फिल्म में प्रोडक्शन चैलेंजेस बहुत थे गोरिल्ला स्टाइल हमने शूट करी है तो हम आउटडोर्स शूट कर रहे हैं और बहुत क्राउडेड एरियाज में शूट कर रहे हैं हमने बड़ी दे वर अराउंड 18 टू 20 डिफरेंट लोकेशंस तो अब डोली खाता लियारी ये सारे इलाके जमशेद रोड जमशेद क्वार्टर और यहाँ के बच्चे ऑब्वियसली वहाँ क्राउड जो है 200-250 लोग रात के 3 भी बज रहे हैं बट सारे खड़े हैं बच्चे खड़े हुए हैं और वो शॉट हो रहा है एक्शन में बोल रहा हूँ इंतजार कर रहे हैं कि कट होगा तो हमें शोर मचा रहे हैं तालियां बजा रहे हैं जैसे ही कोहराम मचा देना है उस बीच में अगर डायरेक्टर को डीओपी को कोई कुछ डायरेक्शन देनी है या कुछ लाइट का कुछ बताना है तो वो इंतजार करेंगे कि साले ये चुप हो जाए तो फिर हम अपना दोबारा से काम डिस्कशन अच्छा उनको ये नहीं पता कि कट हुआ तो शॉर्ट कंप्लीट हुआ कोई हो सकता है बंद हुआ उनको नहीं पता उसको बस वो एंजॉय कर रहे हैं उस वक्त उस सिचुएशन में लेकिन उस क्राउड को मैनेज कैसे किया सराज भाई ये एक बड़ा यार वो मैं क्लिप आपसे शेयर कर रहा हूँ वो करूंगा ओके जिसमें वो हमारे एडीज जो है वो सबको ऐसे हाथ पकड़ के रोक के खड़े हुए हैं सबको और शॉट एक शॉट होता था और सारे तालियां बजाते थे और मतलब हमने ये भी किया था कि हमने एक एक्स्ट्रा कैमरा मंगाया था और एक डमी एक्टर को लेके कि उसको बाहर वॉक कराते थे तो बच्चे जो होते थे वो वेट करते थे वो सारे बच्चे बताते आज 5 बजे ये लोग करेंगे आउटडोर सीन तो वो बच्चों के ये चल रहा होता था फिर वो एक कैमरा लेके एक बंदा निकलेगा एक डमी एक्टर को लेके तो सारे बच्चे उधर भागेंगे फिर हम दूसरी साइड निकलेंगे फिर उनको 10-15 मिनट बाद पता चलेगा कि यार इन्होंने हमारे साथ ये किया फिर वो भागते हुए आएंगे और उनको शौक होता था कि कैमरे के सामने जंप करके आए इनके शॉट खराब करें ताकि वापस से टेक ले तो वो बहुत उनको ये भी लगता था कि यार मैं शायद कैमरे में आ जाऊंगा आ जाऊंगा ये गेम हो जाएगी मैं छप जाऊंगा कैमरे में उसको ये नहीं पता कि हम रोकेंगे उसको उसको बोलेंगे बेटा तू नहीं आ रहा है तुझे नहीं चाहिए तू नीचे हो जा तो इस तरह के बड़े मजे वाक्य मजे के थे वाक्य एलिमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत स्पाइन ऑफ योर फिल्म बेसिकली तो स्क्रीन राइटिंग में आई कैन थिंक द कोर एक तो ये कि अंडरस्टैंडिंग द 3-act स्ट्रक्चर ठीक है बट उसको चीज को ये भी समझना कि आप जो नैरेटिव कर रहे हो उसमें वो किस तरीके से इंटीग्रेट हो रहा है जैसे कि आई फील के एक फीचर लेंथ फिल्म का 3-act स्ट्रक्चर और एक शॉर्ट फिल्म विच इज अंडर 10 मिनट या 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बहुत फर्क होता है और वो हमें भी शायद उस तरह से नहीं पढ़ाया जाते या यूनिवर्सिटीज में बच्चे जो होते हैं उसमें कन्फ्यूज होते हैं जो मुझे लगता है कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है कि अगर एक 3-act स्ट्रक्चर फिल्म का है तो उसमें अच्छे खासे 8 इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स गुजर रहे होंगे क्या वो 10 मिनट से छोटी शॉर्ट फिल्म में होंगे क्या इतने नहीं होंगे तो उसको कैसे समेटना है तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसके अलावा आई फील के व्हाट इज़ योर वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप 4-5 मूवीज से इंस्पायर होकर उस तरह की रीमेक ना बनाएं इन्फ्लुएंस ना बनाएं आपके अंदर की क्या आवाज़ है आप बात क्या कहना चाह रहे हैं व्हाट आर द थीम्स दैट यू वांट टू एक्सप्लोर आपके अंदर का क्या कॉन्फ्लिक्ट है आप किस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो चीज़ जो वॉइस है वो बहुत यू नो मैटर करती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिल्म डायरेक्टर्स इन द मेकिंग ऑफ फिल्म मेकिंग व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिल्म डायरेक्टर का रोल क्या होता है फिल्म मेकिंग थोड़ा सा डायरेक्टर का क्या रोल है ये कह रहे हैं फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन के दौरान है ठीक है डायरेक्टर का काम जो है डायरेक्टर एज यू से इट्स अ कैप्टन ऑफ द शिप ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप तो वो रिस्पॉन्सिबल है भाई फिल्म अच्छी है तो वो रिस्पॉन्सिबल है फिल्म बुरी है तो वो रिस्पॉन्सिबल है फिल्म में जो मसले हैं वो रिस्पॉन्सिबल है तो वो लीड कर रहा है सबको और आई थिंक उसका काम है ही हैज़ टू बी अ वेरी गुड ऑर्केस्ट्रेटर कि उसको अपने साथ सारे टैलेंटेड स्किलफुल लोगों को लेके चलना है और उनसे उनका काम करवाना है आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट काम उसका यही है हाँ और डायरेक्टर को सब कुछ आना भी चाहिए मतलब नॉट समझ होनी चाहिए समझ होनी चाहिए ऑब्वियस सी बात है बिकॉज कम्युनिकेशन है ना अगर मुझे नहीं पता कलर ग्रेड के बारे में या साउंड के बारे में कुछ भी टेक्निकली मैं बिल्कुल ही नहीं लूंगा तो मैं समझाऊंगा कैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्क्रैच टू एंड प्रोडक्ट तक का काम होता है हाँ उस और प्रोड्यूसर का उससे भी ज़्यादा होता है मे बी डायरेक्टर का काम तो होता है चलो आइडिएशन से लेके फिल्म कंप्लीट करना प्रोड्यूसर का काम फिर उसके बाद है कि भाई उस फिल्म को फिर एग्जिबिट करना मार्केट करना तो प्रोड्यूसर का भी इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूसर फाइनेंसर सिर्फ नहीं होता बेस्ट पिक्चर का अवार्ड प्रोड्यूसर लेने जाता है स्टेज पे बेस्ट पिक्चर उसको मिलती है भाई
बेस्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर अलग रोल है, बेस्ट पिक्चर प्रोड्यूसर लेता है, पूरी फिल्म का क्रेडिट प्रोड्यूसर लेता है, वेस्टर्न नहीं जाके लेता, वो प्रोड्यूसर लेता है, प्रोड्यूसर एक स्किल सेट है। एग्जैक्टली। अच्छा, व्हाट इज द प्रोसीजर टू इफ समवन वांट्स टू जॉइन दिस इंडस्ट्री? आप भी बताएं, आप भी बताएं क्या प्रोसीजर क्या है एक्टिंग का, तो तुम बताओ। हाँ बताएं यार, देखो मैं सीधी बात करता हूँ कि मैकेनिक बनना है अगर तो काम सीखना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग बननी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर, तो अदाकारी करनी है तो एक्टिंग पढ़नी पड़ेगी। देखो पढ़ाई जा रही है ना, मतलब कोई शय है वो पढ़ाई जा रही है, वो आसान नहीं होगी तभी पढ़ाई जा रही है, वो मुश्किल होगी, उसको उसको सीखना ज़रूरी है, तभी स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, स्टैनिस्लावस्की, स्टेला एडलर, ये स्कूल ऑफ थॉट्स तभी है ना, तो उन चीज को उसकी तालीम हासिल करना मुझे लगता है जरूरी है। अगर आपने प्रोफेशनली और आपने उस चीज को समझने के लिए और उस तालाब में सिर्फ फंसने के लिए या उस तालाब के मजे लेने के लिए वहां नहीं जाना है, उस तालाब को एक्सप्लोर करने के लिए, उसमें जीने के लिए आपने वहां जाना है, तो आपको उस तालाब की एक एक हिस्से का पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन से जीव जंतु जानवर पत्ते, कौन से फ्रूट, कौन सी सब्जियां लगती हैं जिनको आप खा के जिंदा रह सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उन टूल्स को सीखने के लिए आप जाएं किसी एकेडमी में, जाएं थिएटर एकेडमी में, जाएं किसी ऐसे प्रोडक्शन में, जाएं किसी ऐसे मेंटोरशिप जैसी बात होती है कि यार कोई आप अपना मेंटर तलाश करें कि यार ये बंदा है, मैं इसको असिस्ट करूँगा, इसके साथ रहूँगा, इसे सीखूंगा, इससे बातें सुनूंगा, समझूंगा, लिटरेचर पढ़ूंगा, जो जो उसके रास्ते हैं उन सारी चीज़ों को अबूर करते हुए आप पहुँचें तो आपको वाहवाह भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, और सिर्फ इज्जत मिलने की बात नहीं होती, आप अपने आप से सेटिस्फाइड हों, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सच तो इंसान सबसे पहले अपने आप से बोलता है ना, छुपाने की हम बहुत कोशिश करते हैं मगर हर रोज़ अंदर का सच आपको झिझोड़ता है, रोज़ हर रोज़। तो जाना चाहिए एकेडमी, जाना चाहिए पढ़े, नहीं नापा है, आर्ट्स काउंसिल है, और भी प्राइवेट एकेडमीज होंगी और वैसे भी बहुत सारे एजेंसीज भी हैं जहां से आप कुछ सीख सकें, जहां से आप कुछ सीख सकें वहां से सीखें, आप कहीं नहीं जा रहे, आप ऑनलाइन क्लासेस लें, आप हरी आजकल तो आसान है, आपको मतलब ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप्स ऑनलाइन मिल जाएंगी, चीज़ें मिल जाएंगी, मुझे नहीं पता था, मैं तो जब एज अ प्रोड्यूसर खड़ा हुआ तो मुझे मैं किसी को जाके पूछा या वो थोड़ी किया कि यार मुझे बताओ, बस ये सर्च इंजन है आपके पास, ये हाथ में लेके, ये हाथ में जो ये न्यूक्लियर लेके घूम रहे हैं जिसमें हर बीमारी का इलाज है, हर चीज़ का पता है, तो आपको सर्च करना आना चाहिए, आप उसको, मैंने प्रोडक्शन उसी से सीखी यार, क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए। यार वो मुझे इतने मैसेज आते हैं, किसी को एक्टर बनना है, किसी को मॉडल बनना है, तो बगैर पोर्टफोलियो के ना, बगैर पोर्टफोलियो के वो आप चांस दे दें, आप चांस दे दें और कुछ तो मतलब इतने लेजी हैं, हाय हाय बस ये मैसेज है, हाय मतलब मैं अब क्या सबको हाय करता रहूं, फिर कच्चे लोग कर भी दो ना, जी हाउ आर यू, बस एक मैसेज। अबे आप बता ना क्या चाहिए तुझे, मुझे तो बता मुझसे क्या काम है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने बोला भी, मैंने रिप्लाई भी किया, मैंने बोला भाई मेकअप पोर्टफोलियो, एक ऑडिशन रील बनाओ अपनी, वो क्या होता है बताएं। तो लाइक खुद अपने एंड से एफर्ट नहीं करना, जो हमारा कह रहा है ना यार, फोन है यार, सब कुछ अवेलेबल, देख लो किस तरह बनती है, क्या है, किस तरह आपने अपना मॉडल हो तो भाई फोटोशूट क्या कराना है, कुछ भी कराना है, एक्टर हो तो ऑडिशन रील अपनी बनाओ, मोनोलॉग्स अपने रिकॉर्ड कराओ, मतलब फोन है आप खुद कर सकते हो यार, यू डोंट नीड अ स्टूडियो सेटअप नाउ। बट लोग जो है वो पता नहीं क्या अनअवेयर है, या देर जस्ट लेजी, देर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, तो ये चीज़ है। तो भाई अपने अपने आप पे आपने काम करना है, एज अ डायरेक्टर ना आपने खुद फिल्में बनानी है। यूनिवर्सिटी के बाद आपको कोई चांस नहीं देगा, कोई बोलेगा नहीं अच्छा आजा बेटा मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ तू फिल्म बना, नहीं नहीं नहीं, इट्स गोइंग टू बी अ वॉर, इट्स गोइंग टू बी अ जंग भाई, इंडस्ट्री है ही नहीं। हाँ आपने अपने ढूंढना है, इंडस्ट्री होगी भी तब भी, इफ यू वांट टू बी अ डायरेक्टर यू हैव टू डायरेक्ट, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी, आपने वो खुद क्रिएट करनी। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा एक और सवाल आया जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिखा है कि सिराज भाई पाकिस्तान की पास्ट हिस्ट्रीज पे फिल्म क्यों नहीं बनती, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मतलब लाइक ये कहना चाह रही हैं ज़्यादातर यार हिस्ट्री पे भी आई थिंक बन रही हैं, बनी है, और
अभी देखो बजट होता है ना, व्हेन यू डूइंग अ पीरियोडिक फिल्म तो बजट्स होंगे, तो अभी फिल्में इतनी नहीं बन रही, तो विद टाइम आप देखेंगे थोड़ी फिल्म सक्सेसफुल हो, थोड़ा सा नंबर ऑफ फिल्म्स बढ़े, इंडस्ट्री थोड़ा ग्रो करे, तो फिर पीरियोडिक फिल्म्स भी बनेंगी और कहना चाहिए कि डिफरेंट जॉनर्स भी आप देखोगे ऑन द बिग स्क्रीन। बात यह है कि सिनेमा जब बिजनेस करना शुरू करेगा, बिजनेस होना शुरू होगा, रिटर्न आने शुरू होंगे, तो इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, लोग बड़ा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। अभी तो छोटा रिस्क लेते हुए भी लोग डरते हैं ना, तो बड़ा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, इंडस्ट्री पे ट्रस्ट बनेगा, सिनेमास पे ट्रस्ट बनेगा, इस बिजनेस पे ट्रस्ट बनेगा, तो शायद फिर जाके इतने बड़े बड़े आड़ू छेड़ना जो है वो बेहतर होगा। उसके लिए भी फिर वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले की कि नेचर, उस नेचर का बनना बहुत जरूरी है, उस वैल्यू का आना बहुत जरूरी है कि किस चीज को वैल्यू दी जा रही है, किस किस नजरिए के साथ आप काम कर। लेकिन अच्छा ये चीज इसमें है जो ये सवाल किया, जैसे मुंजो दाड़ो थी वो इंडिया ने बनाई, अभी जो हीरा मंडी पे फिल्म बनाई है वो भी हमारे कल्चर को उठा के इंडिया बना रहा है, हम अपनी चीज छोड़ के पड़ोसी बना रहे हैं हमारी चीजें, तो बना ले भाई कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है यार। मंटो भी बनाई है उन्होंने, भी बनाई मंटो, ये तो भाई हमारा खित्ता है ना, एक सब कॉन्टिनेंट है, तो ऐसा कोई वो नहीं है यार कि वो नहीं बना सकते। आपको भी बनानी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, बहुत से हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, बहुत मज़ेदार कुछ इवेंट्स हैं, आइकॉनिक हीरोज हैं, तो आप बनाएं उन पर, क्यों नहीं बना रहे, बिल्कुल बनानी चाहिए, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज यार हमारे यहाँ फिल्में सिर्फ ईद पे आती हैं, हमारे यहाँ फिल्में जब हफ्ते में, दो हफ्ते में, तीन हफ्ते में रेगुलर फिल्म आएंगी और वो कल्चर बनेगा, तब आप देखोगे कि कितने सारे टॉपिक्स पे फिल्म आ रही, कितनी डिफरेंट, फिर आप देखेंगे सिनेमास भी जगह जगह खुल रहे होंगे, तब वो फिर बूम होगा भाई। ये वाली जो चीज है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बात है, वो एक पेंटर भी पहली पेंटिंग तो मास्टरपीस नहीं बना देता ना, उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है उस तलाश में कि मास्टरपीस तलाश कर रहा है वो अपनी जिंदगी का, और जब वो मरते वक्त अधूरी पेंटिंग छोड़ जाता है, जो अधूरी पेंटिंग वो छोड़ जाता है वो उसकी जिंदगी का मास्टरपीस होता है। जो बात अगर तो भाई सफर तो चल ही रहा है ना यार, सीख तो आप रहे हैं तो फिर तुरम खानी या एक बड़ी जो अंदर आ जाती है एक चीज, वो किस बात की, रिलैक्स रिलैक्स, वो वाली बात है ना कि ये वक्त भी गुजर जाना है, इस वक्त में गुजर जाना है भाई, इस वक्त को एक्सप्लोर करो और आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाओ, करते जाओ काम, जिंदगी भर आखिरी सांस तक आप बिस्तरे मर्ग पे भी सीख ही रहे होते हैं कि यार मैंने जिंदगी में क्या किया, यार मैंने ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया, अब वो तो प्रोसेस तो चल ही रहा है, तो इसलिए जंग वंग छोड़ो और रोको मुझे, रोको। हाँ अच्छा आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आखिरी नहीं मतलब एंडिंग भी जा रहे हैं हम लोग, तेरी एंडिंग नहीं खत्म हो रही, पांच दस अगले पांच दस साल में हमारी बड़ी वाली एंडिंग हो गई, सुबह जो हमने इनकी एंडिंग थी वो जो कैमरा चले जा रहा था। हाँ चलो अच्छा, पांच से दस साल में आप इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? पांच से दस साल में मैं इंडस्ट्री को कहाँ देखता हूँ? मैं फॉर द बेस्ट बहुत अच्छी जगह देखता हूँ, और बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग, बहुत सारे काम इतना अच्छा हो रहा है, आफ्टर पेंडेमिक लोगों का नजरिया बदल गया, हम पेंडेमिक से पहले भी जाके लोगों से मिलते थे, जो पिचिंग होती थी या किसी प्रोजेक्ट पे बात होती थी तो रेफरेंसेस जो मिलते थे, अब वो पेंडेमिक के बाद वो रेफरेंसेस चेंज होने लगे, ज़रा आप नेचुरलिज्म की तरफ, ज़रा रियलिज्म की तरफ आप लोगों का माइंड और रुझान आना शुरू हुआ, किरदारों की तरफ लोगों का माइंड आना शुरू हुआ, तो ये एक तब्दीली है। हाँ। ये वो वाली तब्दीली नहीं, मगर ये एक मेजर तब्दीली है। हाँ, और पांच दस साल में इंडस्ट्री को मैच्योर होता हुआ देखेंगे, मतलब ग्रोथ है और आगे अच्छा ही नजर आ रहा है। राज भाई आप, मैं भी ये कहूंगा, ट्रेलर में एक लाइन है ना कि हम बदल देंगे सिस्टम, तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जो न्यू एज फिल्म मेकर्स और न्यू एज एक्टर्स जो है ना वो फ्यूचर है भाई। सुन लो, आप लोगों में इतना पोटेंशियल है ना, मेरे बस रज के रखो। टॉप फाइव डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स। डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं, नंबर वन मार्टिन स्कॉर्सेसी, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ऑन मी, उनकी फिल्में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में देखी हैं, तो अनुराग कश्यप, दीपाकर बैनर्जी, देर इज बोंग जून हो, पैरासाइट डायरेक्टर, नूरी बिलगे चलान, इज अ टर्किश डायरेक्टर, वन ऑफ माई फेवरेट्स, अब्बास कियारोस्तामी, असगर फरहादी, अभी रिसेंटली मैंने देखा
राइफ कूपर एक नया डायरेक्टर है, उनकी बहुत अच्छी फिल्म है, इंडिपेंडेंट फिल्म है, एक्टर भी है, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, जस्ट टू नेम अ फ्यू. अच्छा, टैक्सी ड्राइवर की कहानी आप बता रहे थे, आप टैक्सी ड्राइवर से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए थे. यार टैक्सी ड्राइवर वो पहली मूवी थी जो शायद मैंने, जब हम सिनेमा का इंट्रोडक्शन हुआ था जो मैंने देखी थी जब मैं यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की थी, तो उस टाइम पे मुझे समझ आया कि सिनेमा ये भी होता है, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपोज्ड टू वर्ल्ड सिनेमा एट दैट टाइम. ठीक है, कमर्शियल सिनेमा हाँ सबको पता होता है, हॉलीवुड सिनेमा और ये सब, बट नॉट दैट काइंड ऑफ सिनेमा. तो ऑब्वियसली दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी. और फिर ऑब्वियसली फिर मैंने एक्सप्लोर किए, हमें जिस तरह पढ़ाते थे अबाउट इटालियन न्यूरलिज्म, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म एंड ऑल द डिफरेंट ऑथर्स, डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, फिर खुद भी ऑब्वियसली स्टडी की, फिल्म देखी, डिफरेंट सिनेमा देखा डिफरेंट रीजन्स का, तो ऑब्वियसली उससे बड़ा दिमाग खुला. टॉप फाइव एक्टर एंड डायरेक्टर्स. टॉप फाइव डायरेक्टर्स में तो मतलब मैं, मुझे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स पसंद हैं, और मेरी ख्वाहिश भी है कि ऐसे ऐसे माइंड, ऐसे दिमागों के साथ, ऐसे दिग्गज दिमागों के साथ काम करने का कभी अल्लाह करे मौका मिले. तो जैसे तुगमांशु दुलिया हैं, वो बड़ा आर्ट और कमर्शलिज्म को मिक्स करके लेके चलने वाला, उनका बड़ा सिनेमा होता, बड़ा मज़ेदार सा. और अनुराग कश्यप हो गया, उसके अलावा वो आंखों देखी के डायरेक्टर कौन थे, रजत कपूर. मैं मिला भी उनसे, फ्लोरेंस में, इज द मैन. मतलब फ्लोरेंस गया था सिर्फ 8 घंटे बस में बैठ के, जस्ट टू सी हिज फिल्म कपूर एंड सन्स. और वो आए भी थे और उनसे बात की, मुलाकात की, यानी इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम कि वो सेशन के बाद ही वाज आउटसाइड. उनको पता था वो ओवर एक्साइटेड हो, लड़का ही आएगा मेरे पास. फिर मैं गया मिला, मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, शुरू की भी जो है ना, मिथिया और फैट्सो. तो उन्होंने मुझे उससे कहा आंखों देखी देखी, मैंने बोला वो मेरी फेवरेट है, उन्होंने कहा था वो मेरी भी फेवरेट है. हाँ, तो व्हेन समवन कम्स एंड टेल्स मी कि यार आई लाइक आंखों देखी, तो लाइक आई फील रियली गुड अबाउट इट. याद रखना, देखो ना क्या सिनेमा है, लेवल ऑफ उस सच्चाई का लेवल चेक करो ना यार. कहानी आपको दिख रही है सामने, जिंदा जीती जागती, मतलब ये सपने कि यार ऐसे दिग्गज डायरेक्टरों के साथ, इस तरह के दिमाग वाले लोगों के साथ काम, क्या बस खाली बैठ के देख लें ये किस तरह काम कर रहे हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है. ये भी बहुत अच्छा है. एक्टर्स में मनोज बाजपेयी बेस्ट, मतलब मैं कहूँगा कि मनोज वाजपेयी का जो है वो कोई जोड़, मेल जोड़ कोई है नहीं, वो हर करेक्टर में फिट हो जाते हैं, उनका कोई जोड़ नहीं है, वो एक वाहिद हैं. और उनकी मेहनत और वो सारी चीज़ें, और जो वो जो साथी एनएसडीसी नीरज कवि अपना, यार ये रणदीप हुड्डा के बारे में क्या ख्याल? दीप हुड्डा अच्छा, एक वो एक अलग लीग है, वो एक अलग लीग है. क्राफ्ट कमर्शियल दोनों तरफ से एक लेके बड़ा बैलेंस लेके चलने, वो एक अलग लीग है. वो बड़ी ये आंखों से खेलते हैं. पीयूष मिश्रा मेरे सपनों में से एक सपना ये भी कि मैं उनसे मुलाकात हो जाए, बात ही कर लें थोड़ी देर की. वो जो एक अंदाज है गैंग्स ऑफ वसेपुर, अगर किसी ने भी देखी तो वो जो पहले जब धनबाद में, तो मतलब वो जो एक टेम्पो है, तो वो उसने ऐसा पकड़ा कि उस फिल्म ने हिलने नहीं दिया. कि मतलब क्या डायलॉग डिलीवरी, क्या मतलब गेम है बॉस. फिर उसके बाद त्रिपाठी साहब, अरे भाई क्या भाई आपकी गर्दन, क्या आपके एक्सप्रेशन बॉस, आप मतलब गेम है ना यार. तो वो जो ठहराव है, वो जो फ्लो है, वो जो एनर्जी का बहाव है, अरे यार मजेदार. सौरभ शुक्ला की वो नाम है कि संजय मिश्रा, ये वो नाम है कि जिनका काम आप देखो, आप बोलो यार इतनी डेप्थ, इतना वसी एक्सपोजर है लाइफ का, खत्म नहीं यार. गेम है. तो इस तरह के लोगों के साथ, इरफान खान साहब तो चले गए, और तब वो भी एक सटल्टी में एक भारत रखने वाला आदमी, जो बिल्कुल एफर्टलेस आपको लगेगा ही नहीं.
ये वो एक्टर है कि आप स्क्रीन पे देखते हैं लगता है नेचुरल चीज हो रही है बस उसको कोई रिकॉर्ड कर आपको पता नहीं चला आपको लगेगा कि यार ये नहीं नहीं ये तो हो रहा है बस ये तो हो रहा है कर रहा ना भाई ये हो रहा है तो ये वाले मजे थिएटर में बहुत करने को मिलते थे फिल्म में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कट हो जाते हैं फिर उस चीज को वो प्रोसेस भी करने में इसने भी बड़ा साथ दिया अली रिजवी ने बड़ा साथ दिया मदारी में कि आसिफ बलोच के किरदार में कहीं छूट जाती थी चीज़ें तो क्योंकि हमें तो थिएटर की आदत थी कि रिहर्सल 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 फिर फिल्म का उस तरीके से कि यार इतने बड़े बड़े गैप्स इतने पेंडेमिक आ गया बीच में बड़े बड़े लॉन्ग गैप्स थे तो उन गैप्स में चीज़ों को रिकॉल रखना उनको अपने अंदर समेट के रखना तो उसमें इन लोगों का बड़ा हाथ था क्योंकि इनको बड़ा अबूर हासिल था उस स्क्रिप्ट पे का बेबी था ना वो की तरबियत इन्होंने की थी इस तरीके से इन दोनों को पता था ये जहाँ छोड़ता था वहाँ से अली भाई पकड़ते थे कहीं हमें किसी की बात आधी समझ आई किसी की आधी समझ आई तो हम अपना कुछ एक रास्ता बनाते तो बड़ा एक ग्रोथ और बड़ी प्यारी मतलब ये कह सकते हैं कि ओवरऑल मदारी फिल्म की जो कास्ट थी या जो प्रोडक्शन टीम थी उनमें एक फैमिली ओरिएंटेशन भाई मेरे लिए तो एक कोर्स की सी सूरत हाल है कि मैंने एक लाइसेंस कोर्स मैंने कोर्स किया है जिसका मुझे एक जैसे आप मेडिकल फील्ड में होते हैं तो आप डिफरेंट लाइसेंस लेते हैं ना कि ये फिल्म करने का मुझे प्रोडक्शन राइटिंग प्रोसेस डिस्कशन डायरेक्टर टू एक्टर प्रोड्यूसर टू एक्टर प्रोड्यूसर टू डायरेक्टर क्योंकि टीम में जुड़े हुए थे ना सब होता हुआ देख रहे थे कैसे हो रहा है क्या प्रोसेस है क्या है क्या पूरा डिस्कशन में थे हर चीज में ऑन किया हुआ था सब ने तो उसमें बड़ा हाँ मैं इशारा समझ गया आपको हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा लगा तारीफ करो भी तारीफ करो वो नहीं देगा चेक ऑनेस्ट तारीफ कर लेते हैं बहुत मजा आया बहुत अच्छा रहा और यहाँ भी थोड़ा सा फैमिली वाला दोस्ताना माहौल लगा तो हमें तो बड़ा मजा आया बहुत शुक्रिया यही बोलूँ मजा आया मुझे मजा आया अच्छी केमिस्ट्री अच्छी बात हम सुन रहे हैं कर रहे हैं हमारे पड़ोस में रहते हैं एक अच्छा माहौल है बताओ नहीं ना किसी को ये भी नहीं बताओ ना हम कहाँ हैं हम बस हैं एक जगह बैठे हुए कमरे के बाहर क्या है हमें क्या पता तुझे भी नहीं पता हम कहाँ हैं सबकी नजर होती है रिलैक्स तो हमें अच्छा लगा बड़ा मजा आया इनसाइक्लोमीडिया हब सामने चमक रही है येलो और ब्लू कलर में ब्यूटीफुल सब मजे का माहौल तुमने सेटअप बनाया है और ये तुम्हारी अचीवमेंट है कि तुम यहाँ बैठे हो और एक ऐसी जगह तुमने बनाई है जहाँ पे बैठ के कुछ बात की जा सकती बिल्कुल आपके सामने मैं कुछ बात कहूँ आप कुछ बात करें एक दूसरे का इलाज करें एक और आखिरी सवाल मारना इसका आखिरी सवाल ये बिरयानी वाला बिरयानी वाला लपेट दो लपेट दो खाओ पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं करंट सिचुएशन जो इस वक्त बहुत ज्यादा मारामारी का मामला चल रहा है और बहुत पोटेंशियल है बॉस किन किन वक्तों से निकल के आ गया किन किन वक्तों से निकल गया इस आवाम में बहुत पोटेंशियल है इसको पता नहीं है इन हालात में सरवाइव करने वाले लोग ये भाई कुछ और ही मखलूक ये अलग ही मामला है ये अलग ही मामला तो दे रहा है दी थी आपने मिसाल ये अलग ही मामला है ये रास्ता बना लेते हैं अपना दूसरे का बन कर देंगे अपना बना लेंगे तो ये चीज़ बस ये एक चीज़ थोड़ी सी ख़राब है हमारे अंदर कि हम जो है सिर्फ देख रहे होते हैं सेल्फिशनेस भागो दौड़ इधर से उधर तो जब हर कोई बंदा सेल्फिश है तो फिर सब ऊपर नीचे सब राज भाई आप मैं कहूँगा बस घबराना नहीं आपने तो आप तो नहीं कहने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर घबराना नहीं बस जो भी हो घबराना नहीं है उम्मीद रखनी है ये मुल्क हमारा इंशाल्लाह ये कभी ना कभी उरूज पे जाएगा अल्लाह पाक से यही दुआ है तो बहुत शुक्रिया यही वाली है सारा वजन उतारो और दे दो किसी के भी ये कभी ना कभी जाएगा कभी ना कभी जाएगा है भाई
ये मुल्क हमारा है, ये कभी ना कभी ऊपर जाएगा। अब हमारा है तो हम लेके जाएंगे ना, उस पे बात करते हैं कि हम कैसे लेके जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद है, उम्मीद है बॉस, ये कभी ना कभी ऊपर जाएगा, जाएगा। नीचे से सौदा मार दिया वहीं बैठे बैठे। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, अच्छा भाई आजाद मुल्क है। बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच आप लोग आए। और आई होप आप लोगों की फिल्म इंशाल्लाह, आई होप क्या, मुझे तो लग रहा है इंशाल्लाह हिट जाएगी और इंशाल्लाह जरूर जाएगी। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग अस यार। और डू, मैं ऑडियंस को कहूंगा कि डू गो टू द सिनेमाज एंड वॉच आवर फिल्म मदारी ऑन ईद उल अजहा पे आ रही है, आप लोग देखें, जाके देखें, अच्छी लगे बुरी लगे वो बात की बात है, बिल्कुल देखें और फिर अपना ओपिनियन दें। बट आई एम श्योर एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह जरूर। मदारी की जो छोटी छोटी प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, चीजें हैं, वो ऑन एंड ऑफ हमारे पेज पे। हाँ, मदारी फिल्म ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, यू कैन फाइंड द पेज, वहाँ पे लिंक भी लगा देंगे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल लग जाएगा। हाँ, तो फॉलो करें पेज को और लाइक करें और अपडेट्स लेते रहें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट गेस्ट के साथ और नए पॉडकास्ट में विद न्यू होस्ट, न्यू गेस्ट, क्योंकि हमें नहीं पता होता होस्ट कौन है, गेस्ट कौन है। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह।